हेलो 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 वेलकम टू जी एस बाई डॉक्टर विपिन गोयल यूट्यूब चैनल सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जोग्राफी के एम सी क्यूज so, तो जोग्राफी की जितनी भी हमारे सिक्स टू ट्वेल्थ की एन सी आर टीज हैं उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं तो आपको क्लासेज में ये हेल्प करेंगे ठीक है आप कहीं भी भी गवर्नमेंट एग्जाम की कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इंडिया लेवल पे स्टेट लेवल पे कहीं पे भी तो अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं जब जो ज्योग्राफी आपके आती है तो आपको ये क्वेश्चन आपको हेल्प करने वाले हैं और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल जैसा कि सबको पता है

और आपको एक साल की वैलिडिटी के, वैल के साथ लेकिन आपको एक कोड लगाना पड़ेगा उसमें वी आई पी फोर नाइनटी नाइन अदरवाइज ये टू तो थाउजेंड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज के कोर्सेज हैं ये कौन से कोर्सेज हैं टेन थाउजेंड और जीएस कोर्स टेन थाउजेंड एम्स कोर्स में हमने चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज डिस्कस किए हैं डिटेल में और प्लस यहां पे जो है आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं मॉक टेस्ट भी देखने को मिलते हैं और बहुत सारी चीजें मैं अपलोड करता रहता हूं यहाँ पे जीएस कोर्स हमारा एक कोर्स है है बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग टॉपिक्स की क्या है, वो यहां पे हमने समझा है अब इन कोर्सेज को आप कहां से ले सकते हैं स्टडी आई क्यू ऐप और वेबसाइट के ऊपर जिसके लिंक जो हैं आपको कोर्सेज के लिंक वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी आपको गिवन होंगे ठीक है अदरवाइज स्टडी आई क्यू ऐप और वेबसाइट खोलना जैसे ही खोलेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज बिल्कुल एंड में जाना वहां पे नजर आएगा आपको डॉक्टर विपन गोयल कोर्सेज तो वहां पे आपको ये दोनों कोर्सेज नजर आ जाएंगे इसमें कोड लगा लेना वी आई पी फोर नाइनटी नाइन ठीक है तो आपको जो भी कोर्स है वो चार सौ निन्यानवे रुपए में आपको मिल जाएगा क्लियर हो गया तुम्हें यस तो अब देखिए जी ये हर घर शिक्षा में आप ऑन ऑन हो सकते हैं एक साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये कोर्स मिलेगा ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को तो देखिए जी स्क्रीन के ऊपर हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है ज़ायद क्रॉप की बात चल रही है तो इसमें जायद क्रॉप कौन सी है पहली बात तो आपको पता है रबी फसलें हैं और खरीफ फ़सलें हैं रबी फ़सलें आपको पता है कि विंटर सीज़न में उगाई जाती हैं और खरीफ वाली मानसून सीज़न में उगाई जाती हैं जो विंटर यानी सर्दी से मानसून के बीच में कुछ टाइम होता है लाइक फॉर एग्जांपल मार्च से लेके मई तक का खासकर मार्च से मई तक का जो है टाइम होता है उस सीज़न में कुछ भी फसल उगाई नहीं जाती है और उस टाइम पे आपकी जायद क्रॉप उगाई जाती है यानी कि रबी और खरीफ फसलें नहीं उगाई जाती है। तो यहाँ पे बेस्ट क्रॉप कौन सी है वो अगर हम बात करते हैं कॉटन की तो कॉटन तो आपकी खरीफ क्रॉप है ठीक है वाटर ये बनेगा वाटर ठीक है मस्क मेलन ये सब कुछ जो है आपके जायद क्रॉप में आते हैं और यहाँ पे वीट की बात करते हैं तो ये आपकी रबी फसल है क्लियर ये क्या है रबी फसल है जूट की बात करते हैं तो जूट आपके जो है डेट इज नॉट द फसल बट अदरवाइज अगर हम बात करें तो ये उसमें आती है खरीफ में आती है एक चीज मैं आपको और बत, अच्छा एक चीज और आपको बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंट वन तो आंसर इसमें पहले तो बी बनेगा कॉटन के लिए आपका रेवोल्यूशन आया था सिल्वर रेवोल्यूशन सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन के लिए फसल सॉरी uh, सॉयल कौन सी चाहिए ब्लैक सॉयल जिसकी रिटेंशन पावर बहुत ज़्यादा होती है जैसे ही पानी रिटेन हो जाता है क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं उसके ऊपर इम्पॉर्टेंट है और कॉटन जो है हमारे इंडिया में सबसे पहली बार इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोगों ने ही उगाई थी इम्पॉर्टेंट गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं में सबसे ज़्यादा आपको पता है यूपी पंजाब मध्य प्रदेश इन स्टेट्स का नाम आता है और जूट की बात करते हैं तो जूट के लिए आपको पता होना चाहिए गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन गोल्डन फाइबर रेवल्यूशन और जूट सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ पे मिलता है वेस्ट बंगाल और वर्ल्ड वाइड बांग्लादेश ठीक है बांग्लादेश और इंडिया का नंबर वन नंबर टू होता रहता है और बट अदरवाइज इस टाइम पे जो है इंडिया का नाम है और प्लस जूट की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में वेस्ट बंगाल में, में मिलता है याद रखना आंसर इज़ बी ऑप्शन ये देखिए जी ठीक है तो ये आपकी फ़सलें हैं और ये उगाई जाती हैं यहाँ पर ये मूंग ये ये काट दीजिए ये मूंग उरद और मेज क्योंकि मूंग और उड़द जो फसलें हैं ये पल्सीज हैं और पल्सिस हमेशा उगाई जाती हैं आपकी मेनली उगाई जाती हैं डेट इज इन द खरीफ सीजन और मेज जो है ये भी आपका खरीफ वाला आता है चलिए अगला आंसर देखिए अरे इस टाइम इंडिया है मैंने ये बोला मैंने कहा नंबर वन नंबर टू होते रहते हैं और वर्ल्ड वाइड बांग्लादेश में हो जाता है कभी नंबर वन वो हो जाता है कभी हम हो जाते हैं एट प्रेजेंट इंडिया है ये वर्ड यूज किया है ध्यान रखो हाँ चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर जनरेशन ऑफ पावर इन इंडिया पहली बात तो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो पावर होती है वो कौन सी होती है डेट इज थर्मल पावर सिक्सटी सेवन टू सिक्सटी एट परसेंट जो हमारी एनर्जी पावर होती है वो ये होती है एनर्जी जब पैदा करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कोल और नेचुरल गैस वगैरह यूज़ करते हैं बट मेनली इज़ द कोल आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन कोल कोल की चार वराइटीज़ हैं एंथ्रासाइड बिटुमिनस लिगनाइट और पीट वगैरह ये देखी जाती हैं एंथ्रासाइड सबसे गुड क्वालिटी है और पीट सबसे बेकार क्वालिटी का होता है कोल की बात करें नेचुरल गैस की बात करें और मिनरल ऑयल वगैरह की बात करते हैं तो ये कौन सी चट्टानों से हमें देखने को मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स अवसादी चट्टानों से देखने को हमें मिलते हैं इंपॉर्टेंट वन क्लियर नेचुरल गैस के अंतर्गत सबसे ज़्यादा होता है मिथेन सी एच फोर मिथेन होता है यूरेनियम की बात करता हूँ तो यूरेनियम अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करें तो कजाकिस्तान में है यूरेनियम की ओर होती है आपकी पिच ब्लैंड पिच ब्लैंड एक ओर है किसकी डेट इज़ द थोरियम की थोरम थोरियम इंडिया में कहाँ पे मिलता है ज़्यादा केरल केरल में है आपकी मोनाजाइट सैंड वहाँ पे देखने को मिलता है ठीक है यूरेनियम की बात करें यूरेनियम 235 थर्टी फाइव एज ए न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ किया जाता है यूरेनियम की अगर हम बात करते हैं यूरेनियम डेटिंग भी होता है यूरेनियम डेटिंग जिससे हम रॉक्स वगैरह की एज को फाइंड आउट कर लेते हैं पत्थरों वगैरह की पहाड़ों वगैरह की रॉक्स वगैरह की एज को फाइंड आउट कर लेते हैं तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका डी ऑप्शन कोल इज़ द करेक्ट वन कोल और हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन का सॉरी एनर्जी का जो टारगेट है 2022 तक कितना है 175 गीगावाट। चलिए जी अगला आंसर बताइए क्वेश्चन देखिए जी ये रेन भी होनी चाहिए बारिश भी होनी चाहिए और बर्फ भी होनी चाहिए तो वो कौन सा है इसमें पहले तो स्नो तो काट ही दो स्नो तो आप काट ही दो क्योंकि इसमें क्या बनेगा आपके जो होते हैं तो स्नो स्नो का मतलब क्या बनता है आइस क्रिस्टल्स इसमें तो आइस क्रिस्टल्स होते हैं ठीक है तो ये तो बनेगा नहीं ये तो नहीं बनेगा बाकी बात करते हैं यहाँ पे और ड्रीजल की बात करते है, तो हैं जो तो बूंदाबांदी जिसे हम कहते हैं पॉइंट फाइव एम एम के जो है ड्रॉप्स वगैरह निकलते हैं तो इसमें स्नो नहीं होती ये भी आपका पॉइंट गलत हो गया हेल या स्लीट में बनेगा हेल जो होते हैं यहाँ पे आइस होती है आइस लम्ब होते हैं ठीक है बिल्कुल आइस होती है लेकिन यहाँ पे सॉलिड प्रेसिपिटेशन होती है यानी कि आपकी आ, ये आइस सॉलिड फॉर्म में ही ज़्यादा गिरती है यहाँ पर सॉलिड प्रेसिपिटेशन क्लियर मतलब बर्फ ही गिरती है वहां पे बर्फ प्रॉपर बर्फ नहीं ये बर्फ बर्फ के जो हैं ये आ, जो होते हैं आई मीन टू से सॉलिड पार्ट गिरते हैं ऐसे और यहां पे स्लीट लिखा हुआ है स्लीट इज द ये होती है आपकी रेन प्लस स्नो रेन प्लस स्नो तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा थर्ड ऑप्शन यस नहीं 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 सी होगा भाई सी होगा यहां पे मैंने आपको बताया कि सॉलिड प्रेसिपिटेशन हो रही है जाने की बर्फ के गोले गिर रहे हैं ठीक है, है? प्रॉपर बर्फ नहीं गिर रही जैसे बर्फ गिरती है बर्फ के गोले छोटे छोटे गिरते हैं जब ओले जिसे आप कहते हैं तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन सी ऑप्शन क्लियर हो गया आप लोगों को चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है वेस्ट कोस्ट है इंडिया का और उसका जो नदन मोस्ट पार्ट है उसको क्या कहते हैं आपका जो मैप है वो इंडिया का ये है साउथ इंडिया का और इसका जो ये है आपका ये वेस्ट कोस्ट हो गया ये ईस्ट कोस्ट हो गया ये वेस्ट कोस्ट की अगर हम बात करते हैं अगर हम इसका नदन पार्ट की बात कर रहे हैं ये पूरा है इसका नदन हिस्सा यहाँ तक डैट इज़ आपका जो दमन दमन वाला पार्ट गोवा वाला पार्ट महाराष्ट्र वाला पार्ट यानी कि इस पार्ट को हम क्या कहते हैं इस पार्ट को हम क्या कहते हैं कोंकन कोस्ट का कहा जाता है फिर कोंकन से साउथ में क्या है कोंकन से साउथ में होता है आपका मालाबार कोस्ट क्लियर हो गया आप लोगों को ऐसा ही हमारा ईस्ट कोस्ट डिवाइड है जो आपका तमिलनाडु वाला पार्ट है उसे हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं कोरोमंडल से आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा बनता है यहां पे कृष्णा गोदावरी डेल्टा के ऊपर वाला पार्ट यानी कि उड़ीसा वाला पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे इसको हम क्या कहते हैं उड़ीसा वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं यस बताइए कौन से कौन से प्लेन्स कहा जाता है शाबाश बताओ यस बिल्कुल उत्कल प्लेन्स उत्कल प्लेन्स कहा जाता है यहाँ पे उड़ीसा वाले जो एरिया है वहाँ पे यस समझ आया आप लोगों को तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन ए ऑप्शन अगला बताइए ऐसी कौन सी क्रॉप्स हैं हमारे फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन देती हैं सबसे ज़्यादा योगदान देती हैं ये फसलें हमारी प्रोडक्शन में तो ये कौन सी फसलें हैं बताइए फटाफट हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सी फसलें होती हैं देखिए गेहूं और चावल तो बहुत ज़्यादा होता है तो पहले गेहूं और चावल ढूंढो दोनों ऑप्शन कहाँ पे हैं तो ये बी कट गया सी कट गया मान मतलब ए या डी में बनेगा क्योंकि गेहूं और चावल सबसे ज़्यादा होता है ये बारले ज़्यादा होता है या मक्का ज़्यादा होता है मक्का ज़्यादा होता है हमारे इंडिया में तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन यस बिल्कुल सही डी ऑप्शन वीट गेहूँ सॉरी गेहूँ चावल और मक्का वीट राइस और मेज आंसर इज डी ऑप्शन इज़ द राइट वन चलिए अगला आंसर बताइए इनमें से जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो हमें लीस्ट इफेक्ट कौन सा देखने को आपको मिलेगा लीस्ट का मतलब क्या होगा सबसे कम इफेक्ट हमें कौन सा देखने को मिलेगा देखिए जी ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है कि आपका एटमॉस्फेयर पूरा का पूरा गर्म हो चुका है गर्म हो चुका है ग्लेशियर पिघल जाएंगे ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो फ्लड आने की सिचुएशन पूरी बनी रहेगी और बहुत सारी सिचुएशंस और आएंगी वो देखते हैं कि क्या क्या बन सकती हैं देखिए जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो सबसे कम पूछा है पहले देखेंगे इफेक्ट कौन सा पड़ेगा इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ हरिकिंस बिल्कुल तूफान आने की आवृत्ति बढ़ जाएगी ये पॉइंट बिल्कुल सही है बढ़ जाएगी दूसरा है लॉस ऑफ फर्टाइल डेल्टा रीजन एज फॉर एग्रीकल्चर बिल्कुल फ्लड कंडीशन बनेंगे तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा फर्टिलिटी वगैरह सब खत्म हो जाएगी एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगा डिक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द वेजिटेशन ये नहीं बनेगा ये गलत है मतलब ये लीस्ट होगा इफेक्ट तो पड़ेगा लेकिन लीस्ट होगा कैसे क्योंकि आपको पता है कि जो आपका फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपको हीट की तो ज़रूरत होती है 400 टू 700 हंड्रेड की लाइट में विजिबल लाइट में आपकी प्रॉपर तरीके से जो है वो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस करते हैं क्लोरोप्लास्ट क्लो सॉरी क्लोरोफिल वगैरह होते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है आपका खाना बनता है तरीके से ठीक है तो ये आपका नहीं होगा बाकी देखते हैं श्रिंकिंग ऑफ द पोलर आइस रीजन यार ये तो पता ही है, ये होगा देखिए चारे पार्ट होंगे ही होंगे लेकिन इसने लिस्ट पूछा था तो आंसर इसमें क्या बनेगा सी ऑप्शन लिस्ट पूछा है उसने यस बिल्कुल लिस्ट ऑप्शन पूछा है तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन सी ऑप्शन यहाँ पे देखो जब आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी एग्रीकल्चर के ऊपर ग्रीन हाउस गैसेज ओशन की एसिडिफिकेशन हो सकती है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होंगे इको सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा बायोडवेस्टिटी लॉस हो जाएगी फ्रेश वाटर लॉस हो जाएगा डिजर्टिफिकेशन आने लग जाएगी और आपके जो जो बर्फ बर्फ जमी होती है वो पिघल जाएगी प्रॉपर तरीके से ये कंडीशन देखने को आपको मिलेगी कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी कोरल्स ख़त्म हो जाएंगे फिशिंग ख़त्म हो जाएगी हमारे जो समुद्र के अंदर जीव जंतु ज़्यादा पैदा होते हैं जू प्लैंगटोन और फाइटोप्लांकटंस वगैरह सब खत्म हो जाएंगे और डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे हम चलिए जयगलन से बताइए अगला क्वेश्चन बताइए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र आपको पता है चाम यंग दंग ग्लेशियर से स्टार्ट होती है दिखाता हूं आपको यहाँ पे ऊपर से स्टार्ट होती है चैमयांगदंग ग्लेशियर से जैसे ही इंडिया में आती है अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पे आपका नामचा बारवा को क्रॉस करती है नामचा बारवा जब क्रॉस करती है हमारा द ईस्टर्न एंकर ऑफ द हिमालयस ठीक है, है।, है? क्रॉस करती है इंडिया में आती है अरुणाचल प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश से एज ए दिहानग रिवर आती है ये फिर उस ये आ जाती है असम में असम में ये कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी होती है दिह रिवर हो गया लोहित हो गया ठीक है यहाँ पे दिह सुबानसुरी हो जाता है ठीक है और यहाँ पे आपकी जो है ये लोहित रिवर हो गया ठीक है और दिबांग रिव हो गया दिहांग दिबांग कामिंग सुबानसरी ये सारी रिवर्स जो होती हैं ये इसका पार्ट बनाती हैं और ये सारी नदियाँ क्या बनाती हैं असम के अंदर एक आइलैंड बनाती हैं जिसे हम क्या कहते हैं मजूली आइलैंड भी कहा जाता है सो दीज आर ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि नॉर्थ द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा कामेंग तो है सुबानसरी भी है दिहांग भी है सुबरनेखा नहीं है सुबर नेखा इज द करेक्ट वन डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन यस अगर आपसे पूछा कि ये सुबरनेखा जो है ये कहाँ कहाँ से घूमती है ये घूमती है झारखंड वेस्ट बंगाल और उड़ीसा इंपॉर्टेंट और सुबरनेखा रिवर के ऊपर कौन सा कौन सा फॉल है दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट हंद्रू हंद्रू जो आप में से झारखंड वाले पेपर की तैयारी कर रहे हैं या वेस्ट बंगाल उड़ीसा वाले पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये पढ़ लेना कि हुन्द्रू फॉल जो है आपका कहां पे है दैट इज ऑन द सुबर नेखा रिवर दिस इज इंपॉर्टेंट वन आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन डी ऑप्शन चलिए जी अगला आंसर बताइए मोल्टन रॉक बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड देखिए सीधी सी आता है पृथ्वी नीचे मतलब ऑब्वियसली बात है धरती है धरती के अंदर जो है आपका ये सारा कुछ पिघला पड़ा है और जब मोल्टन है और इसके नीचे क्या है जहाँ पे पत ये है ये क्या होता है दिस इज कॉल्ड मैग्मा जैसे ही धरती के ऊपर आ गया उसको हम क्या कहेंगे लावा बोल देंगे और लैकोलिथ क्या होता है लेकुलिथ ऐसे होता है कि जैसे धरती के नीचे है तो धरती के नीचे अगर मैं बात करता हूँ तो वो ऑब्वियसली बात है कहीं भी कहीं ना कहीं जम जाता है अगर ये प्रॉपर तरीके से ऐसे आई मीन टू से बिल्कुल पैरल शीट लाइक जो है आपकी इंट्र्यूजन हो जाती है बिटवीन द रॉक्स दो रॉक्स के बीच में ऐसी लेयर बन जाती है तो डैट इज कॉल लेकोलिथ और बसाल्ट क्या होता है बसाल्ट होता है जैसे ये मैग्मा मैग्मा बाहर आ जाता है तो यह जो आपकी प्राइमरी रॉक्स होती हैं जिसे हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स उसमें आपकी जो है प्राइमरी इग्नियस रॉक्स और एक्सक्लूसिव होती हैं एक्सक्लूसिव मतलब बाहर जो जम जाती हैं एक्सक्लूसिव तो वो बनती हैं आपकी बसाल्ट की दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट वन ये पूछा जाता है बसाल्ट इज ए टाइप ऑफ एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स जो प्राइमरी चट्टें होती हैं प्राइमरी रॉक्स होती हैं उसमें वसाल्ट आती है और एक्सक्लूसिव वाली होती है ये याद रखना इंपॉर्टेंट है समझ आया आप लोगों को यस जी जी आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर मैग्मा होगा मोल्टन रॉक बिलो द अर्थ सरफेस लावा होगा जब धरती के ऊपर आ जाएगा पायरो क्लास्टिक भी पूछा जाता है पायरो मतलब मैंने हमेशा बताया है हाई टेम्परेचर की बात यहाँ पे आएगी डेट इज हाई टेम्परेचर में क्या होगा सॉलिड जो होगा वो धरती से फटैक बाहर बाहर निकलेगा देखो कैसे फूट फूट के बाहर निकल रहा है सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन अगला देखो ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये कहां पे है ग्रेट बैरियर रीफ यस बताइए जी पहली बात तो ये कोरल्स वगैरह बनाते हैं कोरल वाला पार्ट है और एक कोरल जो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के मिलके बनाए जाते हैं हार्ड स्केल्टन बनाते हैं कॉलोनीज में ये रहते हैं और ये ग्रेट बैरियर रीफ भी आपका कोरल आइलैंड है और ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न बाउंड्री के ऊपर देखने को मिलता है ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया ये है ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड पर है ये ग्रेट बैरियर रीफ और ये कौन सा इलाका है यहाँ पर डैट इज द क्विंजलैंड क्वींसलैंड वाला पार्ट है जहाँ पे देखने को मिलता है आपका ग्रेट बैरियर रीफ अच्छा ये पूछा जाता है आपसे कि इंडिया में है बिल्कुल है अगर हम इंडिया का साउथ इंडिया लेके चलते हैं तो कोरल्स कहाँ कहाँ पे हैं आपके यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ में है लक्षद्वीप में हैं गल्फ ऑफ मन्नार में है और अंडेमान निकोबार आइलैंड में आपके कोरल्स देखने को मिलते हैं सो दीज आर द फोर एरियाज जो इंडिया में देखने को आपको मिलते हैं येस yes, बिल्कुल सही चलिए अगला आंसर बताइए क्वेश्चन ये बोलता है कि हमारे धरती के ऊपर जब भी नेचुरल हैज़ार्ड होता है नेचुरल मतलब प्राकृतिक नेचर अपना खुद इफेक्ट दिखाती है तो इनमें से सबसे ज़्यादा कम समय के लिए कौन सा आता है सबसे मिनिमम शॉर्ट टर्म नेचुरल हैज़ार्ड इस अल्पकाल अल्पकालिक प्राकृतिक खतरा वो जो बहुत ज़्यादा कम होता है वो कौन सा इसमें से होता है जल्दी से जल्दी बताइए अगर मैं ब्लिज़र्ड की बात करता हूं ठीक है तो ये तो कैनेडा वाली साइड पर बहुत ज्यादा बर्फ की हवा चलती है जहां पर कनाडा वाली साइड पे बर्फ पूरी हवा में चलती है स्नो स्ट्रॉम होता है तो ये तो आपका नहीं बनेगा ब्लिज़र्ड तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा अर्थक्वेक कुछ टाइम तक हो सकता है तो ये भी नहीं बनेगा वॉलकैनिक कुछ टाइम तक चलती रहती हैं ये भी नहीं बनेगा तो आंसर क्या बनेगा दैट इज़ अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग आंसर इसमें डी ऑप्शन लाइटनिंग बिजली मतलब थोड़ा सा लिशकी और एट द एंड खत्म ठीक है तो आंसर इसमें डी इज द करेक्ट वन अच्छा इसी से दिमाग में, में मेरे एक क्वेश्चन आता है वो साइंस के रिलेटेड है आप एक चीज़ बताओ जब हम ये जो लाइटनिंग वगैरह होती है मतलब खड़ ये गड़गड़ाहट सी होती है आसमान में तो हमें लाइट दिखती है या पहले साउंड सुनती है ये क्वेश्चन बहुत बार आता है ये एक लॉजिक लगा लो आप कहेंगे कि सर नहीं मुझे तो आवाज़ सुनाई दे क्योंकि हमें क्या होता है हमें ये नहीं दिखता कहाँ पे हो रही है लाइटनिंग हमें पहले ही दिखती है आवाज़ बाद में सुनती है रीज़न क्या है लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है थ्री इंटू टेन एज टू पावर एट मीटर पर सेकेंड ठीक है और जो साउंड की स्पीड होती है वो होती है थ्री थर्टी टू मीटर पर सेकेंड अब ये बताओ दोनों में से ट्रैवल ज्यादा कौन करेगा लाइट करेगी तो ऑब्वियसली बात है लाइट की स्पीड ज्यादा है तो हमें लाइट पहले दिखेगी तो ये भी आप याद कर लेना क्लियर आंसर इज डी ऑप्शन ये दिखे जी लाइटनिंग चलिए जी अगला आंसर बताइए हिमालय इज द एग्जाम्पल ऑफ हिमालय जो है वो किसकी एग्जाम्पल है हिमालय आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन जहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होती रहती है और इनकी हाइट 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 जो है बढ़ती चली जाती है तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा हिमालयस का ओरिजिन कहाँ से हुआ था टेथेसी से हिमालयस की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है और इसकी ऊंचाई है एट मीटर तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा ब्लॉक माउंटेंस की बात करते हैं तो ब्लॉक माउंटेंस में इस तरीके का ब्लॉक नीचे की तरफ आ गया ये धरती है और ऐसे ब्लॉक बन जाता है जैसे कि आपका नर्मदा और सतपुड़ा के बीच सॉरी विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में जो नर्मदा है वो रिफ्ट वैली का रास्ता क्रॉ रिफ्ट वैली बनाते बनाते चलते 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 वो ब्लॉक माउंटेंस का पार्ट बनाते बनाते आपकी ऐश्वरी बना लेती है कहाँ पे गल्फ ऑफ जो है आपका अरेबियन सी के अंदर तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन क्लियर एशियंट जो पुराने टाइम पे चल रही हैं रेजिडुअल का मतलब क्या होता है जब प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर हवा पानी प्रेशर कुछ भी सारा कुछ लग के जो एंड में रॉक्स रह जाएंगी जिसके ऊपर कोई असर नहीं दिखता तो वो हो जाती है रेजिडुअल माउंटेन्स दिस इज इंपॉर्टेंट वन आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा ये हिमालय जो तो है यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड अगर आपसे पूछा पेपर में इंडिया में सबसे ज़्यादा जो इंडिया में जो है फोल्ड माउंटेन्स कौन सी हैं तो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट ओल्ड फोल्ड माउंटेन नॉट ओल्डेस्ट ओल्ड फोल्ड ओल्ड फोल्ड माउंटेन है हमारे इंडिया में डेट इज़ अरावलीस और अरावलीस की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर गुरु शिखर हमें कहां पे देखने को मिलती है राजस्थान में यह भी आपको याद रख लेना है आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन ए ऑप्शन सो हिमालयस इन एशिया आर द एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स चलिए अगला आंसर बताइए क्वेश्चन बताइए जी फटाफट हम्म अंडेमान निकोबार आइलैंड इज सेपरेटेड बाय विच चैनल बहुत सिंपल क्वेश्चन है अंडेमान और निकोबार सेपरेट होते हैं टेन डिग्री चैनल से आंसर इज बी ऑप्शन पाक स्टेट आपको पता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में है और वहीं पे ही आपकी क्या है गल्फ़ ऑफ मनार तमिलनाडु के बिल्कुल सदर्न साइड के ऊपर आपको देखने को मिलती है गल्फ़ ऑफ मनार ये 11 डिग्री क्या है वो मैं आपको बताऊंगा पहले तो हम देखते हैं डैट इज़ कॉल्ड ये है 10 डिग्री चैनल सो हेयर इज अ टेन डिग्री चैनल बिटवीन द अंडेमान एंड निकोबार अब यहाँ पे देखिए जी लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में लक्षद्वीप और जो है आपका मालदीव्स के बीच में कौन सा है आपका दैट इज एट डिग्री चैनल दिस इज इंपॉर्टेंट वन आठ डिग्री चैनल देखने को मिलता है क्लियर हो गया आप लोगों को yes. यस अगर आपसे पूछा जाए मिनी क्वाय और लक्षद्वीप के मिनी क्वाय और लक्काद्वीप के अंदर है आपका नौ डिग्री चैनल याद रखना इंपॉर्टेंट है ये नौ डिग्री टेन डिग्री ये पूछे जाते हैं आठ नौ दस पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट है अच्छा अंडेमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए सैडल पीक जो आपके अंडेमान की सबसे ऊंची चोटी है नॉर्थ अंडेमान की चलिए जी अगला आंसर बताइए अगला अगला आंसर बताइए यस क्वेश्चन ये है द लेयर वेयर द डिक्रीज इन द टेम्परेचर विद इंक्रीज एल्टीट्यूड इज टोटली एबसेंट मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड मतलब हाइट में ऊपर चले जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होना ख़त्म हो जाएगा वो कौन सी लेयर से होता है पहली बात तो ये है कि जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते हैं टेम्परेचर आपका कम होता है जैसे मैंने आपको बताया था कि एक किलोमीटर ऊपर जाने से सिक्स पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपका कम होता है और ये होता है जब हम ट्रोपोस्फियर से ऊपर तरफ जाते हैं ट्रोपोपॉज वाली कंडीशन जहां पे आपका नॉर्मल लैप्स रेट आप कहते हैं तो ये चीज़ एबसेंट कहां पे हो जाएगी ये ऑब्वियसली बात है ट्रोपोस्फियर के बाद दूसरे लेयर जो आती है वहां पे दैट इज द स्टेटोसफियर समताम मंडल में ये चीज़ खत्म हो जाएगी और समताम मंडल वो लेयर है जहां पर आपकी जेट प्लेन्स चलते हैं क्लियर और ट्रोपोस्फियर वो वाली लेयर है जहां से आपका क्लाइमेट का फिनोमिना रेनफॉल रेनफॉल का फिनोमिना ठीक है और क्लाउड्स का फिनोमिना देखने को आपको मिलता है और आइनोस्फीयर यू नो आइनोस्फीयर जहां पे आइंस वगैरह देखने को मिलते हैं और सबसे ज्यादा हॉटेस्ट लेयर है डेट इज कॉल्ड थर्मोस्फीयर भी इसको कहते हैं मिजोस्फेयर इज द कोल्डेस्ट लेयर सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट है तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका डेट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर सी ऑप्शन स्टेटोस्फियर इज द राइट वन चलिए अगला आंसर बताइए हाँ वो तो ठीक है यार ट्रोपोस्योर में गुड जोन बैड जोन वो तो आपका कॉन्सेप्ट आपको पता ही है अगला बताइए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इनमें से कौन सा नहीं है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पहली तो आपको पता होना चाहिए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होते हैं जो नेचर से आते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल जो नेचर से आते हैं ठीक है वो कौन कौन से फायरवुड लकड़ी क्लियर हो गया आप लोगों को यस yes? हाँ काउडंग वगैरह ये सारे क्या हैं नेचुरल हैं दीज आर द कन्वेक्शनल क्लियर और यहाँ से हम बहुत सारी एनर्जीज को पैदा करते हैं जैसे कि विंड एनर्जी होगी टाइड एनर्जी हो टाइडल मतलब विंड होगी टाइडल होगी और आपकी सोलर होगी क्लियर जियोथर्मल होगी सो दीज आर द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और यहाँ पे वो पराम पारंपरिक हैं ये गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है देखिए जी सीधी सी बात है सोलर एनर्जी तो है ठीक है और विंड एनर्जी भी है तो इस टाइडल पार, टाइडल पावर भी है तो नेचुरल गैस नहीं है तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर क्योंकि वो पूछ के आ रहा है नॉट द नॉन कन्वेंशनल नॉट द नॉन कन्वेंशनल समझ आया तुम्हें जी यहां पे देख लो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी सॉरी मैं यहां पे कन्वेंशनल वर्ड यूज कर गया सॉरी दीज आर द नॉन कन्वेंशनल दीज आर द नॉन दीज आर द नॉन कन्वेंशनल जो मैं वर्ड यूज कर रहा था वो नॉन कन्वेंशनल था डैट इज फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी विंड एनर्जी हाइड्रो एनर्जी जियो थर्मल बायोफ्यूल बायोगैस सो दीज आर द नॉन कन्वेंशनल क्लियर हो गया आप लोगों को यस yes. बिल्कुल अगला बताइए कौनसा डैम जो है बागीरथी रिवर के ऊपर है ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बागीरथी रिवर के ऊपर कौन सा डैम देखने को मिलता है यस yes. इंपॉर्टेंट है भागीरथी रिवर के ऊपर तहरी डैम है आंसर इज इज डी ऑप्शन द करेक्ट वन डी ऑप्शन और ये हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है हाईएस्ट ऊंचाई के ऊपर भागीरथी और अलकनंदा ये मिलते हैं कहाँ पे देवप्रयाग में जहां से आपकी रिवर स्टार्ट होती है गंगा रिवर और गंगोत्री ग्लेशियर से कहते हैं एक्चुअली देव से स्टार्ट होती है कोयना रिवर के ऊपर जो है आपका कोयना डैम देखने को मिलता है दैट इज इन द महाराष्ट्र और श्री शैलम डैम जो है आपका कहाँ पे कृष्णा रिवर के ऊपर है याद रखिए इंपॉर्टेंट है कृष्णा रिवर के ऊपर है आंध्र प्रदेश में सरदार सरोवर डैम कहां पे है डेट इज ऑन द नर्मदा रिवर जहां पे आपकी जो है वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्त बनाई गई है सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन तो आंसर इसमें डी इज द करेक्ट वन तेहरी डैम इज द करेक्ट वन तेहरी डैम अगला बताओ क्वेश्चन ये है हमारे धरती से क्रस से बहुत सारी चीजें मिलती हैं लेकिन सबसे ज़्यादा एलिमेंट इनमें से कौन से हैं कौन से एलिमेंट देखने को मिलते हैं पहली बात तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है आपको ऑक्सीजन उसके बाद सिलिकॉन उसके बाद आपका एल्यूमिनियम फिर मिलता है आयरन फिर मिलता है कैल्शियम बस ये ये पाँच याद कर लो ठीक है तो ये पाँच याद कर लो बहुत है तो ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है सिलिकॉन भी नहीं है एल्यूमिनियम और आयरन है तो आंसर इसमें टिक क्या करेंगे हम ए ऑप्शन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपसे पूछा कि एलिमेंटल फॉर्म में तो एलिमेंटल फॉर्म में तो आपका यही देखने को मिलेगा जो मैंने आपको बताया है ऐसे ठीक है ऑक्सीजन फिर सिलीकॉन फिर एलमिनियम फर आयरन फिर कैल्शियम अगर आपसे पूछा कि अच्छा ये बताइए सबसे ज़्यादा मेटल कौन सी मिलती है धातु कौन सी मिलती है तो मेटल में आपको पता है मेटल में यहाँ पे सबसे ज़्यादा एलमिनियम मिलती है दूसरे नंबर पे आयरन मिलता है याद रखना इंपॉर्टेंट है गलती मत कर देना पेपर में यस आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर पे देखो जो मैंने आपको बताया था वो ही पांच याद कर लो बहुत है और बाकी याद करने की जरूरत नहीं है चलिए आंसर बताइए क्वेश्चन बोल रहा है हिमालयन माउंटेन्स के ऊपर है और उनकी रिवर्स के ऊपर स्टेटमेंट आपको बतानी है कि इसमें सही कौन सा है हिमालयन माउंटेन्स ज्यादा यंग माउंटेन्स वीक भी होती हैं फ्लेक्सिबल भी हैं और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में ये बिल्कुल सही है यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है वीक हैं फ्लेक्सिबल हैं प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होती रहती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है हाइट अभी भी बढ़ती चली जा रही है तो ये पहला पॉइंट तो सही है दूसरा है हिमालय आर डाइसेक्टेड बाय द फास्ट फ्लोइंग रिवर्स विच आर इन देयर यूथफुल स्टेज बिल्कुल सही इंडस रिवर होगी गंगा रिवर होगी सारी रिवर्स जो हैं आपकी और ये पांच नदियां जो हैं इंडस की सारी की सारी कहाँ से स्टार्ट होती हैं आपके हिमालय से स्टार्ट होते हैं ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है तो डैट मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दोनों ऑप्शन आपके क्या हैं राइट हैं यस बिल्कुल सही बोथ आर द राइट वन बोथ आर द राइट वन बोथ आर द राइट क्लियर दोनों सही हैं और एक चीज मैं आपको बता दूं बहुत सारे लैंडफॉर्म वगैरह बनाती है वगैरह ठीक है वी शेप्ड वैलीज स्टेज में ये बनाती है याद रखना चलिए अगला आंसर बताइए ये क्वेश्चन याद करने वाला है ये क्वेश्चन आप याद कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा ये मैंने इतना क्वेश्चन ढूंढा था तो मुझे पता नहीं कहां की वेबसाइट से डाल के फिर मैंने कोई पीएचडी वगैरह से पता नहीं कहाँ से राजस्थान की वेबसाइट वगैरह खोल के फिर ये क्वेश्चन मुझे मिला था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आया हुआ क्वेश्चन है और आया सिर्फ दो चार एग्जाम में ही है ठीक है हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो राजस्थान डेजर्ट जिसे आप थार डेजर्ट कहते हैं तो इसका जो है विस्तार कहाँ पे देखने को आपको मिला था ये एक स्टडी हुई थी स्टडी में देखने को मिला था डेट इज़ द प्लेस्टोसिन एज एंड रिसेंट डिपॉजिट यहाँ पे बस इतना आप याद कर लीजिए मैं आपको कहूँगा कि ये क्वेश्चन आप सीधा से सीधा याद कर लीजिए जैसे रट्टा तो नहीं मैं कहूँगा याद कर लीजिए ठीक है तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा नहीं सी ऑप्शन याद करने वाला क्वेश्चन है ये यस याद करने वाला क्वेश्चन है ये क्योंकि ये मैंने बहुत ज़्यादा जब स्टडी किया था तो पीडीएफ से मुझे मिला था मतलब पी एच डी वगैरह की स्टडी थी वो तो उसमें मिला था ये मुझे तो ये आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन यस कई बार आ जाते हैं कोई रिसेंट स्टडी वगैरह होती है तो उसमें आ जाता है ऐसे बस याद कर लीजिए अगला देखिए सेलिनेशन ऑफ द सॉयल मिट्टी का जो लवण होता है वो किसके कारण होता है देखिए सेलिनेशन का मतलब क्या होगा नमक आ गया नमक क्यों आएगा जैसे अगर हम बात करें कि समुद्र का पानी नमक वाला है क्यों रिवर्स का तो होता नहीं है तो जब रिवर्स आती हैं रिवर्स बहती हैं सभी जगह से बहती हैं और सारा का सारा मिट्टी ये वो पहाड़ों से सब कुछ लेके एट द एंड समुद्र में जाके घेर देती हैं तो डेट मीन्स नमक है जहां जहां से नदियां तैरती हैं वहां पे नमक है और ज्यादा नमक एट द एंड कहां पे चला जाएगा समुद्र में तो ये सेम चीज वही है कि मिट्टी के अंदर भी जो लवण होते हैं यानी कि नमक होता है वो क्यों आता है ज्यादा से ज्यादा अगर आप पानी देंगे तो पानी जब देंगे तो ऑब्वियसली बात है पानी नीचे चला जाएगा नीचे चला जाएगा और एट द एंड ऊपर सॉयल के ऊपर क्या रह जाएगा सारे के सारे सॉल्ट रह जाएंगे डैट मीन्स एक्सेसिव इरीगेशन जब आप ज्यादा से ज्यादा सिंचाई करेंगे तो उस टाइम आपको देखने को ये मिलेगा तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा और मैंने आपको बताया था और उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं लीचिंग लीचिंग ऑफ द सोइल भी यही होता है लीचिंग ऑफ द सोइल भी ये होता है मतलब एक्सेसिव इरिगेशन और नमक दिखेगा उसके ऊपर तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका सी इज द करेक्ट वन यस सी ऑप्शन पेस्टिसाइड सोइल इरोजन सोइल इरोजन का मतलब ये होता है अच्छा एक क्वेश्चन आता है पेपर में आपको एक होता है वेदरिंग एक होता है इरोजन वेदरिंग का प्रोसेस क्या होता है कि जैसे इसको सपोज़ करो कि यहाँ पे कोई मिट्टी है कोई भी चीज़ है पहाड़ है रॉक है कुछ भी इसके ऊपर हवा पानी का प्रेशर पड़ा ये यहीं से टूटा और यहीं पे गिर गया तो डैट इज़ कॉल्ड वेदरिंग और इरोजन का मतलब क्या होता है चाहे सॉयल लगा लो सॉइल का इरोज़न लगा लो फॉर एग्जाम्पल सॉइल यहाँ पर बड़ी थी हवा आई ठीक है यहाँ की सॉइल को उठा के यहाँ पर ले गई तो दिस इज़ कॉल्ड इरोज़न ठीक है तो वैदरिंग और इरोजन में यही डिफरेंस होता है वैदरिंग उसी जगह पे हो गई और इरोजन एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लेके तो डैट इज कॉल्ड इरोजन इंपॉर्टेंट वन क्लियर क्रॉप रोटेशन का मतलब जो है आप मल्टीपल क्रॉप सॉरी आप एक सीजन फिर कोई और दूसरे सीजन कोई क्रॉप तीसरे सीजन कोई क्रॉप तो डैट इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन यस आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर सी ऑप्शन यहाँ देखिए प्रेसिपिटेशन हुआ इवेपोरेशन हुआ प्रेसिपिटेशन ये सारा का सारा नमक जो है धरती के नीचे चला गया दिस इज कॉल्ड लीचिंग तो इवेपोरेशन भी हो रहा है पानी उड़ रहा है और नमक पानी नीचे भी जा रहा है नमक रह, रह जाएगा ऊपर की ऊपर क्लियर हो गया आप लोगों को सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन क्लियर हो गया क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इलेक्ट्रिक पावर इज़ प्रोड्यूस जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है विद्युत जल शक्ति विद्युत जो शक्ति है आपकी वो इनमें से कहाँ से प्रोड्यूस होती है जल्दी से जल्दी बताइए ये. ये चार लोकेशन है डेट इज़ नेवेली एनोर तूतीकोरिन एंड एन मैटूर तो ये क्या हैं एक्चुअली ये चारों प्लेसेस जो हैं तमिलनाडु के अंदर देखने को आपको मिलती हैं तो डैट मीन्स जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात कर रहे हैं हम तो वो भी क्या है तमिलनाडु के अंदर है यहाँ पे तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा मैतूर आंसर इसमें क्या बनेगा डी ऑप्शन मैतूर इज़ अ करेक्ट वन डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर की बात करी थी काफ़ी लोग जो बच्चे इसमें से आप में से जो एनोर आंसर दे रहे हैं तो इनको ये नहीं पता कि ये पोर्ट है ये पोर्ट है जहाँ पे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ये पोर्ट है ठीक है और उसके बाद एनोर को हम और क्या कहते हैं डेट इज़ कामराजार पोर्ट भी कहा जाता है ठीक है यस yes. कामराजार आजार का हाँ कामार कामराजार पोर्ट भी इसको हम कहते हैं बिल्कुल सही चेन्नई के अंदर है और ये जो है पहला पोर्ट है जो पब्लिक कंपनी ने बनाया था उसके बाद बात करते हैं नेवेली तो ये क्या है ये कोल माइंस हैं कोल माइंस हैं कहाँ पे अगेन तमिलनाडु में रियन की अगर हम बात करते हैं जिसे आप वी ओ चिदम्बरम वी ओ चिदम्बरम जो है पोर्ट इसको कहते हैं तो ये ऑल्सो इज द तूती कोरियन के अंदर जो है तुति कोरिन तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलता है यस yes, बिल्कुल सही तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है यस yes, आंसर इसमें क्या बनेगा डी ऑप्शन बनेगा मैथुर इज द करेक्ट आंसर मैथुर डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर अगला क्वेश्चन देखिए विच कंट्री इज द मोस्ट प्रोडक्टिव कंट्री ऑफ द रॉ जूट कौन सा देश जो है कच्चे जूट का सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र उत्पादक देश है देखिए जूट की बात कर रहे हैं तो जूट आपको पता है जूट के बैग्स वगैरह बनते हैं इसके लिए रेवोल्यूशन कौन सा था गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन ठीक है सुनहरी रेशे जो भी रेवोल्यूशन था और यहाँ पे सबसे ज़्यादा रॉ जूट कहाँ पे मिलता है इंडिया में और इंडिया में मैंने आपको बताया था कि लोकेशन कौन सी है वेस्ट बंगाल और दूसरे नंबर पे बांग्लादेश में देखने को मिलेगा तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका डी ऑप्शन नॉट ए इट्स डी इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा है नेचुरल फाइबर जी बिल्कुल और ये आपसे पूछा जा सकता है ये हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है बार्क बार्क ऑफ द स्टेम बाक ऑफ द स्टेम से जो है हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और ये हमारी जो है कैश क्रॉप है कैश क्रॉप है ये इसको मतलब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए ही जो है यूज़ करते हैं इसको बेचेंगे तुरंत हमें पैसे मिल जाएंगे अगर आपसे पूछा कि जूट के अंदर सबसे ज़्यादा जो पार्ट होता है वो किस चीज़ का ज़्यादा होता है तो सेलुलोज और लिग्न का पार्ट ज़्यादा होता है सेलुलोज और लिग्न जो है इसके अंदर रिच होते हैं डेट इज द जूट आंसर इसमें क्या बनेगा आपका यस yes, बिल्कुल डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर इंडिया समझ आया तुम्हें यस डी ऑप्शन बनेगा राइट वन डी ऑप्शन इंडिया इज द करेक्ट आंसर अगला आंसर बताइए फटाफट मैं तभी तो, तो कहता हूं तुम सबका रॉन्ग इसीलिए होता है कि तुम ना समझ के नहीं पढ़ते क्वेश्चन को देख के नहीं पढ़ते जस्ट आप आंसर लगाने की कोशिश करते हैं और भागने की कोशिश करते हैं और मैं ना इन सबका बच्चों का देख लेना जिस दिन मैंने पहला मॉक टेस्ट डाला ना अपने टेन थाउजेंड एम सी क्यू में सबके ना नानी याद आयानी पसीने छूट जाने कि सर ने क्वेश्चन कहाँ से निकाल दिए सर ने पढ़ा भी रखे हैं लेकिन हमें क्यों नहीं आते समझ आया तुम्हें तुम्हें उस दिन पता लगेगा और तुम्हें पता लगेगा कि सर ने ना जो पेपर का लेवल सेट किया है ना बिल्कुल एग्जाम लेवल सेट किया है कि जो एग्ज़ाम में आता है वैसा ही है पेपर तो आपको पता लगेगा और यह नहीं है कि चीजें आसान भी पढ़ो मुश्किल भी पढ़ो मीडियम भी पढ़ो लेकिन पेपर का जो लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना बहुत जरूरी है आपका चलिए जी क्वेश्चन दीजिए फटाफट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट मोस्ट टू द वर्ल्ड डायमंड डिजास्टर मतलब सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक योगदान देता है वो कौन सा देता है यस चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देता हूं ठीक है ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है ये ढूंढ ना ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है ठीक है और अच्छा एक चीज़ बताना मुझे कि जो डायमंड है मैं इसके एडिशनल फैक्ट्स में आपको बता देता हूं डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन सबसे नेचुरल हार्डेस्ट नॉन सब्स्टांस है दुनिया में कोई भी नेचुरल चीज़ हार्ड है तो सबसे ज़्यादा डायमंड डायमंड चमकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसके अंदर क्लियर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का फिनोमिना और प्लस वहां पे जो है ये सारे फिनोमिनाज यहां पे चलते हैं अब क्वेश्चन यहां पे ये है कि इसका आंसर जापान है या साउथ अफ्रीका ये दोनों में आंसर है 50 50 मैंने कर दिया अब 50 50 में ए ऑप्शन या बी ऑप्शन आपको लगाना है पेपर में ठीक है कि क्या है और डायमंड सिटी किसे कहते हैं सूरत को कहते हैं और हमारे देश में डायमंड माइन्स हैं कहाँ पे पन्ना माइन्स और पन्ना माइंस कहाँ पे हैं मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश में आपका पन्ना बायोसवी रिजर्व भी है टोटल बायोसि रिजर्व हमारे टोटल इंडिया में 18 हैं पन्ना बायोसि रिजर्व जो है हमारा बारहवां बायोसि रिजर्व बना जो यूनेस्को के मैन एंड बायोसि प्रोग्राम के अंतर्गत आया ये ध्यान रखना है आपका लेकिन ये क्वेश्चन आप करके लेके आएंगे कि हाँ इसका आंसर ए है या बी है दोनों में है ऑप्शन ए या बी में दोनों में से किसका ऑप्शन बनेगा ठीक है ए है बी है सी है डी है मतलब फिफ्टी फिफ्टी नहीं मैं करूँगा सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है ठीक है नॉट फिफ्टी फिफ्टी इसका आंसर जापान भी हो सकता है रशिया भी हो सकता है और साउथ अफ्रीका भी हो सकता है यूएसए हम शायद कह सकते हैं कि यूएसए नहीं हो सकता मतलब इन तीनों में ऑप्शन है आप बताना ठीक है चलिए अगला बताइए hmm. हाँ हाँ बिल्कुल एन के लिए भी है बिल्कुल जितने भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए एग्जाम के लिए हमने कोर्स तैयार किया है और वो भी हमारा मॉक टेस्ट वो दे सकते हैं और ये क्लास भी वो ले सकते हैं अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो ये क्लास ले सकते हैं बिल्कुल ले सकते हैं चलिए जी फटाफट आंसर दीजिए देखिए डेट इज़ कॉल्ड गोरेवाड़ा झील जो है ये कहाँ पे है गोरेवाड़ा लेक जो है ये कहाँ पे स्थित है जल्दी से जल्दी बताइए शाबाश गोरेवाड़ा लेक जो है ये कहां पे है बिल्कुल सही तो ये है नागपुर के अंदर आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा बस इतना ही याद करना है आपको नागपुर इज द करेक्ट आंसर बस डी ऑप्शन यस नागपुर इज द राइट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर अच्छा एक चीज आपको और मैं बता देता हूं कि यहां पे नागपुर इज इन द दा महाराष्ट्र महाराष्ट्र के अंदर एक लेक है आपकी लोनार लेक लोनार लेक ठीक है लोनार लेक जो है आपकी मिट्योरिटी लेक है जो आपके उल्का पिंड थे वो आके घिरे थे इंडिया के अंदर कहाँ पे महाराष्ट्र में और वहाँ पे लेक बन गई थी जिसे हम क्या कहते हैं लोनार लेक लोनार लेक को कन्फ्यूज़ नहीं करना आपको लोक तक लेक से कन्फ्यूज़ नहीं करना लोक तक लेक जो है आपकी कहाँ पे है मणिपुर में है और मणिपुर में एक आपका नेशनल पार्क है जिसे हम क्या कहते हैं लामजाओ नेशनल पार्क और ये जो नेशनल पार्क है ये आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो मणिपुर में लोक तक लेख के ऊपर है तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर नागपुर इज द राइट वन नागपुर सबसे दक्षिण वाली जो है पर्वतमाला का नाम क्या है सदन मोस्ट हिल रेंज जो है आपकी कौन सी है सबसे दक्षिण पहाड़ी पर्वतमाला जो है इनमें से कौन सी है नीलगिरी है अन्ना मलाई है नलामलाई है कार्डिम हिल्स हैं कौन सी हैं पहली बात हो नीलगिरी माउंटेन्स की अगर मैं बात करता हूँ तो आप आंसर लगाना ठीक है इसको हम ब्लू माउंटेन्स के नाम से जानते हैं और ये वो जगह है जहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं और नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा ठीक है मैं आपको दिखाऊंगा अभी अभी अन्नामलाई हिल्स जिसे आप क्या कहते हैं एलिफेंट हिल्स भी कहा जाता है नन्ना मलाई हिल्स जो है आपकी तेलंगाना के अंदर है रयाल सीमा रीजन है वहाँ पे देखने को आपको मिलती है रीजन दिखाऊंगा आपको अभी ठीक है और इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा cardamom. Cardamom इस बनेगा बनेगा हिल्स इज द करेक्ट आंसर इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर ये आपकी बिल्कुल सदन मोस्ट जो है हिल्स देखने को आपको मिलती है बिल्कुल सही डी ऑप्शन यहां पे देखिए सो हेयर इज द कार्डिम हिल्स फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर इज द कार्डिम हिल्स यहां पे क्या है कार्डिम है अन्ना मलाई है अन्नाई मुड़ी है और आपकी पालनी हिल्स ये आपको मैंने बताया था कि सदन मोस्ट आपसे पूछा तो कैप वर्ड याद रखना कार्डेम अन्नामलाई एंड यस yes, बिल्कुल सही ठीक है अन्नामलाई एंड उसके बाद पालनी हिल्स देखने को आपको मिलती है और यहां पर देखिए है मिलते हैं आपके ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी माउंटेन्स ये आ गई है और नीलगिरी माउंटेन्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा समझ आया आप लोगों को जी बिल्कुल सही और अगर आपसे पूछा कि ऐसे बताओ कि दक्षिण भारत की ये तो क्या है हिल रेंज पूछा है इन्होंने अगर इन्होंने पूछा होता हाईएस्ट पीक बताइए हाईएस्ट पीक ऑफ द सदर्न इंडिया दक्षिण भारत की हाईएस्ट पीक का नाम बताना है तो इसका आंसर क्या होता बिल्कुल अनायमुड़ी अनायमुड़ी इज द हाइएस्ट पीक ध्यान रखना अनायमुड़ी इज द हाइएस्ट पीक इन द सदर्न इंडिया सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल सही समझ आया आप लोगों को जी चले आगे चलते हैं अच्छा एक चल भी बता देता हूँ आपको यह है डेकन प्लेटू यह है विंध्या सतपुड़ा और इसके बीच में बैठती है नर्मदा रिवर जो रिफ्ट वैली का पार्ट बनाती है ब्लॉक माउंटेंस और यहां पे आके गिर जाती है ऐश्वरीय बनाती है और नर्मदा के साथ माही साबरमती और ताप्ती नदियां यहां पे एस्टुरी बनाती हैं यह है थार डेजर्ट छोटा नागपुर प्लेटो गैरो खासी जयंतिया हिल्स आपकी आ, जो है मेघालय में सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्रा द्वारा मैंग्रूव सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलते हैं अंडेमान निकोबार में भी जो है आपके गल आ, कोरल देखने को मिलते हैं कोरल अंडेमान निकोबार में गल्फ ऑफ मन्नार में लक्षद्वीप में और गल्फ ऑफ कच्छ में देखने को मिलते हैं तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्लियर याद रखिए चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या है इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है जो कम रेनफॉल होती है ईस्टर्न घाट के अंदर जो आपका पूर्वी घाट है यस जो पूर्वी घाट है उसके अंदर बारिश कम होती है दक्षिण घाट से तो इसका रीज़न बताना है इसका रीज़न क्या है शाबाश आंसर बताइए बहुत बढ़िया इसका रीज़न बताइए क्या बनेगा कि दक्षिण पश्चिम घाट में बारिश ज़्यादा होती है लेकिन जो आपका ईस्टर्न घाट है उसमें बारिश कम होती है उसका रीज़न क्या है अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको तब पता लगेगा एक्चुअली क्या होता है कि हमारे इंडिया में क्या होता है कि यहाँ पे क्या है माउंटेंस हैं जिसे आप सहादरी कहते हैं और आपका डेट इज़ वेस्टर्न घाट कहते हैं और यहाँ से चलती है आपकी साउथ वेस्ट मानसून जब भी ये जाएगी यहाँ से टकराती है और बारिश कर देती है यहाँ पे जब बारिश कर देती है तो जब ये हल्की हो जाती है हवा तो ये ऊपर उड़ती है तो ऊपर चलने लग जाती है तो वेस्टर्न घाट में सारी बारिश हो जाती है क्योंकि पर्वतों से टकरा के हो जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है और क्योंकि क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न घाट है और यहाँ पे बारिश होती है तो हम इसको क्या कहते हैं कि इनकी लोकेशन जो है विंडवर्ड साइड है विंडवर्ड साइड का मतलब क्या हो गया कि जहां पे हवा चल रही है उसी डायरेक्शन में जो है आपकी ये देखने को मिलती है वेस्टर्न घाट लेकिन उसके उल्टा ईस्टर्न घाट जो है आपका विंडवर्ड साइड ना होकर किस साइड है लीवर्ड साइड के ऊपर है लीवर्ड साइड वो होती है जहां पे आपकी हवा नहीं जाएगी तो डैट्स वाई कि जो ईस्टर्न घाट है ईस्टर्न घाट के जो लोकेशन है वो लीवर्ड साइड के ऊपर है इसी कारण बारिश नहीं होती और वेस्टर्न साइड वेस्टर्न घाट में बारिश हो जाती है क्योंकि वो विंडवर्ड साइड होती है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्लियर तो इसका जो रीज़न है वो क्या बनेगा यस yes. इसका जो रीजन है वो क्या बनने वाला है दे द स्ट्रेट वेस्ट कोस्ट द लैक ऑफ द विंटर डिप्रेशन देयर लीवर लोकेशन द हाइट ऑफ द घाट दैट मीन्स देयर लीवर लोकेशन उनका लिवर्ड स्थान जो है आपका वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि जिसके कारण जो है आपकी ईस्टर्न घाट में बारिश नहीं होती और वेस्टर्न घाट में बारिश हो जाती है क्योंकि जो वेस्टर्न घाट होता है वेस्टर्न घाट वो रेन को क्या कर लेता है ब्लॉक कर लेता है मानसून को क्या कर लेता है ब्लॉक कर लेता है और वहीं पर ही बारिश हो जाती है समझ आया आप लोगों को आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर बिल्कुल सही सी ऑप्शन इज द राइट वन चलिए जी अगला देखिए अगला क्वेश्चन बताइए विज ऑफ़ द फॉलिंग रिवर सिस्टम क्रिएटेड द जोग वाटरफॉल जोग वाटरफॉल जो है ये कहां पे है जोग जलप्रपात जो है ये कहाँ पे है कौन सी रिवर के ऊपर है पहली बात तो जो जोग वाटरफॉल है ये कहाँ पे है कर्नाटक के अंदर देखने को आपको मिलते हैं कर्नाटक में कहाँ पे ऑन द शरावती रिवर पहली बात तो आंसर इसमें क्या बनेगा सी ऑप्शन बनेगा और जोग फॉल को हम और क्या कहते हैं दैट इज़ महात्मा गांधी फॉल भी कहा जाता है और इनको गरसोपा फॉल भी हम कहते हैं गरसोपा फॉल भी इनको हम कहा जाता है तो इंपॉर्टेंट है बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर तुंगभद्रा की अगर मैं बात करता हूं तो तुंगभद्रा के किनारे के ऊपर जो है एक तुंगभद्रा की बात करें अगर हम ठीक है तुंगभद्रा रिवर की अगर हम बात करें तो यहां पे विजयनगर एम्पायर आपको याद होगा हिस्ट्री में ठीक है तुंगभद्रा रिवर की बात करते हैं तो विजयनगर एम्पायर जो है वो तुंगभद्रा रिवर के किनारे पे था जो हरिहर और बुक्का ने स्टार्ट किया था बिल्कुल सही समझ आया आप लोगों को और कृष्णा रिवर की बात करते हैं तो ये स्टार्ट होती है महाबलेश्वर प्लेटू से वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र से और ये क्या करती है कृष्णा गोदावरी डेल्टा बना लेती है कहाँ पे आंध्र प्रदेश में और मैंने आपको बताया था कि जो कृष्णा रिवर है यहाँ पे जो है एक डैम है डेट इज़ कॉल्ड आपका डेट डैम इज कॉल्ड उस डैम का नाम बताइए क्या है कृष्णा रिवर के ऊपर जो डैम है वो क्या है मैं दिमाग से स्किप कर गया चलो आगे बताता हूँ और गोदावरी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे पोलावरम प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश में और उसके बाद जो आपका गोदावरी रिवर के ऊपर जो है का, कालेश्वरम प्रोजेक्ट भी है डेट इज़ इन द तेलंगाना कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच में आपकी एक लेक पड़ती है जिसे हम क्या कहते हैं कोलेरू लेक कहा जाता है और ये आपकी नॉर्मल लेक है कृष्णा गोदावरी के बीच में यस बिल्कुल सही बिल्कुल सही ठीक है हाँ याद आ गया कृष्णा रिवर के ऊपर जो है आपका कृष्णा कृष्णा रिवर के ऊपर जो है यस, yes, बिल्कुल सही नागर्जुना सागर डैम है नागर्जुना सागर नागर्जुना सागर डैम देखने को मिलता है रिवर कोयना रिवर कोयना जो है ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की रिवर कोयना जो है वो ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा श्रावती रिवर आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर चलिए अगला आंसर बताइए शाबाश अगला आंसर बताइए फटाफट जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये कहां पे है शाबाश जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये कहां पे लोकेशन है जल्दी से जल्दी बताइए यस yes, ये एक प्रपोज्ड न्यूक्लियर पावर स्टेशन है डेट इज इन द महाराष्ट्र आंसर इसमें क्या बनेगा बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट वन बी ऑप्शन क्लियर हो गया आप लोगों को ये महाराष्ट्र के अंदर है और यहाँ पे आपको लोकेशन दिखाता हूँ कुछ पावर प्लांट्स की तो ये कुछ पावर प्लांट्स हैं हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया के अंदर है जैसे कि आपका आ, जो है आपका राजस्थान अटोमिक पावर स्टेशन जो है अगेन कहाँ पर है राजस्थान में और यहाँ पर है नरोरा ठीक है नरोरा पावर स्टेशन है ये कहाँ पर है यूपी में काकरापार अटोमिक पावर स्टेशन है गुजरात में तारापुर अटोमिक पावर स्टेशन है महाराष्ट्र में कैगा टोमिक पावर स्टेशन है कहां पे कर्नाटक में मद्रास अटोमिक पावर स्टेशन मद्रास तमिलनाडु में और कुदाकुलम पावर प्लांट जो है ये कहां पे है आपका दैट इज इन ऑल्सो इन द तमिलनाडु सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट है समझ आया आप लोगों को और मद्रास वाले को हम कलपक्कम भी कहते हैं कलपक्कम कलपक्कम पावर स्टेशन ठीक है याद रखिए सो दीज आर द पावर स्टेशन इन द इंडिया न्यूक्लियर पावर स्टेशन क्लियर हो गया चलिए अगला आंसर बताइए लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या कहता है हैदराबाद जो है वो किस रिवर के किनारे पे है हैदराबाद हैदराबाद जो है वो किस रिवर के किनारे पे है बिल्कुल तो हैदराबाद इज इन द ऑन द रिवर रिवर मूसी रिवर मूसी के किनारे पे जो है वो है आपका हैदराबाद अगर आपसे पूछा कृष्णा रिवर के किनारे पे कौन है तो वो है विजयवाड़ा विजयवाड़ा समझ आया और तुंगभद्रा रिवर के किनारे पे अभी मैंने आपको बात करी थी डेट इज़ विजयनगर एम्पायर विजयनगर किंगडम विजयनगर डिस्ट्रिक्ट भी है और कुरूल कुरूल भी है ये आपका जो है कर्नाटक के अंदर देखने को मिलता है और रिवर लूनी की बात करें तो रिवर लूनी एक ऐसी रिवर है जो आपकी रेन ऑफ कच्छ में जब आ रही होती है तो रस्ते में खो जाती है रस्ते में खो जाती है रस्ते में, में खत्म हो जाती है और ऐसी रिवर जो आपका मतलब दूसरे जैसे आ, अरब सागर के अंदर नहीं गिरती है, तो, तो रस्ते में खो गई तो ऐसी रिवर्स को हम क्या कहते हैं एफिमरल रिवर कहा जाता है तो रिवर लूनी इज एफिमरल रिवर एफिमरल रिवर तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर बिल्कुल सही सी ऑप्शन अगला बताओ इनमें से जो खरीफ क्रॉप हैं वो कौन सी हैं इनमें से खरीफ क्रॉप जो हैं वो कौन सी हैं ये बताना है आपको और खरीफ क्रॉप जो अच्छा नॉट ए नॉट पूछा है नॉट प्रोड्यूस इन सीजन ऑफ खरीफ क्रॉप खरीफ क्रॉप कौन सी नहीं है खरीफ क्रॉप जो होती है मॉनसून सीजन की क्रॉप्स होती हैं जैसे अभी हमारा मॉनसून चल रहा है तो अभी हम खरीफ जो है फसलें जो है इसको बोते हैं और जुलाई मंथ के अंदर जून जुलाई के मंथ के अंदर इसको बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर के मंथ में इसको काट लिया जाता है और इसमें बहुत सारी फसलें आती हैं खरीफ में जैसे कि जवार हो गया ठीक है बाजरा जवार बाजरा मेज शुगर केन राइस पल्सिस कॉटन ग्राउंडनट तो दीज आर द मेन एग्जाम्पल ऑफ द खरीफ क्रॉप ठीक है और इसके बाद रबी क्रॉप की अगर हम बात करते हैं तो रबी क्रॉप जो है सर्दियों में उगाई जाएंगी नव, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं, जिसमें आते हैं आपका डैट इज डैट इज बार्ले जॉ जिसे हम कहते हैं ठीक है मस्टर्ड सरसों और वीट गेहूं लिंसिड अलसी जिसे हम कहते हैं पी मटर और ग्राम चना तो ये आपकी रबी फसलें होती हैं तो इसमें देखिए जी क्या है मिलेट्स और राइस जो है आपकी खरीफ है मेज और जवार जो है ये आ गया ये भी खरीफ फसलें हैं जवार और राइस यहां पे आ गया ये भी आपकी खरीफ फसलें हैं जॉन जिसे हम कहते हैं बार्ले और मस्टर्ड हम क्या कहते हैं अगेन रबी को तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका सी ऑप्शन बनेगा क्योंकि इसने पूछा था कि नॉट प्रोड्यूस द सीजन ऑफ खरीफ खरीफ सीजन कौन सा नहीं है तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर समझ आया तुम्हें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर बिल्कुल सही सी ऑप्शन इज द राइट वन अगला बताइए विच ऑफ द फॉलिंग इज़ नॉट ए कॉज ऑफ सॉइल इरोजन सॉइल इरोजन का कौन सा कारण नहीं है मिट्टी के शरण का कारण कौन सा नहीं है देखिए इरोजन वर्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे धरती है धरती के ऊपर मिट्टी है या कुछ भी आपकी सॉइल है फर्ट फर्टाइल सॉइल है हवा पानी किसी चीज़ का भी फर्क पड़ता है तो क्या होता है कि जो जो सॉइल है ये यहाँ से टूटी और ये उड़ के दूसरी जगह के ऊपर चली गई तो डैट इज़ कॉल्ड इरोजन एक जगह से एक जगह से उड़ के कहीं दूसरे चले जाना हवा पानी किसी भी चीज के कारण जो है एक जगह से दूसरी जगह तक जाना और सॉइल का टूटना और वो होता है इरोजन एक जगह से दूसरी जगह तक जाना डेट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट क्लियर अब क्वेश्चन देखिए जी इसका इंपॉर्टेंट कॉज नहीं है नॉट ए कॉज ऑफ सॉइल इरोजन ड्रेनेज की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है पानी एक जगह से दूसरी जगह तक बहा ले के लेके जाया जा सकता है डिफोरेस्टेशन की बात करते हैं वनों की कटाई एक जगह से दूसरी जगह तक कटा, कटाई करेंगे तो सॉयल इरोजन होगा ही होगा वेदरिंग की अगर हम बात करते हैं वेदरिंग क्या होता है कि, कि किसी पत्थर का मिट्टी का रॉक्स का एक जगह से टूटना एक ही जगह पर टूटना और उसी जगह के ऊपर रहना तो डेट इज कॉल्ड वेदरिंग तो वेदरिंग इज नॉट द कॉज ऑफ द सॉयल इरोजन फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है और चौथा है ग्रेजिंग बिल्कुल अगर आप चराई करेंगे पशु करेंगे तो पशु इधर उधर चले जाएंगे और एट द एंड जो है वो पूरा का पूरा इरोजन कर सकते हैं लेकिन वेदरिंग इज़ नॉट द पार्ट वेदरिंग क्या होता है रॉक्स का टूटना एक एक ही एक ही जगह के के ऊपर टूट वहीं पे गिर जाना पर डिफोरेस्टेशन भी, भी होगा और ग्रेजिंग भी होगा कॉज इरोजन का आंसर तो क्या बनेगा आपका सी ऑप्शन अगला आंसर बताइए वेर आर द गैरों खासी ट्राइब्स मेनली लोकेटेड इन गैरो खासी ट्राइब्स कहाँ पे लोकेटेड हैं जल्दी से जल्दी बताइए और जो आपको पता है और भी वो भी बता सकते हैं यस yes, तो वो है आपकी कहाँ पे डेट इज इन द मिजोरम और मेघालय मिजोरम और मेघालय तो डेट इज इन द डैट इज इन द मेघालय गैरो खासी जयंतिया हिल्स कहाँ पे हैं मेघालय के अंदर हैं और गैरो खासी ट्राइब्स भी कहाँ पे हैं अगेन आपकी डेट इज़ इन द मेघालय मेघालय को हम क्या कहते हैं ए बॉर्ड ऑफ द क्लाउड्स बादलों से गिरा हुआ और यहाँ पे एक जगह है मैंसमराम जहाँ पे आपकी बारिश होती है सबसे ज़्यादा अब तो वेस्टर्न घाट में आ, प, आ, मतलब नोट करी गई है मैंसम राम में चिरापूंजी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो मेघालय इज़ द करेक्ट आंसर मेघालय मेघालय के अंदर जो है आपका एक नेशनल पार्क है नौकरे नेशनल पार्क है बलपखरम पखरम नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है यहां पे दैट इज इन द मेघालय सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लियर हो गया आप लोगों को नागालैंड में बताइए यस yes. नागालैंड में अंगामी अंगामी और रेग्मा. ये जो है आपकी अंगामी और रेंगमा आर ई एन जी एम ए रेंगमा जो है ये ट्राइब्स देखने को मिलती हैं नागालैंड के अंदर एक नेशनल पार्क है नटंगकी नेशनल पार्क क्लियर और यहां पे आपका एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल सेलिब्रेट हम करते हैं सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट है सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट क्लियर मणिपुर की अगर हम बात करते हैं यस बिल्कुल मणिपुर में माओ माओ नागा कुकी तो ये जो है आपके ट्राइब्स यहां पे देखने को मिलते हैं मेन मेन बता रहा हूं आपको मणिपुर में आपको मैंने बताया था कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है यहां पे और ये नेशनल पार्क आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो लोक तक लेक के ऊपर है और मणिपुर में सिरोही नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलता है ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कि कहाँ पे कहाँ पे हैं ठीक है और मिजोरम में कौन कौन से हैं जैसे लुशाई लुशाई ट्राइब है यहाँ पे लुशाई ट्राइब ये बिल्कुल ठीक है चकमा ये दीज, दीज ट्राइब्स आर इन द मिजोरम मिजोरम में आपका कौन कौन से नेशनल पार्क है मुरलेन नेशनल पार्क है आपका यहाँ पे मुरलेन और ब्लू माउंटेन ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है यहां पे ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क क्लियर हो गया आप लोगों को सो आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पता होना चाहिए आंसर इसमें क्या बनेगा वन ऑप्शन मेघालय इज द राइट वन मेघालय अगला बताओ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कर्क रेखा है जो साढ़े तेईस डिग्री के ऊपर चलती है ठीक है साढ़े तेईस डिग्री नॉर्थ के ऊपर चलती है तो वो कहां से पास होती है इंडिया पाकिस्तान कौन सी जगह से पास नहीं होती नॉट पास थ्रू इंडिया बांग्लादेश म्यांमार कहाँ से पास नहीं होती पहले आपको यहां पे मैप दिखाता हूं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज हेयर तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ठीक है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास करती है तो ये क्या करती है पहले पहली बात तो नॉर्थ अमेरिका में और उसके बाद अफ्रीका में देन एशिया के अंदर जो है ये पास करती है तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन अगर मैं पूछूं नॉर्थ अमेरिका में तो ये मैक्सिको है यहां पे ठीक है और यहां पे बहामाज आर्की है यहां से क्रॉस करती है और अगर हम बात करते हैं यहां पर आपका अफ्रीका के अंदर तो यहां पे है वेस्टर्न सहारा अल्जीरिया लीबिया, इजिप्ट नाइजर इनकी जो है इन कंट्री से जो है क्रॉस करती है और यहां पे सऊदी अरेबिया वाला पार्ट भी है यहाँ से भी क्रॉस करती है आपका दिस इज इंपॉर्टेंट वन क्लियर हो गया आप लोगों को जी सऊदी अरेबिया आपका यस सऊदी अरेबिया एशिया के अंदर आता है सऊदी अरेबिया यू ओमान इंडिया बांग्लादेश म्यांमार चाइना तो ये आपकी कहां पे आती हैं दैट इज इन द एशिया वाले पार्ट में यहाँ पे ताइवान भी है तो ताइवान से भी क्रॉस करती है लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन था ये ऑप्शन था आपका पाकिस्तान तो पाकिस्तान से क्रॉस नहीं करती आंसर इसमें क्या बनेगा बी ऑप्शन बनेगा तो मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके कहाँ से है पहली बात तो नॉर्थ अमेरिका अफ्रीका और एशिया में है कहाँ कहाँ पर मैक्सिको बहामास और अफ्रीका में वेस्टर्न सहारा वेस्टर्न वेस्टर्न सहारा हो गया ठीक है मोरिशियाना हो गया अल्जीरिया माली लीबिया नाइजर इजिप्ट ये हो गए आपकी और उसके बाद एशिया में कहां पे सऊदी अरेबिया यूएई, ओमान, इंडिया चाइना बांग्लादेश म्यांमार एंड ताइवान के अंतर्गत ये है जाती है तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन और अगर आपसे पूछा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन कौन काटती है तो इंडिया में एक रिवर है रिवर जो है कौन सी रिवर काटती है इसको बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि अच्छा ये बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन सी रिवर काटती है एक तो वो काटती है यहाँ पे मध्य प्रदेश में और एक काटती है जाके गुजरात में एक ही आ, जो नदी है वो दो बार काटती है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो इंडिया में काटी जाती है तो कौन सी रिवर काटती है यस बिल्कुल सही रिवर माही रिवर माही जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो जगह पे काटती है तो यहाँ पे इक्वेटर है इक्वेटर भी आपका देखिए अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और आ, इक्वेटर की ये तीनों की तीनों रेखाएं जो हैं वो कहाँ से क्रॉस करती है अफ्रीका से क्रॉस करती है ये आपको पता होना चाहिए दिस इज इंपॉर्टेंट वन समझ आया एक कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को कौन सी नदी काटती है मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है और ट्रॉपिक ऑफ सॉरी इक्वेटर को कौन सी नदी दो हिस्सों में काटती है और कहाँ पर लोकेशन भी बतानी है कैप्रिकॉन और इक्वेटर को कौन सी नदियाँ काटती हैं ये आपको बताना है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बनेगा बी ऑप्शन पाकिस्तान इज़ द करेक्ट आंसर अगर आपसे पूछा इंडिया में कहाँ से क्रॉस करती है गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद आपका छत्तीसगढ़ के बाद वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और कोई रह गया और कोई रह गया कौन सा पार्ट रह गया इंडिया में और कौन सा पार्ट रह गया ये नदियां जो है इंडिया में यहां पे काटती हैं बिल्कुल सही इंडिया में बताओ फटाफट फड़। शाबाश इनपुट्स दिया करो अपने इंडिया में इन जगह का पे काटती है ना शाबाश बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सभी सभी आंसर सही दे रहे हैं गुजरात राजस्थान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश यस मध्य प्रदेश त्रिपुरा वेस्ट बंगाल लिख दिया मैंने और कौन से रह गए यस yes, एक झारखंड रह गया और एक मिजोरम ये आपकी आठ स्टेट्स हैं यहां से क्रॉस करती है सो दिस इज इंपॉर्टेंट गुजरात राजस्थान छत्तीसगढ़ एमपी झारखंड वेस्ट बंगाल और आपका त्रिपुरा मिजोरम यस yes, बिल्कुल सही चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन देखिए जी आंसर क्या बनेगा शाबाश आंसर बनाइए अगला कौन सा प्लानट है सोलर सिस्टम के अंदर जो बिग है एज अर्थ मतलब बिल्कुल अर्थ के साइज जैसा है और तभी हम उसको क्या कहते हैं अर्थ ट्विन कहा जाता है वो कौन सा प्लानट है आपका वीनस शुक्र ग्रह इसको हम और क्या कहते हैं अर्थ ट्विन और सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है ये क्यों हॉटेस्ट है क्योंकि इसके ऊपर क्लाउड कवर बहुत ज़्यादा है ब्राइटेस्ट प्लानट है ये ब्राइटेस्ट भी है मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी है ये कौन विनस तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा मरकरी का कोई भी मून नहीं है कोई भी मून इसके पास नहीं है ऑल दो ये सबसे छोटा और नज़दीक है अर्थ के रेड प्लैनिट की बात करते हैं सॉरी मार्स की बात करते हैं इसको हम रेड प्लैनेट कहते हैं और इसकी दो सेटेलाइट हैं डेट इज फोबोस और दिमोज सो दीज आर द टू सेटेलाइट ऑफ मार्स प्लूटो जो है आपका ड्वार्फ प्लैनेट है छोटा प्लैनेट है तो आंसर इसमें क्या बनेगा सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर सी ऑप्शन मर्करी और मार्स मर्करी वीनस अर्थ और मार्स ये चार हैं आपके पहले जिसको हम क्या कहते हैं इनर प्लैनेट कहते हैं क्योंकि ये सन के नजदीक होते हैं और इनको रॉकी प्लानट भी कहते हैं क्योंकि यहां पे रॉक्स हैं और टेरिस्टर प्लानट भी इसको कहते हैं क्योंकि धरती है यहां पे क्लियर और उसके अलावा जो आपका आ, मार्स के बाद जुपिटर आता है बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट आ गई जुपिटर सैटन यु, यूरेनस और नेपटचून उनको आईसी जाइंट्स कहते हैं और प्लस उनको जूवियन प्लैनेट के नाम से भी हम जानते हैं तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा वीनस इज द करेक्ट आंसर वीनस अगला बताइए जी वट आर द इमेजिनरी लाइन्स इन सर्कलिंग द अर्थ हॉरिजनटली कॉल्ड हॉरिजॉन्टली जो रेखाएं होती हैं काल्पनिक रेखाएं उनको क्या कहते हैं मैंने हमेशा आपको बताया है लेटी हुई लाइनों को हम क्या कहते हैं है. है. और मैंने आपको बताया था कि कुछ लेटिट्यूड आपको याद करने वो कौन कौन से लेटीट्यूड याद करने को वो याद करने हैं डेट इज जीरो डिग्री जिसे आप क्या कहते हैं इक्वेटर साढ़े तेईस डिग्री नॉर्थ जिसे हम क्या कहते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर साढ़े छियासठ डिग्री जिसे हम क्या कहते हैं आर्कटिक और ऊपर आपका 90 डिग्री नॉर्थ हो गया नॉर्थ पोल हो जाता है ठीक है नॉर्थ पोल हो गया और उसके बाद नीचे की बात करें साढ़े तेईस डिग्री साउथ ये हो गया कैप्रिकॉन uh, और साढ़े छियासठ डिग्री साढ़े छियासठ डिग्री क्या हो गया आपका डेट इज अंटार्क्टिक और नब्बे डिग्री वाला जो हो गया वो हो गया नॉर्थ साउथ पोल क्लियर और एक चीज़ आपको और बता दूं कि इसमें बहुत सारी जो लाइनें होती हैं ऐसे और एक डिग्री जो होती है वो 111 किलोमीटर के बराबर होती है एक डिग्री 111 किलोमीटर के बराबर होती है याद रखिए आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर ए ऑप्शन बाकी यहां पर लिखा हुआ आइसो बार आइसो बार का मतलब होता है जहां पर दो जगह जहां पर आपका प्रेशर सेम हो दो जगहें जहां पे प्रेशर सेम हो उसे हम आइसो बार कहते हैं आइसो थर्म का मतलब क्या होता है दो जगहें ऐसे जहां पे आपका टेम्परेचर सेम हो लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं लंबी लाइनों को ऐसे क्लियर और ये होती हैं लंबी लाइनें होती हैं मेरिडियन और एक होती है जीरो डिग्री जीरो डिग्री को हम क्या कहते हैं प्राइम मेरिडियन कहा जाता है जो कहाँ से क्रॉस करती है आपकी जो क्रॉस करती है आपकी ग्रीनविच से ग्रीनविच लंडन से क्रॉस करती है ग्रीनविच लंडन से क्रॉस करती है जीरो डिग्री से ऊपर क्रॉस करती है तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर बिल्कुल सही जी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर लैटिट्यूड इज द राइट वन अगला बताओ क्वेश्चन ध्यान से समझो क्वेश्चन ध्यान से समझिए विच ऑफ द फॉलिंग प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम टेक्स अबाउट द सेम टाइम लीस्ट डिफरेंस फॉर वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एंड वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो एक रोटेशन लेता है रोटेशन मैंने हमेशा आपको बताया कि जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं तो मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं तो दिस इज कॉल्ड रोटेशन दिस इज कॉल्ड रोटेशन जब भी हम रोटेशन करते हैं तो दिन और रात बदलते हैं समझ आया एक होता है रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन होता है किसी के आगे ऐसे परिक्रमा लगाना ऐसे ठीक है तो डैट इज कॉल्ड आपका रेवोल्यूशन और रेवोल्यूशन से बनते हैं सीजन तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि रोटेशन टाइम और रेवोल्यूशन टाइम जो होगा वो इनमें से कौन सा प्लेनेट है जिसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता मतलब इक्वल है

ठीक है मर्करी में देखिए ये 88 डेज है 59 डेज है इसको माइनस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा अर्थ में आपका रेवोल्यूशन है 365 यानी कि पूरा साल और उसके बाद रोटेशन है एक दिन में तो यहां पे डिफरेंसेस तो यहां पे बढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल कहां पर है आपका वीनस में और दूसरे नंबर पर कहां पर डेट इज ना मरकरी में ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है समझ आया आप लोगों को तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन विनर्स और यहां पे सैटन लिखा हुआ है सैटन के पास सबसे ज्यादा जो है आपकी सैटेलाइट्स हैं सबसे ज्यादा सैटेलाइट हैं सबसे ज्यादा ग्रह यहां पे हैं मून यहां पे हैं नॉट ग्रह मून यहां पे हैं सेटेलाइट और कितनी सैटेलाइट्स हैं एटी और सबसे बड़ी सैटेलाइट सेटन की कौन सी है टाइटन और अगर आपसे पूछा कि पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है तो वो है आपकी डेट इज सबसे बड़ी सैटेलाइट है गैनीमीड और Ganymed, सबसे बड़ी सैटेलाइट किसकी है डेट इज जुपीटर की क्लियर याद रखना है सारे पार्ट आंसर इसमें फोर्थ ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर विनस इज़ द करेक्ट वन अगला बताओ यह कहां पे लोकेटेड है नागा खासी और गैरो हिल्स आर लोकेटेड इन कौन सी रेंज में देखने को आपको मिलती हैं यस yes. कौन सी रेंज में देखने को आपको मिलती हैं बताइए ये हमें देखने को मिलती है ईस्टर्न रेंज में क्योंकि ऑब्वियसली बात है पूर्वी में है ये पूर्व में है जिसे आप पूर्वांचल वाला पार्ट कहते हैं पूर्वांचल ईस्टर्न रेंज पूर्वांचल वाले पार्ट में आपको देखने को मिलती है आपकी गैरो खासी और नागा हिल्स देखने को आपको मिलती हैं दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्लियर इसमें बहुत सारी जो स्टेट्स है कवर होती हैं जैसे असम हो गया मणिपुर त्रिपुरा नागालैंड मिजोरम मेघालय ये सारी स्टेट्स कवर होती हैं आपकी ईस्टर्न रेंज के अंदर आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा क्लियर कराकोरम रेंज वो वाला पार्ट है जहाँ पे इंडिया चाइना और पाकिस्तान ये तीनों के तीनों जो मिलते हैं वो मिलते हैं आपके कराकोरम रेंज के पास मतलब तीनों का बॉर्डर है यहाँ पे और जास्कर रेंज की बात करते हैं तो जास्कर रेंज एक ऐसी रेंज है जो जास्कर को आपका डिवाइड करता है किससे लद्दाख से लद्दाख के अंदर डिवाइड है जास्कर और लद्दाख के बीच में जो रेंज आती है डैट इज कॉल्ड जास्कर रेंज हिमालय रेंज आपको पता है हिमालय रेंज जो हमारे इंडिया में है एशिया में है हिमालय ज्यादा सबसे जो है आपकी सबसे जो है यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है और इनकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर आपको देखने को मिलता है इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है और दीज आर द दंगेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड आंसर इसमें क्या बनेगा आपका ए ऑप्शन ईस्टर्न रेंज यानी कि पूर्वी रेंज जो है अगला क्वेश्चन बताइए कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयस कोल्ड डेजर्ट कौन सा है यहां पे कोल्ड डेजर्ट यहां पे कौन सा है ग्रेट हिमालयस के अंदर कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे है कोल्ड डेजर्ट की बात कर रहे हैं पहले तो ठंडी की बात हो रही है डेजर्ट हमारे इंडिया में मेनली दो हैं एक थार डेजर्ट जो इंडिया में है और राजस्थान में और एक है कोल्ड डेजर्ट दैट इज इन द लद्दाख आंसर इसमें क्या बनेगा ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर लद्दाख में आपका हेमिज नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है यहाँ पे क्लियर और यहाँ पे जो अरावलीज हैं दीज आर द ओल्ड फोल्ड माउंटेन इन द इंडिया ओल्ड फोल्ड माउंटेन और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर और गुरु गुरुशिखर में देखने को कहां पे मिलती है राजस्थान राजस्थान में सतपुड़ा और विंध्या के बीच में मैंने आपको बताया था कौन सी नदी बहती है नर्मदा नर्मदा स्टार्ट होती है अमरकान तक प्लेटू से और ये जो है आपके जबलपुर के अंदर जबलपुर के अंदर जो है आ, क्या बनाती है मार्बल फॉल्स बनाती है मार्बल फॉल्स बनाती है तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर लद्दाख इज द करेक्ट आंसर लद्दाख लद्दाख कोल्ड डेजर्ट अगला बताइए द सेंट्रल इंडिया सेंट्रल इंडिया टीक इज एन एग्जाम्पल ऑफ मध्य जो भारत की टीक है वो किसकी एग्जाम्पल है तो ये कौन से फॉरेस्ट की एग्जाम्पल है ये देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन की अगर हम बात करते हैं सारा साल बारिश होती है यहाँ पे ठीक है सारा साल बारिश होती है 200 सेंटीमीटर की बारिश से ऊपर मॉइस्ट डेसीडियस जिसमें एक बार पत्ते शेड करते हैं और ड्राई डेसीडियस इसमें भी एक बार पत्ते शेड करते हैं माउंटेन जो माउंटेन्स के ऊपर जो रहती है लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि सेंट्रल इंडिया टीक जो है एग्जाम्पल किसकी है तो वो है मॉइस्ट डूडियस फॉर एस्ट की बात नम पर्ण वन की एग्जाम्पल है आंसर इसमें क्या बनेगा बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर बिल्कुल सही जो ये बच्चे आंसर दे रहे हैं ना मेरे से पड़े हुए आंसर हैं यस बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर बिल्कुल सही जी 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 ठीक है आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा मॉइस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट क्लियर सो गाइज ये थे आज की के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन आई होप आपको मजा आया होगा और भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आगे बाकी आपको टेलीग्राम चैनल के साथ यहाँ पे जुड़ जाना है और यहाँ पे सारे लेक्चर्स पी वगैरह यहाँ पे शेयर किए जाएंगे आप मुझे इंस्टाग्राम और मोस्ट ऑफ द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ विच रॉक जो क्रस्ट होती है वो किस चीज की किस चीज की बनी होती है किस रॉक की बनी होती है फटाफट आंसर बताइए यस yes. हमारे जो आ, अर्थ के ऊपर क्रस्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा जो चट्टान होती है वो होती है इग्नियस रॉक्स जिसे हम कहते हैं आगन्य चट्टाने ए ऑप्शन एक्चुअली क्या होता है कि जो आपका अर्थ जो लावा होता है सॉरी मैग्मा जो होता है मैग्मा जैसे ही धरती के ऊपर जम जाता है मैग्मा धरती के ऊपर जम जाता है तो उससे पहली जो चट्टान बनती है वो कौन सी बनती है आपकी अगन्या चट्टाने इग्नियस रॉक्स बनती हैं अगर ये चेंजेस होंगे अगर इसमें चेंजेस होंगे तो सेडिमेंट्स बनेंगे पहले सेडिमेंट्स बनेंगे और वो होती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक ठीक है सेडिमेंट्री के ऊपर हवा का एयर का और टेम्परेचर का बहुत सारे इफेक्ट पड़ते रहते हैं तो वो बनती है मेटामॉर्फिक रॉक ये ध्यान रखिए पहले इग्नियस देन सेडिमेंट्री देन मेटामॉर्फिक तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा इग्नियस रॉक्स इज द करेक्ट आंसर क्लियर हो गया आप लोगों को अगर आपसे पूछा कि अच्छा ये बताइए कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो इग्नियस रॉक्स है अगन्य चट्टाने हैं उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्या होता है तो आपका आंसर बनेगा बसाल्ट बसाल्ट सबसे ज़्यादा होता है शाबाश बिल्कुल सही और दूसरे नंबर पे ग्रेनाइट ग्रेनाइट और बसाल्ट जो है आपके नंबर मतलब सबसे ज़्यादा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इग्नियस रॉक्स आती हैं सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, है। देखिए वहां पे मैं आपको मैं बता दूं जोग्राफी में आपको बहुत कम चांसेस हैं आपको कॉन्सेप्ट पूछे आपको डेफिनेशन स्टैट्स अगर आपको याद है तो आप मतलब जोग्राफी क्लियर है आपकी तो ये चीज ध्यान रखना सबसे ज्यादा धरती के ऊपर इग्नियस रॉक है क्रस्ट के ऊपर और उसमें भी सबसे ज्यादा बसाल्ट दे ग्रेनाइट की रॉक्स देखने को मिलती है सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट है ये समझ आए आप लोगों को यस आंसर इसमें क्या बनेगा आपका वन ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर अगर मैं आपसे बात करता हूं अगर मैं आपसे बात करूं कि जो हमारी अर्थ है तो आपको पता है कि अर्थ ऐसे है अर्थ में तीन पार्ट आते हैं एक आता है क्रस्ट एक होता है मेंटल और एक होता है कोर क्रस्ट मेंटल कोर क्रस्ट को अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो इसको हम कहते हैं आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट और यहाँ पे मेंटल में मेंटल में भी दो डिवाइड करते हैं अपर मेंटल लोअर मेंटल और उसके बाद कोर को भी दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं आउटर कोर और इनर कोर अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो बच्चे आ, मेरे से पढ़ रहे थे तो उसमें हम विद फेस आपकी एक्सप्लेनेशन होगी जो हमारा मॉक टेस्ट होगा मैं इसके ऊपर सॉल्व करवाऊंगा आपको मतलब आई आई टू से हमारे डिजिटल बोर्ड के ऊपर सॉल्व करवाऊंगा पहले मैंने स्क्रीन के ऊपर सॉल्व करवाया हुआ है लेकिन आ, जो मॉक टेस्ट हमारे पेड कोर्स के अंदर होंगे वो मैं डिजिटल बोर्ड के ऊपर सॉल्व करवाऊंगा आपको समझ आया चलिए जी तो आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में जो यहाँ पे डिस्क डिस्कॉन्टिन्यूटी होती है जो लाइन है ये इसे हम क्या कहते हैं कॉनरेड डिस्कॉन्टिन्यूटी इनर क्रस्ट और अपर मेंटल में यहाँ पे मोहरोविक मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ और अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल में रेपिटी और लोअर मेंटल आउटर कोर में यहाँ पे गुटनबर्ग और यहाँ पे आउटर कोर और इनर कोर में लेमैन लेमन डिस्कॉन्टिन्यूटी ठीक है सो दीज आर द डिस्कटिन्यूटीज इन इन द अर्थ अब जो क्रस्ट होती है ये दो चीज़ों से बनती है सियाल और सीमा डैट इज सिलिकॉन एल्यूमिनियम सिलकॉन मैग्नीशियम और कोर बनती है आपकी निफे निकल और आयरन से बनती है ये आपको याद रखना है समझ आया तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा अगन्या चटाने इग्नियस रॉक और यहाँ पे जो सेडिमेंट्री रॉक्स लिखा हुआ है जहाँ पे आपके कोल्स नेचुरल गैस सब कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं फॉसिल्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं और अगर आपसे पूछा कि जो लेयरिंग होती है जो रॉक्स की लेयरिंग होती है वो कौन सी लेयर में देखने को मिलती है तो आपका आंसर होगा सेडिमेंट्री रॉक्स में ही हमें लेयरिंग देखने को मिलती है इग्नियस रॉक्स में कोई भी लेयरिंग देखने को नहीं मिलती तो इसका आंसर क्या बनने वाला है आपका ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर शाबाश ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ए ऑप्शन ये देखिए जी बसाल जो है एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक है एक्सक्लूसिव का मतलब धरती के बाहर जाके जमती है तो वो होती है ये इग्नियस रॉक्स अगर चटाने शाबाश अगला आंसर बताइए जल्दी जल्दी बताइए जी आंसर शाबाश बहुत बढ़िया लॉन्गेस्ट इरीगेशन कैनाल इन इंडिया सबसे लंबी जो है सिंचाई के लिए जो कैनाल है वो कौन सी है सबसे लंबी नहर हमारे इंडिया में कौन सी है तो ये सबको पता है ये है आपकी इंदिरा गांधी कैनाल आंसर इसमें क्या बनेगा सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर अब आप कहेंगे कि इंदिरा गांधी कैनाल कैसे एक्चुअली हमारे पंजाब के अंदर एक पॉइंट आता है हरी के बैरेज हरी के बैरेज जो है यहाँ पे दो नदियों का मिश्रण होता है दो नदियां मिलती हैं आपकी ब्यास और सतलज ब्यास और सतलज जहाँ पे नहीं मिलती हैं उसको हम हरी के बैरेज कहते हैं और हरी के बैरेज से ही आपकी जो कैनाल है वो स्टार्ट हो जाती है इंदिरा गांधी के नाल जो जाके आपके राजस्थान तक भी जाती है पानी लेके जाती है तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका सी ऑप्शन बनेगा इंदिरा 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 गांधी के नाल yes, गांधी कैनाल कैनाल इज करेक्ट आंसर यस भी कह देते हैं सागर कैनाल भी कह देते हैं और राजस्थान कैनाल भी इसको हम कह देते हैं तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर तो यहां पे देखिए जी इंदिरा गांधी केनाल यहां से जो है हरिके से स्टार्ट हो गया और यहां पे गई आपकी पूरी राजस्थान के अंदर सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइए अगला बताइए वेयर आर द मल्टी मेटेलिक ग्लैंड मल्टी मेटेलिक ग्लैंड जिसे हम कहते हैं मैंगनीज ग्लैंड जिसे हम क्या कहते हैं मैंगनीज ग्लैंड भी कहते हैं ठीक है ये हमें सबसे ज़्यादा कौन सी कंसंट्रेशन में मिलती है वेयर आर द मल्टी मेटेलिक ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड द मैंगनीज ग्लैंड फाउंड इन द कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को आपको मिलती है मैंगनीज ग्लैंड का मतलब क्या होता है कि मैंगनीज की चीज़ें बनी हुई हैं और ये हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है कहाँ कोर में कोर मतलब क्या हो गया धरती के अंदर बिल्कुल जाके और कोर वाला पार्ट जो होता है डेट इज इन द इन द डीप ओशन फ्लोर के अंदर देखने को हमें मिलेगी तो आंसर इसमें क्या बनेगा बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर महासागर के बिल्कुल जो, जो 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 गहरी जगह के ऊपर देखने को आपको मिलेगी जो आपका फ्लोर है वहां पर आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा मैंगनीज नड्यूल्स भी इसको कह देते हैं ध्यान रखना मैंगनीज नड्यूल्स भी कह देते हैं और पेपर में ये वर्ड आ जाता है मैंगनीज नोड्यूल्स और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कह देते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लियर याद रखिए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर यस बी ऑप्शन इज द राइट वन बिल्कुल सही बी ऑप्शन पेपर में अगर आपसे पूछा गया पेपर में अगर आपसे पूछा गया जो जो डीप ओशन फ्लोर होता है डीप ओशन फ्लोर वहाँ पे जो भी जीवित रहते हैं जल लेक्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं बैंथिक एरिया कहते हैं बैंथिक जोन कहा जाता है ये याद रखना बैंथिक जोन पेपर में यहां पे आपको मैंगनीज न पूछा जा सकता है कि कौन से जोन में मिलती है तो आपका आंसर बनेगा बैंथिक जोन बिल्कुल डीप ओशन फ्लोर के अंदर तो आंसर इसमें क्या बनेगा बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर क्लियर अच्छा मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वर्ड यूज किया आपको पता है एक टर्म आती है आपको साइंस के अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वर्ड सुना होगा आप लोगों ने ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ठीक है और हम इसको एज ए यूज करते हैं एंटा एसिड एंटा एसिड की तरह भी हम यूज करते हैं इसको आंसर इसमें क्या बनेगा आपका बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर सुपर इंपॉर्टेंट चलिए यहां पे देखिए ये है जी आपका बिल्कुल सी वाटर एनरिच्ड इन द मेटल कंपाउंड ये बिल्कुल डीप वाला पार्ट जा रहा है और यहां पे देखिए सारे के सारे नोड्यूल्स देखने को आपको मिल रहे हैं सेडिमेंट्स कैसे भरते चले जा रहे हैं धरती के अंदर सुपर इंपॉर्टेंट अगला बताइए जूट प्रोडक्शन में जूट प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा जो आपका पार्ट आता है वो इंडिया में किसका आता है जूट जूट जैसे फाइबर होते हैं और जूट के लिए एक रेवोल्यूशन भी था मैंने आपको बताया था दैट इज़ गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन और एक चीज़ आपको और बता दूं जूट में हमारा इंडिया और बांग्लादेश हमेशा टक्कर में रहता है नंबर वन नंबर टू ऐसी सिचुएशन चलती रहती हैं और सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो है वेस्ट बंगाल का वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा एरिया है आपका जूट के अंदर आंसर इसमें क्या बनेगा डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर बिल्कुल सही ठीक है वेस्ट बंगाल में फिर बिहार में फिर उड़ीसा में असम में आंध्र प्रदेश में ऐसे एरियाज़ में देखने को आपको मिलता है आंसर इसमें डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे जूट हमें देखने को मिलेगा सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन पूछा जाता है तो जूट के लिए आ जाएगा अगर सिर्फ गोल्डन रेवोल्यूशन पूछता है पेपर में नॉर्मल गोल्डन रेवोल्यूशन तो वो आपका आ जाएगा हॉर्टिकल्चर बागबानी बाग के लिए ठीक है और एप्पल प्रोडक्शन एप्पल की प्रोडक्शन के लिए आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर सो हेयर इज द वेस्ट बंगाल यहां पे है सबसे ज्यादा आपका पार्ट क्लियर याद रखें द कंट्री विद द लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व इन द वर्ल्ड सबसे ज्यादा जो है गैस रिजर्व जो है नेचुरल गैस के कहां पे देखने को मिलते हैं नेचुरल गैस यस नेचुरल गैस रिजर्व सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं रिजर्व की बात कर रहे हैं अभी रिपोर्ट आई थी 2021 के अंदर मार्च के मंथ में सबसे ज़्यादा जो गैस रिजर्व देखने को आपको मिले थे तो वो रशिया में देखने को मिले थे आंसर इसमें क्या बनेगा आपका सी ऑप्शन रूस इज द करेक्ट आंसर रशिया रशिया के बाद अगर मैं बात करता हूं तो ईरान ये रिजर्व की बात कर रहा हूं मैं देन कतर देन तुर्कमेनिस्तान और लास्ट में था आपका यू ऐसे ठीक है तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर रशिया में सबसे नेचुरल गैस रिजर्व देखने को मिलते हैं नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा होती कौन सी गैस है मिथेन मिथेन होती है ठीक है मिथेन इज सी एच फोर जिसे हम क्या कहते हैं डैम्प गैस मार्श गैस दलदल वाली गैस और ग्रीन हाउस गैस भी इसको कहते हैं क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट भी शो करती है आंसर इसमें क्या बनेगा आपका सी ऑप्शन रशिया इज द करेक्ट आंसर रशिया के अंदर देखने को मिलती है सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपका दिमाग खराब कर देगा ये क्वेश्चन आपका दिमाग खराब करेगा पक्का रिहान्द डैम प्रोजेक्ट जो है ये कौन सी स्टेट्स को इरिगेट करता है देखिए पहली बात तो जो रिहान डैम है ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट डैम है बाय वॉल्यूम लार्जेस्ट डैम बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ठीक है और रिहांद डैम जो है ये रिहान रिवर के ऊपर है और इसको हम गोविंद बल्लभ पंथ सागर भी कहते हैं गोविंद बल्लभ पंथ सागर भी इसको यस yes. जी गोविंद बल्लभ पंथ सागर भी इसको हम कहते हैं इंडिया की सबसे बड़ी ये सारे फैक्ट आपको याद करने हैं इंडिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल रेजरवायर है ये इंडियाज आर्टिफिशियल रेजरवायर सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेजरवायर जो है वो ये है लेक है ये हमारी यहाँ पे और ये जो है ये रिहान प्रोजेक्ट जो है आपका दो स्टेट्स के बीच में है यूपी और एमपी यहाँ पे जो यूपी और एमपी का बॉर्डर है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है जो रिहान डे रिवर होती है रिहान रिवर के ऊपर है और रिहान्द जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है तो इसका मतलब ये तो हो गया फाइनल कि जो रिहान्द है ये यूपी को भी प्रोवाइड करेगा पानी और एमपी को भी प्रोवाइड करेगा यूपी और एमपी को तो करेगा ही करेगा और कौन सी स्टेट्स को करता है छत्तीसगढ़ को भी करता है और कुछ पार्ट आपका जाता है बिहार में भी और कुछ पार्ट जाता है बिहार में भी तो रिहांद डैम प्रोजेक्ट जो इरिगेट करता है यूपी एमपी छत्तीसगढ़ और बिहार के इलाकों को करता है लेकिन अगर आपसे पूछा लोकेशन कहां पे है तो यूपी और एमपी के बॉर्डर के ऊपर है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनने वाला है वो क्या बनेगा आपका सी ऑप्शन यस yes, उत्तर प्रदेश और बिहार इज द करेक्ट आंसर सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यस सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश एंड बिहार चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे देखिए ये आपका बॉर्डर आ गया ठीक है ये देखो ये कॉन्फ्रेंस के ऊपर हो गया ये आपका यूपी हो गया ये हो गया आपका जो ऊपर वाला पार्ट बिहार वाला और नीचे छत्तीसगढ़ वाला पार्ट आ गया तो यहां पे जो है सारे के सारे जो पार्ट देखने को मिलते हैं सो बेसिन दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट क्लियर चलिए फ्रॉम विच डिस्टेंस वी मेजर द लैटिट्यूड वी मेजर द लैटिट्यूड हम कौन से बिंदु से अक्षांश को किस दूरी से मापा जाता है ये क्वेश्चन है पृथ्वी पर एक बिंदु है उसका अक्षांश है वो हम कहाँ से मापते हैं पहली बात तो लेटीट्यूड्स क्या होती हैं लेटी हुई लाइनें ऐसे ठीक है और हमेशा जो लेटी हुई लाइनें होते हैं एक डिग्री का डिस्टेंस रहता है दोनों के बीच में एक डिग्री का और एक डिग्री जो बराबर होता है वो होता है एक किलोमीटर के बराबर होता है और अगर मैं कहूँ लंबी लाइनें तो लंबी लाइने होती हैं ये वाली लॉन्गीट्यूड्स क्या होती हैं लॉन्गिट्यूड्स होती हैं और इसको हम क्या कहते हैं मैरिडन्स कहा जाता है लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियंस कहा जाता है समझ आया आप लोगों को अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ फिर इसको क्वेश्चन को करते हैं देखिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट लेटिट्यूड्स हैं वो कौन कौन से याद कर रहे है? हैं आपको जीरो डिग्री जिसे हम क्या कहते हैं इक्वेटर फिर उसके बाद आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ जाता है साढ़े तेईस डिग्री नॉर्थ के ऊपर और उसके बाद साढ़े छियासठ के ऊपर आपका आर्कटिक सर्कल आर्कटिक सर्कल साढ़े छियासठ पर आता है और नॉर्थ में आइए ठीक है और फिर आपका नाइन्टी डिग्री नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल आ जाता है सबसे ज़्यादा जहाँ पे ठंड पड़ती है फिर ऐसे नीचे आपका साढ़े तेईस डिग्री साउथ के ऊपर आपको देखने को मिलता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन समझ आया फिर साढ़े छियासठ पे देखने को मिलता है आपका डेट इज़ अंटार्टिक अंटार्टिक सर्कल फिर उसके बाद लास्ट में आपको वो आता है साउथ पोल ये आपको पता होना चाहिए ये पॉइंट्स पता होना चाहिए नाइन्टी डिग्री साउथ तो दीज आर द मेन जो है आपकी लेटीट्यूड्स सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेटिट्यूड होता है आपका इक्वेटर जीरो डिग्री जिसे हम और क्या कहते हैं ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है ग्रेट सर्कल तो ऐसे ही आपकी जो लंबी लाइनें होती हैं ऐसे जिसे हम क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन कहा जाता है तो हमेशा इसकी जीरो डिग्री को हम क्या कहते हैं प्राइम मैरिडियन कहा जाता है क्या कहते हैं हम प्राइम मेरिडियन कहा जाता है और ये प्राइम मेरिडियन कहाँ से जाती है लंदन से जीएमटी जिसे हम कहते हैं डेट इज ग्रीन विच मेन टाइम हम वहाँ से लेते हैं ग्रीन विच जगह लंदन से निकलती है उसको हम जीरो डिग्री को लॉन्गिट्यूड कहते हैं प्राइम मेरिडियन कहा जाता है और हमारी जो मेरिडियन है वो साढ़े डिग्री के ऊपर है और एक डिग्री के बीच में जो है आपका चार मिनट का डिस्टेंस रहता है चार मिनट का चार मिनट के बराबर होता है साढ़े बयासी डिग्री इंडिया ईस्ट में देखने को मिलता है तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 मिनट बन जाएगा और इट मींस हम ग्रीनविच मीन टाइम से पाँच घंटे 30 मिनट आगे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए ये फैक्ट है नॉर्मल फैक्ट है, ये तो, ठीक है अब आ जाओ यहां पे अगले क्वेश्चन की तरह एक सेकंड रुकिए, हाँ अब क्वेश्चन ये पूछा है कि अच्छा ये बताइए कि जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं लैटिट्यूड का तो वो कैसे मेजर किया जाता है कहां से मेजर किया जाता है शाबाश बताइए यस इट इज़ द एंगल फ्रॉम द इक्वेटर जो भी एंगल होगा इक्वेटर से वो मेजर किया जाता है क्योंकि यहां पे देखिए ये जो जीरो डिग्री वाला पार्ट है ना ये कितना एंगल है यहां से कितना एंगल है यहां से कितना एंगल है यहां से कितना एंगल है ये हम मेजर करते हैं यहां पे तो इट इज द एंगल फ्रॉम द इक्वेटर नॉट द डिस्टेंस नॉट द एनीथिंग इट इज द एंगल समझ आए आप लोगों को चलिए बताइए समझ आया तुम्हें यस yes. तो आंसर इसमें क्या बनेगा बी ऑप्शन बनेगा एंगल फ्रॉम द इक्वेटर रेखा से कौन को हम क्या कहते हैं आपका लैटीट्यूड uh, कहा जाता है आंसर इसमें क्या बनेगा आपका ये ठीक है सो so, दिस इज इंपॉर्टेंट वन चलिए मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन मध्य प्रदेश जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कहां पे कौन सी फसल के अंदर सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है बड़ा यस yes, बताइए मध्य प्रदेश बिल्कुल आपका सेंटर ऑफ द अर्थ सेंटर ऑफ द इंडिया ठीक है मध्य प्रदेश बिल्कुल सेंट्रल इंडिया के पास आता है और मध्य प्रदेश में एक जगह है आसिरगढ़ फोर्ट आसिरगढ़ फोर्ट है आपका ठीक है उसे हम क्या कहते हैं की ऑफ डेक्कन दक्षिण में जाने के लिए आसिरगढ़ फोर्ट आपको जीतना पड़ेगा मध्य प्रदेश जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर किसका वो ऑयल सीड्स का भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और पल्सिस का भी सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है तो मतलब इसमें बी और सी ऑप्शन दोनों सही है बी और सी ऑयल सीड्स का भी है और पल्सिस का भी है दोनों चीजें आपकी सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं कहां पर मध्य प्रदेश ऑयल सीड्स भी और पल्सिस भी दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट बी और सी दोनों ही आंसर आपके सही है और ये देखिए यस बी और सी दोनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं समझ आया आप लोगों को यस yes, बिल्कुल सही आंसर इसमें बी और सी बनेगा करेक्ट आंसर कॉटन जो है आपकी देखने को मिलती है जैसे गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर और मेज़ वगैरह बिहार के अंदर भी देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलती है बहुत सारे एरियाज़ में और देखने को मिलती है क्लियर हो गया ठीक है हाँ और बाकी जो है आपका जो बात करें कॉटन की तो कॉटन की अगर हम बात करते हैं तो कॉटन जो है कॉटन इज द कॉटन सिल्वर फाइबर जिसे हम कहते हैं और देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना पेपर में मैंने जनरली जो देखा है देखिए आंसर इसका बी और सी बनेगा लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग दोनों आंसर सही हैं आपके ऑयल सीड्स और पल्स लेकिन अगर देखिए मैंने पेपर में एग्जामिनर को देखा है तो अगर वो डालता है कि मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर किस में है तो वो हमेशा वो पल्सिस को टिक करवाता है दालों को टिक करवाता है तो बट मैंने आपको बता दिया कि वो ऑयल सीड्स और पल्सिस के अंदर दोनों में रिच है कौन मध्य प्रदेश क्लियर बट इसमें ऐसे क्वेश्चन में आप सी को टिक कर सकते हैं पल्सिस को टिक कर सकते हैं अगर यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आता है वैसे ये क्वेश्चन रॉन्ग है ठीक है बी और सी दोनों ही ऑप्शन बनेंगे बट अदरवाइज पल्सिस को टिक कर सकते हो आप लोग ये देखिए जी चलिए अगला क्वेश्चन देखिए शिवा फॉल जो है शिवा समुद्रम फॉल जो है ये आपका कौन सी रिवर के ऊपर देखने को मिलता है जल्दी बताइए शिवा फॉल जो है आपका कौन सी रिवर के ऊपर देखने को मिलता है शिवा फॉल यस बिल्कुल सही ये देखने को मिलता है शिवा समुद्रम फॉल जो है कर्नाटक के अंदर और कौन सी रिवर के ऊपर दैट इज़ द रिवर कावेरी के ऊपर आंसर इसमें क्या बनेगा डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर रिवर कावेरी के ऊपर कावेरी जो है बिल्कुल आपके साउथ इंडिया के अंदर पेरिनियल रिवर है सारा साल बहती रिवर है ये और ये स्टार्ट कहाँ से होती है ब्रह्मगिरी रेंज से ब्रह्मगिरी रेंज से स्टार्ट होती है ये ठीक है और कावेरी डेल्टा बन जाता है बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है कावेरी वाटर डिस्प्यूट आपका चार राज्यों में है वो कौन से कर्नाटक केरल तमिलनाडु और पुडुचेरी यानी कि तीन स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी के बीच में आपका कावेरी रिवर डिस्प्यूट देखने को मिलता है गंगा की बात करें गंगा आपकी पूरे इंडिया की जो है हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है 2525 किलोमीटर और ये स्टार्ट कहाँ से होती है देव प्रयाग से देव प्रयाग मतलब जहाँ पे आपकी जो है बागीरथी और अलकनंदा आके मिलते हैं देव प्रयाग से स्टार्ट होती है और गंगा रिवर स्टार्ट होगी और ये उत्तराखंड से स्टार्ट हुई यूपी बिहार देन उसके बाद आपका झारखंड देन वेस्ट बंगाल और फिर जाके सुंदरबन डेल्टा ब्रह्मपुत्रा के साथ मिलके बनाती हैं गोदावरी की अगर मैं बात करता हूं तो गोदावरी जो है नासिक से स्टार्ट होती है त्रिम्बकेश्वर प्लेटू से गोदावरी जो है बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है कृष्णा रिवर के साथ जो है आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा बनाती है लेकिन गोदावरी रिवर के ऊपर दो प्रोजेक्ट याद कीजिए एक आता है आपको पोलावरम प्रोजेक्ट पोलावरम प्रोजेक्ट जो है गोदावरी रिवर के ऊपर है आंध्र प्रदेश में और एक प्रोजेक्ट याद कीजिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट और ये देखने को मिलता है आपको तेलंगाना में अगेन इन द गोदावरी रिवर ऑन द गोदावरी रिवर कृष्णा की बात करते हैं तो यहां पे नागार्जुना सागर डैम देखने को मिलता है यहां पे कृष्णा जो है कृष्णा रिवर के किनारे के ऊपर विजयवाड़ा एक आपका जो है स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट देखने को आपको मिलता है कृष्णा और गोदावरी के बीच में एक लेक बनती है जिसे हम क्या कहते हैं कोलेरू लेक कृष्णा और गोदावरी के बीच में कोलेरू लेक देखने को मिलती है सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर यस डी ऑप्शन कावेरी ठीक है यहाँ पे शिव समुंदरम फॉल अगला बताइए हमारे इंडिया में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो कौन सा है ऊर्जा का मुख्य सत्रोत जो है हमारे इंडिया के अंदर कौन सा है मैंने बहुत बार आपको एक क्वेश्चन करवाया कि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो एनर्जी बनती है वो बनती है आपकी थर्मल एनर्जी तापीय ऊर्जा आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा 67 परसेंट के आसपास जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारे इंडिया में वो थर्मल एनर्जी होती है और ये थर्मल एनर्जी मेनली कहाँ से आती है कोल से मेनली कोल से नेचुरल गैस वगैरह पेट्रोलियम वगैरह यूज करते हैं लेकिन मेनली हम कोल से यूज करते हैं दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट क्लियर बिजली पैदा करी जाती है थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा इंडिया में प्रोड्यूस होती है आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर थर्मल एनर्जी थर्मल एनर्जी चलिए जी अगला बताइए अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है यस शाबाश क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेजर पोर्ट बताइए ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के ऊपर कौन से मेजर पोर्ट्स हैं यस मैं आपको बता देता हूं तूती कोरिन है एक ठीक है तूती कोरिन जो है वो कहां पे है तमिलनाडु में और इनोर है इनोर है ये भी आपका तमिलनाडु में ठीक है चेन्नई वाला है हल्दिया है हल्दिया ठीक है विशाखापट्टनम भी है पोर्ट ब्लेयर भी है वो बिल्कुल आपका ईस्ट साइड के ऊपर पड़ जाते हैं मेजर पोर्ट हैं आपके तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इनमें से ईस्ट कोस्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा जो मेजर पोर्ट है वो कौन सा है डेट इज़ अ विशाखापट्टनम आंसर इसमें क्या बनेगा बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर विशाखापट्टनम इज़ अ करेक्ट आंसर जो यहाँ पे ये दोनों तो है ही नहीं है कांडला पोर्ट की बात करते हैं तो इसको आप दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी हम जानते हैं दीनदयाल पोर्ट और ये जो है ये टाइडल पोर्ट है आपका टाइड से बनता है टाइडल पोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गुजरात में देखने को मिल जाएगा आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर विशाखापट्टनम पोर्ट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश के कुछ सी पोर्ट्स आप याद कर लीजिए क्योंकि पेपर में ये जो नॉर्मल पोर्ट्स होते हैं ना ये आने अब बंद हो चुके हैं तो थोड़े जो अंदर डिटेल में पूछे जाते हैं ना वो पूछे जाते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा ये निजाम निजामपट्टनम कहाँ पर है मछलीपट्टनम कहाँ पर है और नरसापुरम कहाँ पर है काकीनाड कहाँ पर है टोनांगी कहाँ पे है और गंगवरम कहाँ पे है नक्कापल्ली कहां पे है ये सारे के सारे कहां पे हैं आपके डेट इज इन द प्रदेश कृष्णापट्टनम है और प्रदेश ईस्ट कोस्ट के ऊपर पड़ते हैं ये सारे याद करने हैं आपको समझ आए आप लोगों को ये सारे याद करने हैं आपको yes. अगला बताइए शुगर बाउल इंडिया का किसे कहा जाता है Who is called, uh, which state is called the sugar bowl of India? शुगर बाउल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है फटाफट बताइए जहां पे आपकी सबसे ज्यादा शुगर की प्रोडक्शन होती है वो होती है कहां पे उत्तर प्रदेश में आंसर इसमें क्या बनेगा आपका ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर क्लियर और जो शुगर है शुगर केन जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है यानी कि आपके ट्रॉपिकल एरियाज में और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी उगाई जाती है और यहाँ पे टेम्परेचर की कंडीशन इक्कीस से सताईस डिग्री चाहिए और ज़्यादा भी आपको मैन्यूल लेबर की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है नॉर्मल लेबर भी आपके घर वाले लोग भी कर सकते हैं इस क्रॉप को उगा सकते हैं और अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड की बात पूछते हैं तो शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा को कहते हैं और क्यूबा प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा आगे था इंडस्ट्रीज वहां पे बहुत ज्यादा थी लेकिन आज अब एट प्रेजेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा शुगर कहां पे होती है ब्राजील के अंदर सबसे ज्यादा होती है तो याद रखें आंसर इसमें क्या बनेगा आपका ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर यस बिल्कुल पचहत्तर से सेवेंटी फाइव टू तो हंड्रेड सेंटीमीटर की बारिश आपको चाहिए होगी ठीक है यूपी में है महाराष्ट्र में है ये दो स्टेट आप याद कर लीजिए नंबर वन नंबर टू कर्नाटक तमिलनाडु आंध्र प्रदेश ये तो सारी है ही है यस ठीक है चलिए लानोस घास के मैदान जो हैं ये कहां पे हैं अगेन इंपॉर्टेंट है, है लानोस ये कहां पे देखने को मिलते हैं ये आपको देखने को मिलते हैं साउथ अमेरिका के अंदर दक्षिण अमेरिका के अंदर देखने को मिलते हैं साउथ अमेरिका के अंदर साउथ अमेरिका में कहां पे देखने को मिलते हैं लानोज ग्रास के लैंड जो हैं ये कहां पे देखने को मिलते हैं यस डेट इज इन वेनेजुएला और कोलंबिया के बीच में वेनेजुएला और कोलंबिया में लानोस घास के मैदान हमें देखने को मिलते हैं आंसर इसमें क्या बनेगा बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर वेनेजुएला इज द करेक्ट वन यस बिल्कुल सही बी ऑप्शन बनेगा राइट right वन ये कुछ है आपके ग्रास हैं ये है जो है ये डिफरेंट डिफरेंट जगह के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट हैं और ये जो ग्रास हैं मैं आपको और भी बता देता हूँ यहाँ पे देखिए जी स्टेपेज जो हैं वो कहाँ पे हैं यूरोप और नॉर्थ एशिया के अंदर हैं पुस्ताज जो है हंगरी में प्रेरीज यूएस पैम्पास अर्जेंटीना वेल्ड साउथ अफ्रीका डाउंस ऑस्ट्रेलिया कैंटरबरी न्यूजीलैंड सवाना अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ये बहुत बार आता है आता तो कोई भी है इसमें टैगा यूरोप और एशिया और सेल्वास साउथ अमेरिका में देखने को मिलते हैं तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्लियर ये ग्रासलैंड्स पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं इसको याद कर स्क्रीन लेना स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लेना ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए वेयर आर द रेलवे कोच मेड इन इंडिया जो रेलवे कोच होते हैं कोच मतलब जो डब्बे होते हैं वो कहाँ पे बनाए जाते हैं इंडिया में रेलवे कोच जो हैं वो कहाँ पे बनाए जाते हैं इंडिया में <coughs> जल्दी बताइए एक तो मैं आपको बता दूं हमारे देश में मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री है वो कहाँ पे है रायबरेली तो आप अपने आप टिक कर देना मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री है डेट इज इन द रायबरेली और एक है रेल कोच फैक्ट्री रेल कोच फैक्ट्री ये है कहां पे कपूरथला में ये लिख लेना यार सारे कपूरथला में ठीक है और ए, एक जो है आपकी जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये सारे कोच बनाते हैं ठीक है ये है पेरम्बूर पेरम्बूर तमिलनाडु के अंदर पेरम्बूर तमिलनाडु के अंदर और एक है मराठवाड़ 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 रेल कोच फैक्ट्री ठीक है ये है लातूर ये महाराष्ट्र में तो यहां पे चार जगह के ऊपर आपके रेलवे कोचेस बनाए जाते हैं तो इसका आंसर आप टिक कर लीजिए क्या बनेगा यस कहां पे बनेगा ये बनेगा जी कपूरथला और पैरम्बूर के बीच में आंसर इसमें क्या बनेगा आपका बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर कपूरथला और पैरम्बू यहां पे यह क्वेश्चन याद रखिए कि अगर आपसे पूछा रेल कोच फैक्ट्री तो कपूरथला मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री डेट इज इन द रायबरेली यूपी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पैरम्बूर तमिलनाडु और मराठवाड रेल डेट इज लातूर महाराष्ट्र ये अलग अलग से पूछे जाए तो अलग अलग से टिक कर देना आंसर इसमें क्या बनेगा आपका बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर कपूरथला और पैरम्बूर के अंदर रेलवे कोच फैक्ट्री है ये चार के चार आपके रेलवे

और एक कांजली वेटलैंड कहाँ पे है पंजाब में और पंजाब के अंदर अगर पूछा जाए कौन सी रिवर के ऊपर है रिवर बैन और एक किसकी ट्रिब्यूटरी है रिवर ब्यास की ट्रिब्यूटरी है ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी है रिवर बैन के ऊपर देखने को आपको मिलता है दिस इज इंपॉर्टेंट वन अगर आपसे पूछला कि कांजली वेटलैंड पंजाब में कौन सी आपकी जो है डिस्ट्रिक्ट में है तो आपका क्या आप बोलेंगे कपूरथला कपूरथला के अंदर है यहां पे तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर बिल्कुल सही बिल्कुल सही समझ आया यस yes, हाँ बिल्कुल ये जो रामसर कॉन्वेंशन है ये बनी कब थी 1971 में बिल्कुल सही कह रहे हो आप ठीक है आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है जी आंसर इस पंजाब इज द करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया था कि पेपर में वहां पे जो आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कॉन्सेप्ट तो बहुत कम पूछे जाते हैं डेफिनेशंस और स्टैट्स पूछा जाता है पेपर में और जहाँ पर आप कन्फ्यूज होते हैं तो ध्यान से समझ के पढ़िए इनमें से ऐसा कौन सा एरिया है कौन सी सिटी है जहां पे दो रेलवे जोन के जो है हेडक्वार्टर हैं दो रेलवे जोन के हेडक्वार्टर हैं मैं रिपीट कर रहा हूं जहां पे दो जोन है रेलवे जोन है उसके सेम हेडक्वार्टर हैं यहां पे, ठीक है अगर हम बात करते हैं जबलपुर की तो ये है वेस्ट सेंट्रल रेलवे के वेस्ट सेंट्रल रेलवे के जो है जोन जो है हेडक्वार्टर कहां पे है डेट इज जबलपुर यस तो बिल्कुल और यहां पे जो है न्यू डेली में नदन रेलवे हुबली बताओ यस बिल्कुल साउथ वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न फिर मुंबई रह गया अकेला तो मुंबई ही इसका आंसर है और मुंबई में जो है किसके हेडक्वार्टर है मुंबई में किसके हेडक्वार्टर हैं बिल्कुल ये हैं सेंट्रल रेलवे के सेंट्रल रेलवे के ठीक है सेंट्रल रेलवे के हेडक्वार्टर हैं यहां पे और वेस्टर्न रेलवे के मुंबई में सेंट्रल रेलवे के और वेस्टर्न रेलवे के हेडक्वार्टर हैं तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है सी ऑप्शन मुंबई इज द करेक्ट आंसर मुंबई जबलपुर के अंदर वेस्ट सेंट्रल रेलवे है न्यू दिल्ली के अंदर नदन रेलवे है हुबली के अंदर साउथ वेस्टर्न है तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका सी ऑप्शन बनेगा मुंबई इज द करेक्ट आंसर मुंबई यहां पे 18 जोन है इसका स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीन शॉट ले लीजिए जी हमारे इंडिया में हमारे इंडिया में 18 जोन है रेलवे जोन है यहां पे आपको देखने को मिलते हैं ठीक है अच्छे से पढ़ लीजिए इसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीन शॉट ले लेना चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कावेरी डैम जो है लोकेट सॉरी कोदीवेरी डैम जो है ये लोकेटेड है कोदोवेरी जो लोकेटेड है ये आ, आ, कावेरी रिवर के ऊपर तमिलनाडु में ये किसकी ट्रिब्यूटरी के ऊपर देखने को आपको मिलता है किसकी ट्रिब्यूटरी के ऊपर आपको देखने को मिलता है यस ये जो है पहली बात तो आपको बता दूं तमिलनाडु में और नियर कौन सी जगह सत्यामंगलम नियर सत्यामंगलम ठीक है सत्यामंगलन टाइगर रिजर्व भी है तमिलनाडु में अब यहां पे आ जाइए कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है और रिवर का जो नाम है डेट इज भवानी रिवर के ऊपर आंसर इसमें क्या बनेगा ए ऑप्शन बनेगा भवानी रिवर के ऊपर जो है डेट इज अ कोदीवरी डैम देखने को मिलता है याद कर लीजिए बस इतना ही याद करना है और दिमाग नहीं लगाना आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर क्लियर हो गया आप लोगों को ए ऑप्शन भवानी रिवर के ऊपर है डेड सेट भवानी रिवर के ऊपर ऐसे फॉरेस्ट बताइए जहां पर वाटर लॉक्ड एरिया होता है वहां पे आपके फॉरेस्ट बनते हैं जो जल जंगल क्षेत्रों में आपके जो है कौन से फॉरेस्ट बनते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और ये है आपके मैंग्रूवस उसको क्या कहते हैं हम मैंग्रूव कहा जाता है मैंग्रूव को हम और क्या कहते हैं टाइडल <coughs> जो आपका सॉरी दलदल वाला जिसे हम कहते हैं जिसमें आपके जो जो डैट मीन्स जो, जो, जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा जड़ों तक जो है पानी तक जो है अंदर तक चली जाती हैं इसको मैंग्रूव को हम टाइडल फॉरेस्ट के नाम से भी हम जानते हैं टाइडल फॉरेस्ट ठीक है टाइडल फॉरेस्ट के नाम से भी हम जानते हैं दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट और इनकी जड़ें होती हैं वो बहुत ज्यादा नीचे तक होती हैं जैसे ही पानी का बहाव आएगा टाइड्स आएंगे तो ये ये हिलें बस हिलेंगे ये ऐसे नहीं कि पानी से उखड़ जाएंगे तो इससे क्या होगा कि जो सुनामी आएगी या आपकी साइक्लोन वगैरह आएगा उसका इफेक्ट जो कम कर देते हैं वो मैंग्रोव कर देते हैं और वर्ल्ड के सबसे बड़े मैंग्रोव कहाँ पे हैं सुंदरबन डेल्टा जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है और वहां पर हमारे मैंग्रोव हैं और ये हमेशा मैंग्रूव देखने को मिलते हैं कोस्टल स्टेट्स के अंदर कोस्टल

अगला बताइए डंकन पैसेज जो है वो कहां पे लोकेटेड है डंकन पैसेज जो है वो आपका कहां पे लोकेटेड है डंकन पैसेज़ बिल्कुल सही जी और निकोबार के बीच में जो पैसेज आता है उसे हम क्या कहते हैं डंकन पैसेज कहा जाता है और ये साउथ और लिटिल अंडेमान के बीच में देखने को मिलता है साउथ और लिटिल अंडेमान के बीच में आंसर इसमें क्या बनेगा वन ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर बिल्कुल ये इंडियन ओशन के अंदर एक पैसेज है आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर और ये जो मैं दिखा देता हूं आपको यहां पे दिस इज अ डंकन पैसेज क्लियर तो ये साउथ अंडेमान यहां पे आ गया ठीक है और लिटिल अंडेमान बिल्कुल नीचे है यहां पे इनके बीच में पैसेज डेट इज डंकन पैसेज आप ये भी कह सकते हैं ये भी कह सकते हैं कि ये जो पैसेज है ये सेपरेशन कहां पर रटलैंड आइलैंड रेटलैंड आइलैंड के बीच में रेटलैंड आइलैंड जो है ये ग्रेट अंडेमान का पार्ट है जो ऊपर वाला पार्ट है ग्रेट अंडेमान का और उसके सेप, सेपरेशन में लिटिल अंडेमान आप ये भी कह सकते हैं कि साउथ अंडेमान और लिटिल अंडेमान के बीच में है आप ये भी कह सकते हैं रेटलैंड आइलैंड और लिटिल अंडेमान के बीच में है डंकन पैसेज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लियर और यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर जो है इनकी क्या है कैपिटल uh, सिटी है और यहाँ पे यार ये uh, जो आइलैंड्स है वो याद कर लीजिए पेपर में आ जाते हैं जैसे कि हैवलॉक आइलैंड नील आइलैंड बैरन आइलैंड ये आपका जो है एक्टिव आ, एक्टिव वॉलकैनो है यहाँ पे और नारकोन दाम भी है यहाँ पे और आ, इसकी आ, जो है आपकी अच्छा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि जो हमारी आ, जो अंडेमान निकोबार की सबसे ऊंची हाईएस्ट पॉइंट है हाईएस्ट पॉइंट जो है वो कौन सा है और टेन डिग्री चैनल भी अंडेमान निकोबार के बीच में जाता है टेन डिग्री चैनल याद रखना है इंपॉर्टेंट है अगला बताओ 2011 के सेंसिस के अकॉर्डिंग जो हमारी इंडिया की जो आपकी पॉपुलेशन है डेंसिटी वो कितनी थी पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब ये होता है कि एक स्क्वेयर किलोमीटर में कितने लोग आते हैं एक स्क्वेयर किलोमीटर में कितने लोग आते हैं तो हमारी इंडिया की जो डेंसिटी थी वो थी थ्री एटी टू तीन सौ बयासी परसेंट पर स्क्वेयर किलोमीटर हमारे आते हैं तो आंसर इसमें क्या बनेगा बिल्कुल सही डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर डी ऑप्शन इज़ द राइट वन क्लियर तीन सौ बयासी परसेंट आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर हो गया आप लोगों को यस yes. अगर आपसे पूछा कि अच्छा ये बताइए कि स्टेट जिसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी है स्टेट सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है बिहार की बिहार की सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है अगर आपसे पूछा लोएस्ट किसकी है तो अरुणाचल प्रदेश की अरुणाचल प्रदेश की सबसे लोएस्ट है अरुणाचल प्रदेश में तो सत्रह लोग आते हैं पर स्क्यर किलोमीटर में और बिहार में ग्यारह के आसपास एक स्क्यर किलोमीटर में ग्यारह लोग रहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में सत्रह लोग रहते हैं तो मतलब हाइएस्ट एंड लोएस्ट का गैप देखो कितना है और इंडिया में कितनी है तीन आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर ये देखिए जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द माउंटेन रेंज विच डिवाइड द नॉर्थ एंड द साउथ इंडिया इज उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जो डिवाइड करता है वो कौन सी जो है आपकी पर्वत श्रृंखला है तो इसमें से बताना है सो so, कौन सी पर्वत श्रृंखला प्र, है वो दैट इज यस डेट इज विंध्यास आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर तो यहाँ पे देखिए जी ये है आपका बिल्कुल यहाँ पे है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपका जो है डिवाइड होता है सो विंध्यास जो माउंटेन है वो नॉर्थ और साउथ को डिवाइड कर देती है सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विन्ध्यास माउंटेन वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर और इसमें आपको एक चीज़ और बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे पहले तो विंध्याज माउंटेन हो गया ठीक है अगर हम बात करते हैं विंध्याज और सतपुड़ा विंध्याज और सतपुड़ा के बीच में एक रिवर बहती है नर्मदा रिवर जो रिफ्ट वैली के थ्रू क्रॉस करती है ब्लॉक माउंटेन्स का पार्ट बनाती है और यहाँ पे अरब सागर में गिर जाती है अरब सागर में चार नदियाँ गिरती हैं नर्मदा गिरती है माही ताप्ती और आपकी साबरमती यहाँ पर गिरती है और यहाँ पर बनाती हैं वो ऐशोरीज बनाती हैं ऐश्यस और सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है हमारे इंडिया में वो वेस्टर्न घाट में होती है जिसे आप और क्या कहते हैं सहादरीस और यहाँ से क्या आती हैं साउथ वेस्ट मानसून आती हैं और जो पर्वतों से टकरा के बारिश होती है उसको हम क्या कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगी वहाँ पर आपकी बायडिवर्सिटी भी ज़्यादा होगी ये ध्यान रखना क्लियर फिर उसके बाद में आ गया डेकन प्लाडो का पार्ट फिर यहाँ पर ईस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट में बारिश इसीलिए नहीं होती क्योंकि ये जो है रेन शेडो एरिया में आ जाता है रेन शेडो जोन में आ जाता है छोटा नागपुर प्लेटू जहाँ पे बहुत सारे जो हैं आपके मिनरल्स वगैरह मिलते हैं था डेजर्ट है अरावलीज माउंटेन है जो आपकी ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है इंडिया में ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है गुरु शिखर गुरु शिखर क्लियर और उसके बाद ये गैरो खासी जयंतियाँ ये हिल्स हैं आपकी कहाँ पे मेघालय में मेघालय को और क्या कहते हैं हम ए ऑफ अब द क्लाउड्स क्लाउड से गिरा हुआ यहाँ पे लिखा हुआ है हिमालयस हिमालयस जो हैं सबसे यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे यंगेस्ट और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट कितनी है एट एट फोर एट पॉइंट एट सिक्स मीटर तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर याद रखना है और यहाँ पे लिखा हुआ है रैन ऑफ कच्छ रैन ऑफ रेन रैन ऑफ कच्छ में ही एक रिवर आके खत्म हो जाती है जिसका नाम है रिवर लूनी लूनी जो है ये जो है आके नहीं गिरती गल्फ ऑफ कच्छ में नहीं गिरती ये रस्ते में खो जाती है ऐसी रिवर जो रस्ते में खो जाएँ और उसको हम क्या कहते हैं एफिमरल रिवर कहा जाता है एफिमरल रिवर कहा जाता है क्लियर और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका नीलगिरी नीलगिरी माउंटेन्स वो माउंटेन्स हैं जहाँ पे आपके ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं ब्लू माउंटेन्स का पार्ट है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाते हैं सबसे बड़ा मैंग्रोव जो है आपका सुंदरबन में ही है और कार्डिमम हिल्स कार्डिमम हिल्स आर द बिल्कुल सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया बिल्कुल जो पहाड़ियां सबसे साउथ में हैं हिल्स में हिल्स जो साउथ में हैं वो कौन सी हैं हमारी कार्डिमम हिल्स तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा इंडिया ही कवर कर दिया मैंने आंसर इसमें क्या बनेगा आपका सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर विंध्यास चलिए जी अगला आंसर बताइए अगला क्वेश्चन देखिए इनमें से कौन सी जो है आपकी परतदार चट्टान नहीं है ठीक है इग्नियस रॉक्स कौन सी नहीं है पहली बात तो इग्नियस रॉक्स जो होती हैं वो वो होती हैं जब आपका जो होता है डेट इज़ लावा जम जाए मैग्मा जम जाता है ये जब कूल हो जाए और कूल होकर क्या बन जाए सॉलिडिफाई सॉलिडिफाई हो जाता है तो वो कौन सी रॉक्स बनती हैं इग्नियस रॉक्स बनती हैं ये धरती के बाहर भी बन सकती हैं धरती के अंदर भी बन सकती हैं क्लियर हो गया धरती के बाहर भी बन सकते हैं धरती के अंदर भी बन सकती हैं तो इनमें से कौन सी जो है इग्नियस रॉक नहीं है नॉट पूछा है नहीं है परदा चट्टान नहीं है तो वो है डोलोमाइट आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर डोलोमाइट जो है कैल्शियम की और मैग्नीशियम की ओर है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट इसको हम कहते हैं सो दिस इज द कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट तो दिस इज द डोलोमाइट दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर और ये डोलोमाइट जो है आपका मिनरल है और कैल्शियम मैग्नीशियम की ओर है और इसी से मिलता जुलता वर्ड होता है डोलोस्टोन जो कि आपका सेडिमेंट्री रॉक्स के लिए हम यूज़ करते हैं और ये जो है डोलोमाइट से ही बनाया जाता है डोलोस्टोन तो इसका आंसर क्या बनने वाला है डोलोमाइट डोलोमाइट इज नॉट द इग्नियस रॉक पर चट्टान नहीं है ग्रेनाइट आपकी जो है आ, जो है डेट इज इग्नियस है बसाल्ट भी और गैब्रो भी आपकी जो है इग्नियस रॉक्स है यस yes, बिल्कुल सही क्लियर और ग्रेनाइट जो बनती है वो क्वार्ड्स और माइका का बना होता है क्वार्ड्स और माइका का ठीक है बसाल्ट की अगर मैं बात करता हूँ बेसाल्ट की तो ये क्या होता है एक्सक्लूसिव यानी कि धरती के बाहर आके जम जाती है ये एक्सक्लूसिव रॉक होती है एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक गैब्रो की बात करते हैं तो इंक्लूजिव इंक्लूसिव का मतलब

खुद से जब डिफाइन करते हो ना कि हाँ पेपर में ये आएगा पेपर में नहीं आएगा मेरा लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो पेपर में जाके हर हाँ, लेवल पता लगता है कि तुम कहाँ पे हो ठीक है तो पढ़ते रहा करो जी द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द इंडियन ओशन इज द डीपेस्ट ट्रेंच हिंद महासागर की सबसे बड़ी जो खाई है वो कौन सी है पहली बात तो उसने पूछा इंडियन ओशन की बात करी है ये पूरे आपके वर्ल्ड की ओशंस की बात नहीं करी डीपेस्ट ट्रेंच तो वो तो आपकी आती है मरियाना ट्रेंच जो आपकी पैसिफिक ओशन में है लेकिन इसने पूछ लिया इंडियन ओशन अच्छा मरियाना ट्रेंच कहाँ पर है डेट इज़ इन द पैसिफिक प्रशांत महासागर में इंडियन ओशन की सबसे जो ट्रेंच सबसे डीपेस्ट है वो कौन सी है जावा ट्रेंच क्लियर हो गया जिसे आप हाँ सुंडा ट्रेंच भी कह देते हैं और ये बनती है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के सबडक्शन से बिल्कुल सही समझ आया आप लोगों को जी आंसर इसमें क्या बनने वाला है वन ऑप्शन जावा ट्रेंच इज so, द करेक्ट आंसर जावा ट्रेंच यहाँ पे देखिए जी कहाँ पे है ये जावा ट्रेंच सो इंडियन ओशन में है दिस इज द जावा ट्रेंच क्लियर जावा ट्रेंच है यहाँ पे। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे हम बात करते हैं प्यूटो रिको ट्रेंच सो हेयर इज द सो दिस इज इन द अटलांटिक ओशन क्लियर साउथ सैंडविच ट्रेंच दिस इज ऑल्सो इन द दैट इज इन द अटलांटिक ओशन मेरियाना ट्रेंच की बात कर रहे हैं तो दिस इज इन द पैसिफिक ओशन ये आपकी वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है याद रखिए सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे बड़ा महासागर अगर पूछा कौन सा है तो वो है पैसिफिक ओशन पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा महासागर है दूसरे नंबर पे आता है अटलांटिक तीसरे नंबर पे आता है इंडियन ओशन फिर सदन देन आर्कटिक क्लियर ये याद रखिए और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि सबसे बिजिएस्ट सबसे बिजिएस्ट ओशन कौन सा है सबसे बिजी रहने वाला ओशन कौन सा है तो वो है आपका अटलांटिक क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का बहुत मैक्सिमम जो है आपका ट्रेड होता रहता है ट्रेड होता है सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर याद रखिए तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनने था वो क्या बन गया आपका जावा ट्रेंच इज़ द करेक्ट आंसर जावा ट्रेंच अगला बताइए मेंडी पाथार ये रेलवे स्टेशन है ये कहां पे लोकेटेड है मेंडी पाथार जो रेलवे स्टेशन है ये कहां पे लोकेटेड है जल्दी से जल्दी बताइए जी कहां पे लोकेटेड है द रेलवे स्टेशन पाथार जो है पाथर जो है लोकेटेड कहाँ पे है सो दिस इज इन द मेघालय मेघालय का ये क्या है सबसे पहला रेलवे स्टेशन है दैट इज मेडी पाथार दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर मेंडी पाथार जो है आपका मेघालय का सबसे पहला रेलवे स्टेशन देखने को मिलता है आंसर इज बी ऑप्शन मेघालय में आपका नौकरेक नौकरेक नेशनल पार्क है ठीक है बलपखरम नेशनल पार्क है यहाँ पे सो दीज आर द नेशनल पार्क इन द मेघालय मेघालय को हम और क्या कहते हैं बॉर्ड ऑफ द क्लाउड्स बादलों से गिरा रहने वाला बॉर्ड ऑफ द क्लाउड्स कहा जाता है सिक्किम की अगर हम बात करते हैं तो ये पहली ऑर्गेनिक स्टेट है इंडिया की पहली ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट रही है इंडिया को इंडिया ने इसको 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 के अकॉर्डिंग ऐड किया था देश के अंतर्गत बाईसवाँ राज्य बना था हमारे आज़ाद भारत का त्रिपुरा की बात करते हैं तो यहां पे आपका क्लाउडेड लिपर्ड नेशनल पार्क देखने को मिलता है नागालैंड की बात करते हैं तो यहां पे हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल क्लियर याद रखे और नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है इंग्लिश ये मैं वो बात कर रहा हूं जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं जो एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं तो वही एक्सप्लेनेशन आपको समझ आनी चाहिए मेघालय अगला बताइए जी तिरुपति तिरुपति आपको पता है तिरुपति पूजा करते हैं जाके तिरुपति इज सिचुएटेड इन द वैली ऑफ कौन सी वैली में है इतना सबको पता होगा कि तिरुपति जो है वो आंध्र प्रदेश में है आंध्र में है ठीक है आंध्र प्रदेश में और ये कौन सी वैलीज में है तो दिस इज इन द सेशलम हिल्स क्लियर सेचलम हिल्स के अंतर्गत है आंसर इसमें क्या बनेगा सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर बिल्कुल सही क्लियर हो गया आप लोगों को नंदीग्राम विलेज भी वहीं पे ही है आपका नीलगिरी माउंटेन्स मैंने आपको बताया था ब्लू माउंटेन्स जो वहाँ पे आपका ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं दोदा बेटा सबसे ऊंची जो है इसकी चोटी है रत्नागिरी हिल्स जो आपकी मिलती हैं महाराष्ट्र में आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर सेचलम हिल्स इज द करेक्ट आंसर डैट इज़ इन द आंध्र प्रदेश अगला बताइए जी शाबाश क्वेश्चन है ऐसे कौन से ट्रीज हैं जो आपका शिप्स प्रमोटेड फॉर शिप्स बिल्डिंग और रेलवेज रेलवेज और शिप बिल्डिंग्स जो बनाने के लिए आपका यूज़ किए जाते हैं तो ये यूज़ करते हैं हम डेट इज़ द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट यूज़ करते हैं और मतलब पेड़ यूज करते हैं और इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सी है टीक एंड साल टीक और साल की जो लकड़ी होती है इसका हम इस्तेमाल करते हैं आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन सी ऑप्शन क्लियर अगर आपसे पूछा लोकोमोटिव कहाँ पे है रेलवे लोकोमोटिव कहाँ पे हैं तो वो है आपका है चितरंजन लोकोमोटिव चितरंजन डेट इज़ इन द वेस्ट बंगाल चितरंजन लोकोमोटिव कहाँ पे है वेस्ट बंगाल के अंतर्गत है वाराणसी जमशेदपुर भोपाल के अंदर भी आपके वाराणसी जमशेदपुर भोपाल के अंदर भी है आपके लोकोमोटिव हैं अगर आपसे पूछा रेल कोच फैक्ट्री बताइए कहाँ पे है रेल कोच फैक्ट्री कहां पे है सो दिस इज इन देलम्बूर पेलम्बूर तमिलनाडु ठीक है कपूरथला कपूरथला पंजाब ये ऐसे मत समझिए कि ये बेकार से क्वेश्चन है यूपीएससी तक के पेपर में भी पूछे गए हैं ये क्वेश्चन क्लियर बेंगलुरु और कोलकाता के अंतर्गत भी देखने को आपको मिलते हैं आंसर इसमें सी इज द करेक्ट आंसर टीक एंड साल इज द करेक्ट वन सो दिस इज साल अगला बताइए मालथुजियन सिद्धांत जो है वो किसके ऊपर निर्भर है मैल थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो किसके ऊपर है जल्दी से जल्दी बताइए मालथीजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो किसके बीच में रिलेशनशिप हमें बताती है सबको पता होगा ये बिल्कुल सही सो दिस इज़ इन द फूड सप्लाई एंड पॉपुलेशन ग्रोथ फूड सप्लाई एंड पॉपुलेशन ग्रोथ के अंतर्गत जो रिलेशन बताती है वो बताती है मालथिवजन थ्योरी उसने मालथिवजन ने क्या बोला था कि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती कैसी है जोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में कहने का मतलब डबल होती रहती है एक के दो दो के चार चार के आठ आठ के सोलह इस तरीके से मतलब मल्टीप्लाई बाई टू होती जा रही है यहाँ पे लेकिन जो खाना है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बन रहा है एक का डिफरेंस आ रहा है सब में एक का ही डिफरेंस आ रहा है सब में एक एक का सो दिस इज इन द आर्थमेटिकल प्रोग्रेशन इट मीन्स अगर हमारी पॉपुलेशन जो है वो डबल होती गई और खाना जो है एक टाइम बढ़ता रहा तो ऑब्वियसली बात है खाने की स्कॉसिटी हो जाएगी लोग मरेंगे लोग मरेंगे भूख से मरेंगे और इससे क्या होगा आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी होगा और फूड जो है आपका कम भी हो जाएगा पूरा का पूरा नेचर के अंतर्गत इससे क्या होगा आपका दैट इज द इम्बैलेंस हो जाएगा बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द फूड सप्लाई इसके लिए नेचर ने दो चेक्स बनाए हैं वो दो चेक्स क्या हैं आपके एक तो है प्रिवेंटिव चेक्स एक है आपका पॉजिटिव और नेचुरल चेक्स देखिए Thank okay. you. प्रिवेंटिव चेक्स क्या है कि जो हम दूर कर सकते हैं जैसे जैसे कि लेट मैरिजेस कीजिए यूज ऑफ द कॉन्डम्स क्लियर और पॉपुलेशन uh, जो uh, जो uh, जो ऑपरेशन करवा लेते हैं बच्चे के बाद वेजेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी इस तरीके से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करके सो दैट इज द प्रिवेंटिव चेक्स अगर हम कहेंगे पॉजिटिव चेक्स करना है जैसे अभी बीमारी फैली ठीक है पूरा पेंडेमिक फैला पेंडेमिक हुआ तो कितने लोगों की जान हुई तो ये एक पॉजिटिव चेक होता है कि लोग अपने आप ही मर गए वॉर हो जाए लड़ाई हो जाए लोग अपने आप मर जाएंगे तो इस तरीके से वो होता है पॉजिटिव चेक सो दीज आर द पॉजिटिव चेक्स एंड दीज आर द प्रिन्टिव चेक्स दोनों में से सबसे बेटर कौन सा है प्रिवेंटिव चेक्स आप ही दूर कर लो यार चीज़ें तो अच्छा है तो ये चीज़ें जो है फूड स्कॉसिटी नहीं आएगी और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी नहीं होगा तो डैट मींस, सो दीज आर दार्टो जो बताया था डैट इज इन द मालीजन थ्योरी ने समझ आया आप लोगों को यस yes, ये बताया था मालथीजन थ्योरी ने बताया था हमें चलिए अगला आंसर बताइए अगला क्वेश्चन देखिए जी देखिएनाल जो है वो किसको कनेक्ट करती है सुइज नहर किसको कनेक्ट करती है सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुइस केनाल किसको कनेक्ट करती है ये तो देख के ही क्वेश्चन समझ के ही आंसर दे देना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत बार रिवाइज करवाया आपको ये क्वेश्चन तो दैट इज इन द रेड सी एंड द मेडिट्रेनियन सी के अंतर्गत है आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा सो दिस इज द सुइज केनाल दैट इज इन द मेड्रेनियन सी एंड द रेड सी इन दोनों के बीच में है आपकी सुइज कनाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर अगर आपसे पूछा कि रेड सी और अरेबियन सी कैसे जुड़ते हैं तो गल्फ ऑफ एडन से जुड़ते हैं और इनमें स्टेट कौन सा पड़ता है बैबल मंडेव बैबल मंडेव स्टेट है आपका याद रखिए नॉर्थ सी और बाल्टिक सी के बीच में कौन सी केनाल है कील केनाल कील केनाल है ये याद रखने वाले पार्ट्स हैं आपके याद रखने हैं आपको ये ठीक है आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर रेड सी और मेडट्रेनियन सी इज द करेक्ट आंसर अगला बताइए अगला बताइए फटाफट फड़। जी इनमें से ऐसी दो लाइनें बताइए जहां पे आपका रेनफॉल जो होगा वो सेम होगा बारिश सेम होगी ऐसी कौन सी दो जगहें हैं अगर हम बात करते हैं कंटूर लाइंस की अगर मैं सी लेवल से ऊपर बात करूं ऐसे दो पॉइंट जहां पे जो दो हाइट Uh, मतलब सी लेवल से हाइट मेजर करते हैं दो पॉइंट ऐसे जिनकी हाइट सेम है दैट इज कॉल कंटूर लाइंस आइसो बाथ की बात करता हूं ऐसी जगह जहां पे आपकी डेप्थ गहराई सेम है पानी की आइसो हाइट की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है रेनफॉल का कॉन्सेप्ट सी ऑप्शन आइसो बार की बात करें जहां पे आपका प्रेशर सेम है दो एरिया जहां पे आपका प्रेशर सेम है आंसर इसमें क्या बनेगा आइसो हाइट इज़ द करेक्ट आंसर बिल्कुल सही सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर आइसो हाइट सो दिस इज़ द आइसो हाइट एरिया क्लियर ये होते हैं आइसोहाइट एरिया जहाँ पे अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल सेम होता है और मैंने आपको बताया था कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल होती है वो कौन सी होती है दैट इज़ द ओरोग्राफिक सबसे ज़्यादा ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है जो पर्वतों से टकरा के होती है एक होती है फ्रंटल रेनफॉल फ्रंटल रेनफॉल जहाँ पे आपका कोल्ड मॉ कोल्ड मास एयर मास और हॉट एयर मास जो है वार्म एयर मास मिलते हैं तो वहाँ पे फ्रंटल रेनफॉल होती है एक होती है साइक्लोनिक साइक्लोन्स वगैरह आते हैं उसके कारण बाढ़ मतलब पूरे चक्रवात आते हैं सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्लियर अगला बताइए इन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा जैविक विविधता कहां पे होती है बायडिवर्सिटी कहां पे होगी मैंने आपको बताया था बायडिवर्सिटी वहां पे होगी जहां पे आपका रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगा सनशाइन बहुत होगी सबसे ज़्यादा इक्वेटर के ऊपर होगी और दूसरे ज्यादा ट्रॉपिकल जोन में होगी क्लियर सो यहां पे क्या बनेगा कहां पे होगी सबसे ज़्यादा सो दैट इज इन द ट्रॉपिकल जोन क्योंकि ट्रॉपिकल रीज़न कौन सा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में यानी कि साढ़े तेईस डिग्री नॉर्थ से लेके साढ़े तेईस डिग्री आपका साउथ है यहां पर जो है आपका पूरा

क्यों होता है यह रीज़न क्या है इसका इसका रीज़न ये होता है कि इसकी लो स्पेसिफिक हीट होती है लो स्पेसिफिक हीट इसकी विशिष्ट उष्मा क्या होती है कम होती है विशिष्ट उष्मा कम होती है जिसके कारण जो है ये डेजर्ट अपना हीट लूज कर देता है लो स्पेसिफिक हीट के कारण सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आंसर इसमें क्या बनेगा फोर्थ ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर बिल्कुल सही जी समझ आया जी ट्रॉपिकल रीजन इज द करेक्ट आंसर ट्रॉपिकल रीजन सो यहां पे देखिए जी सबसे ज्यादा बारिश कहां पे होती है वेस्टर्न घाट में यहां पे तो सबसे ज्यादा बायोडिवर्सिटी भी यहां पे देखने को आपको मिलेगी बायोडिवर्सिटी अगला बताओ क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो बाउंड्री होती है उसे क्या कहते हैं क्रस्ट और मेंटल में देखिए तीन चीजें होती हैं क्रस्ट मेंटल एंड कोर क्रस्ट बना होता है सियाल और सीमा सिलिकॉन एल्यूमिनियम सिलिकॉन मैग्नीशियम का कोर जो बना होता है वो निफे का बना होता है निकल और आयरन का बना होता है ठीक है लेकिन इनके बीच में बाउंड्रीज होती हैं वो कैसे याद करवानी है मैंने आपको बताया हुआ है इसको ऐसे डायग्राम समझ के मत याद कीजिए ऐसको इसको ऐसे समझिए कि ये अर्थ है ठीक है ऊपर वाला पार्ट क्या है क्रस्ट नीचे बीच में है मेंटल और नीचे है कोर इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया इसको हमने दो हिस्सों में और इसको हमने दो हिस्सों में आउटर क्रस्ट इनर क्रस्ट अपर मेंटल लोअर मेंटल आउटर कोर इनर कोर हम बात करते हैं तो इसको याद क्या करना है यह मैं हमेशा पेड कोर्स के अंदर बताता हूं आपको सी एम आर गुड लीडर्स शॉर्टकट है सी एम आर गुड तो यहां पे लाइनें लिख दो सी एम आर और गुड जी और एल लीडर सो दीज आर द डिसकॉन्टिन्यूटीज कॉनरेड डिस्कटीन्यूटी मोहरविक रैपिटी गुटनबर्ग और लेमन अगर आपको नाम भी ना याद हो ना तब भी आप आंसर टिक कर दोगे पेपर में क्योंकि सी एम आर जी एल तो तीनों पांचों के पांचों अलग वर्ड हैं तो इनको बीच में ऐसे बना लो और उसके बाद अपना डिवाइड कर दो क्लियर सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में पूछा है कि कौन सी और हो कौन सी जो एरिया होगा फटाफट बताओ क्रस्ट और मेंटल में बिल्कुल सही तो आंसर क्या बनेगा मोहरविक इज द करेक्ट आंसर मोहरविक बिल्कुल सही ठीक है और यहाँ पे देख लीजिए आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट में आपकी कॉन्ड आ गई और क्रस्ट और मेंटल के बीच में आ आगी और अपर मेंटल और लोअर मेंटल में रैपिटी हो गया लोअर मेंटल आउटर कोर में गुटनबर्ग हो गया आउटर कोर इनर कोर में लेहमैन हो गया सो दीज आर द करेक्ट जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है यस समझ आया आप लोगों को तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है चलिए जी अगला आंसर बताइए डोल्ड्रम्स एक प्रेशर बेल्ट होते हैं ये डोल्ड्रम्स जो होते हैं लो प्रेशर बेल्ट एरिया वाला एरिया जोन होता है ये कौन से कौन से लेटिट्यूड्स के ऊपर होता है सो so, ये होता है पांच डिग्री नॉर्थ से पांच डिग्री साउथ के बीच में आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर पांच डिग्री नॉर्थ से पांच डिग्री साउथ के बीच में होता है आपका डेट इज दियर इज द जो है आपका पांच डिग्री से होता है डोलड्रम्स वाला पार्ट क्लियर और यहीं पे आपका पार्ट होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन इसमें क्या होता है साउथ ईस्टर साउथ ईस्टरी और नॉर्थ ईस्टरी विंड जो हैं यहाँ पे आके कन्वर्ज कर जाती हैं यहीं पे आपका ट्रॉपिकल जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन और डोल्डर वाला पार्ट बनता है जहाँ पे विंड जो होती हैं बड़ी काम होती हैं धीरे धीरे चलती हैं कोई फास्ट नहीं चलती इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर होता है यहाँ पे सब पोलर लो प्रेशर होता है जिनके बीच में चलती है आपकी वेस्टर्लीज हो याद रखना है इतना ही याद रखें क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत एक्सपैंड वाला क्वेश्चन है तो हम उसको इतने डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे अभी क्योंकि क्वेश्चन अगर कोई आएगा तो उसको उसी तरीके से हम डील करेंगे बस इतना याद कीजिए इंटर ट्रॉपिकल ट्रो, कन्वर्जन जोन जो है आपका साउथ ईस्टली और नॉर्थ ईस्टली विंड्स कन्वर्ज कर जाती हैं और डोलड्रम्स वाला पार्ट जो बनता है आपका पाँच डिग्री नॉर्थ से पाँच डिग्री साउथ में बनता है जहाँ पे आपकी जो एयर होती है वो बड़ी काम होती है लो प्रेशर जोन आंसर so इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर पांच डिग्री नॉर्थ से पांच डिग्री साउथ यस अगला बताओ जी एल्प माउंटेन जो है ये कौन से कॉन्टिनेंट में है एल्प माउंटेन एल्प माउंटेन जो है ये कहां पे है यस दिस इज इन द यूरोप यूरोप के अंतर्गत देखने को आपको मिलती है यूरोप में बिल्कुल सही नॉर्थ अमेरिका में कौन सी है रॉकीज और साउथ अमेरिका में एंडीज और अफ्रीका में एटलस सो दीज आर द माउंटेन्स क्लियर याद रखना है आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर यस बिल्कुल सही आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा यूरोप इज द करेक्ट आंसर यूरोप सो हेयर इज द पार्ट एल्स माउंटेन जब ग्रेनाइट रॉक्स को मेटम और कर दिया जाए तो क्या बनेगा देखिए जी ग्रेनाइट मैंने आपको पहले बताया था ये क्या है इग्नियस रॉक्स है फिर बनती होती हैं छोटे छुट छोटे सेडिमेंट्स जिसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री फिर उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है तो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है तो ग्रेनाइट को मेटामॉर्फिज्म करते हैं तो वो कौन सा पार्ट बनता है आपका बिल्कुल सही दैट इज नीस शेल जिसे हम कहते हैं नीस वाला पार्ट बनता है ग्रेनाइट अंडर प्रेशर इजीगल टू नीस पहले आपको दिखाता हूं सो so, यहां पे देखिए जब हम मेटामॉर्फिज्म बढ़ा रहे हैं तो ग्रेनाइट जो है वो आपका किस में कन्वर्ट हो गया नीस में कन्वर्ट हो जाता है सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीस में कन्वर्ट हो जाएगा क्लियर हो गया आप लोगों को यस yes. बिल्कुल सही ठीक है मार्बल अगर बनेगा तो वो कैसे बनेगा लाइम को अगर हम लाइम जो सेडिमेंट्री रॉक है इसको हम हीट दे दें तो मार्बल बन जाता है क्लियर हो गया और क्ले और शेल को क्ले और शेल को अगर हम हीट दे दें तो वो कौन सा जोन बन जाता है कौन सा पार्ट स्लेट वाला पार्ट बन जाता है क्वार्टजाइट की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करें सैंडस्टोन की सैंडस्टोन के ऊपर हम हीट दे दे तो क्या पार्ट बन जाएगा क्वार्टजाइट का बन जाएगा तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा बी ऑप्शन बनेगा दैट इज नीस इज द करेक्ट आंसर बी ऑप्शन क्लियर हो गया आप लोगों को बी ऑप्शन अगला बताओ वट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है यस ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब आपका जो एटमोसफियर है वो गर्म हो जाए और वो किसके कारण एटमोसफ्रिक गैसेज के कारण लाइक फॉर एग्जाम्पल मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड एंड टू ओ लाफिंग गैस जिसे कहते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर फ्लोरोकार्बन क्लियर हैलोन से बन जाए और वाटर वेपर से बन जाए वाटर वेपर और इनफेल रे से बन जाए सो दीज आर द पार्ट्स क्लियर ये जो है पार्ट्स होते हैं जो आपका इफेक्ट डालते हैं और एटमोस्फेयर को गर्म करते हैं और उस इफेक्ट को क्या कह देते हैं हम डैट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट इसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी सोलर एनर्जी होती है वो ट्रैप हो जाती है ड्यू टू द एटमोस्फिरिक गैसेज तो आंसर इसमें क्या बनेगा सी ऑप्शन द ट्रैपिंग ऑफ द सोलर एनर्जी ड्यू टू द एटमोस्फिरिक गैसेज तो आंसर इसमें सी इज़ द करेक्ट आंसर इट्स नॉट ए पोल्यूशन इन द ऑफ द हाउस इन द ट्रॉपिकल रीजन ऐसा नहीं है ये आपका ट्रैपिंग ऑफ द सोलर एनर्जी है जो आपका एटमोस गैसेज के कारण ट्रैप होके क्या करती है इफेक्ट शो करती है सो दैट इज कॉल्ड आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट क्लियर याद रखिए हीटिंग इफेक्ट को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट को कहते हैं भाई ये कैसे हो जाएगा प्रिवेंशन ऑफ अल्ट्रा रेडिएशन बाय द ओजोन लेयर ये क्या मतलब है ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब आपका एटमॉस्फेयर गर्म हो जाए सोलर एनर्जी को ट्रैप करके रख ले हीट हो जाए मैं बार बार ही कही आ रहा हूँ आपको कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है हीट करना एटमॉस्फेयर को वो हीट कैसे होगा वो ग्रीन हाउस गैसेस के कारण होगा सोलर एनर्जी के कारण होगा जिसके कारण क्या होगा ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो फ्लड आने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे तो ये याद रखना क्लियर याद रखिए आंसर इसमें सी इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पे देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट में सोलर एनर्जी रेडिएशन जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है अर्थ के द्वारा और एटमॉस्फेयर द्वारा और कुछ रेडिएशन जो है एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं और वो एटमॉस्फेयर को गर्म कर लेते हैं और इसके कारण जो है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट शो होता है इंफ्रारेड रेडिएशन आती हैं वगैरह वगैरह वो सारी एमिट हो जाती हैं आपकी अर्थ सर्फेस से और ये कॉज करती हैं ये वाला पार्ट समझ आया आप लोगों को चलिए जिनको बी लगाना है जिनको ए लगाना है वो लगाया यह कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एग्जामिनर बता देगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है कोई दिक्कत नहीं है लगाएं जो आपको अच्छा लगता है चलिए जी विंड्स ब्लोइंग कॉन्स्टेंटली इन द वन डायरेक्शन इन द रॉकी डेजर्ट फॉर्म देखिए जी चट्टानी रेगिस्तान के रूप में जो हवाएं लगातार एक ही दिशा में बहती हैं एक ही दिशा में जो र, आ, जो है हवा बहती है तो उसको हम क्या कहते हैं जब भी हवा जो है ये मिट्टी है सपोज ये मिट्टी है हवा बहती है तो यहाँ से मिट्टी उठाती है वो यहाँ पे जो है आपका बनती रहती है तो मतलब वो ऐसे पार्ट लगता है कि आपको ऐसे लगने लग जाता है कि इस तरीके का बन गया क्योंकि ये मिट्टी उठ के कहाँ पर चलेगी यहाँ पर जमा होने लगी और यहाँ पर एक टीला सा बनने लग गया और ये इस चीज़ को हम क्या कहते हैं डैट इज़ कॉल्ड याडांग कहा जाता है आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा इसको हम क्या कहते हैं याडांग कहा जाता है बिल्कुल सही सी ऑप्शन सो यहाँ पे देखिए जी यहाँ से मिट्टी उठती है और ये पार्ट बन गया ऐसे क्लियर यहाँ से मिट्टी उठी और ये देखो टीला सा बन गया यहाँ पे क्लियर ये होता है आपका याडांग इसको हम कहते हैं सो so, आंसर इसमें क्या बनेगा सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर मशरूम रॉक्स क्या होती हैं अगर रॉक्स की बात करते हैं तो रॉक पूरा का पूरा रॉक होता है इसके ऊपर नीचे बेस के ऊपर हवा प्रेशर लगा हवा का प्रेशर लगा तो इसने क्या बना दिया रॉक को इस तरीके से बना दिया तो डैट इज कॉल्ड आपका मशरूम रॉक्स इरोजन हो जाता है इरोजन <coughs> हो जाता है आपका बिल्कुल नीचे वाले सरफेस के ऊपर जी तो आंसर इसमें क्या बनेगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर सी ऑप्शन याडांग इज द राइट वन अगला बताइए अगला बताइए ए स्टैचू ऑफ सी वाटर पार्शली और फुली सेपरेटेड बाई स्ट्रिप फ्रॉम द मेन सी इज कॉल्ड देखिए जी क्वेश्चन ध्यान से समझिए क्या कहता है एक छोटा सा पानी है जब बहुत बड़ा पानी है वो एक नैरो स्ट्रिप बना लेता है मेन सी से उसको हम क्या कहते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस ये देखिए एक छोटा सा स्ट्रिप है ठीक है तो ये आपका अलग हो जाता है सभी जगह से तो उसको हम क्या कहते हैं डेट इज कॉल्ड लेगून कहा जाता है उसको हम क्या कहते हैं लेगून कहा जाता है आंसर इसमें क्या बनेगा सी ऑप्शन ये ध्यान रखना है ये पार्शली और फुल्ली सेपरेटेड होगा एक नैरो स्ट्रिप्स के साथ तो वो मेन सी से तो डेट इज कॉल्ड आपका लेगून उसको हम कहते हैं अगर हम बात करते हैं बे वाला पार्ट ठीक है एक बे होता है एक गल्फ वाला पार्ट होता है बे होता है आपका बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट एक स्मॉलर पार्ट स्मॉल पार्ट और गल्फ होता है एक लार्ज पार्ट स्मॉल पार्ट जो है आपका पानी से एक छोटा जो है छोटा पानी बड़े पानी से कनेक्ट है तो डेट इज कॉल्ड बे अगर छोटा पानी जो है बहुत बड़े पानी से कनेक्ट है डेट इज कॉल्ड गल्फ ठीक है वो वाटर बॉडी की बात कर रहा हूं मैं यस कोस्टल बॉडी ऑफ वाटर अगर छोटी है तो वो अगर बड़ी बॉडी के साथ जुड़ी हुई है जैसे ओशन ओशन के साथ जुड़ी हुई है तो और उसको हम क्या कहते हैं बे कहते हैं छोटी स्मॉल बॉडी अगर बहुत बड़ा पानी जो है आगे बहुत बड़ी जगह के लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड गल्फ यस yes. समझ आया आप लोगों को बिल्कुल सही और अगर पूछा जाए इस्थमस इस्थमस कैसे इस्थमस होता है दो बड़े लार्ज मास को दो बड़े टू बिग लार्ज मास दो बड़े लार्ज लैंड मार्स को अगर ज्वाइन करता है लैंड मास को अगर कनेक्ट करता है तो उसका वाला पार्ट को होता है आपका स्थमस उसको हम कहते हैं या फिर ऐसे भी कह सकते हैं स्थम्स होता है दो वाटर बॉडीज को अलग करता है दो वाटर बॉडीज को अलग करता है लेकिन मेन पॉइंट क्या है ये ज्वाइन करता है दो बड़े लार्ज मास को लैंड मास को कनेक्ट करता है अगर आपसे स्टेट पूछता है स्टेट क्या होता है तो स्टेट होगा जैसे पाक स्टेट होता है दो बड़ी वाटर बॉडीज को अलग करने वाला जैसे कि पाक स्टेट बे ऑफ बंगाल और अरब सागर को अलग करता है ठीक है ये क्या करता है दो वाटर बॉडीज को बिग वाटर बॉडीज को अलग करता है बिग वाटर बॉडीज को सेपरेट करना ध्यान रखिए तो इज कॉल्ड इस्थमस वाला पार्ट क्लियर हो गया आप लोगों को चलिए आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर लेगोन इज द करेक्ट आंसर ब्लैक सॉइल जो होती है काली मिट्टी काली मिट्टी की बात करते हैं तो उसको किस नाम से हम जानते हैं काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है ये बताइए यस काली मिट्टी को जाना जाता है रेगुर सॉइल के साथ आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा और ये वॉल्कैनिक ओ होती है ये और इसके अंदर जो है पानी जाता है पानी रिटेंशन पावर बहुत ज़्यादा होती है वाटर रिटेंशन बहुत होती है जैसी वाटर रिटेंशन होगी उसके बाद इसके अंदर क्या पड़ जाएंगे क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं और ये कॉटन की खेती के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और डेट्स इट क्लियर डैट इज़ कॉल्ड ब्लैक सॉइल लाइम के अंदर रिच होती है एल्यूमिनियम कैल्शियम इसके अंदर का जो है बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलते हैं सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट वन क्लियर हो गया और एलुवियल ऑयल की बात करें इंडिया में 40% परसेंट जो सॉइल है वो क्या है आपकी एलुवियल ऑयल जिसे हम जलोड़ मिट्टी कहते हैं और ये क्या होता है जो माउंटेन्स होती हैं mountains से नदियाँ बनाती हैं नदियों से नीचे जो मिट्टी आती है उसे हम कहते हैं एलुवियल ऑयल और ये हमें देखने को मिलती है फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज में फुट हिल्स ऑफ हिमालिया में देखने को हमें मिलती है फुटहिल्स ऑफ हिमालय में देखने को मिलती है सबसे उपजाऊ होती है और सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर एलुवेल्स ऑयल के अंतर्गत देखने को आपको मिलता है अगर नई मिट्टी आती है नई एलुवेल्स ऑयल आती है नई जलोड़ मिट्टी आती है उसे हम क्या कहते हैं खादर कहते हैं न्यू एलुवियल्स ऑयल अगर पुरानी एलुवियल्स ऑयल हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं बांगड़ कहा जाता है ओल्ड एलुवेल्स ऑयल को सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर रेगूर सॉइल इज द करेक्ट वन रेगूर सॉइल डेक्कन ट्रैप वाले एरियाज़ में देखने को आपको मिलती है अगला बताइए <coughs> ड्राइस्ट लोकेशन बताइए जो आपका सबसे शुष्क स्थान है वर्ल्ड के अंतर्गत वो कहाँ पे है सो डैट इज इन द डैट इज इन द साउथ अमेरिका और वो पार्ट है क्या डैट इज़ चिले चिले के अंतर्गत है आंसर इज बी और यहाँ पे आपका डेजर्ट है एटा डेजर्ट ऐटा डेजर्ट सो दिस इज द सबसे शुष्क वाला पार्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर सो हेयर इज द एटा कामा डेजर्ट एटाकामा डेजर्ट इन द साउथ अमेरिका और यहाँ से आपका एक करंट आता है वाटर करंट आता है इस साइड पे और उसको हम क्या कहते हैं पेरूवियन करंट कहा जाता है और हम्बोल्ट करंट कहते हैं हम्बोल्ट करंट जो कि आपका कोल्ड वाटर करंट होता है कोल्ड वाटर करंट और यहाँ पे क्या बनाते हैं डेजर्ट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शुष्क पार्ट क्लियर और ये पढ़ लेना पेपर में पूछे जाते हैं नामीबिया कालाहारी है, काला है डेजर्ट कहाँ पे अफ्रीका में सहारा डेजर्ट अगेन नॉर्थ नॉर्थ अफ्रीका में अफ्रीका में होता है पैटागोनिया एटाकामा साउथ अमेरिका में सोनोरन और चहआन और ग्रेट बेसिन नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साउथ अफ्रीका सॉरी ऑस्ट्रेलिया के अंदर का देखने को मिलता है गोभी डेजर्ट मंगोलिया वाले पार्ट में देखने को मिलता है मंगोलिया चाइना तो ये डेजर्ट वाला पार्ट भी मैंने पेड कोर्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है आपके साथ पढ़ लेना चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है कौन सी डेट को इंडिया जो है एक्सपीरियंस करता है सबसे छोटा दिन सबसे छोटा दिन इंडिया कौन से दिन एक्सपीरियंस करता है ये सबसे छोटा दिन सबसे छोटा दिन इंडिया एक्सपीरियंस करेगा इंडिया कहाँ पे है नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंतर्गत है तो इसका मतलब सन की जो रेज रेज होंगी वो कहाँ पे पड़ रही होंगी साउथ हेमिस्फीयर में और ये कहाँ पर पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर सन की रेज पड़ रही होंगी और इंडिया में नहीं पड़ रही होंगी टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन की रेस पड़ रही होती है 22 दिसंबर को क्लियर 22 दिसंबर को जिसके कारण नॉर्थ हे, नॉर्थ हेमिस्फीयर इंडिया के अंदर हो जाता है आपका शॉर्टेस्ट डे शॉर्टेस्ट डे भी हो जाता है प्लस सबसे ज़्यादा विंटर वाला दिन हो जाता है जिसे हम कहते हैं विंटर सॉल क्लियर हो गया आप लोगों को दिन छोटा होगा और रात लंबी हो जाएगी और ये पार्ट होता है आपका कौन से दिन यस बाईस दिसंबर को होता है बिल्कुल सही बाईस दिसंबर को इसको हम कहते हैं आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा और जब आपकी सन की रेज जो होती है नॉर्थ हेमिस्फीयर में नॉर्थ हेमिस्फीयर में नदन हेमिस्फीयर में पड़ती हैं दैट इज़ ऑन द कैंसर तो उस दिन होता है आपका इक्कीस जून वाला पार्ट 21 जून वाला पार्ट पार होता है और 21 जून को हम और क्या कहते हैं डैट इज़ अ समर फॉल्स कहा जाता है सबसे गर्मी वाला दिन लॉन्गेस्ट डे लेकिन नाइट शॉर्ट हो जाएगी लेकिन अगर हम बात करें 22 सितंबर की ठीक है बाईस या तेईस सितंबर की और या बीस और इक्कीस बीस और इक्कीस मार्च की इन दोनों दिन होते हैं इक्विनॉक्स जब दिन और रात क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं दिन और रात बराबर हो जाते हैं तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर दिसंबर 22 इज द करेक्ट वन दिस इज़ द पार्ट क्लियर यहां पे देखिए जी यहां पे सदर्न हेमिस्फीयर में आपका सॉरी समर सॉलसाइज जो है आपका इक्कीस जून को लगता है और विंटर पड़ जाती है सदर्न हेमिसफियर में और गर्मी पड़ती है आपकी नदर्न हेमिसफियर में और ऐसे ही स्प्रिंग इक्विनॉक्स हो जाता है आपका एक, जो इक्कीस मार्च को होता है जब सन की रेज कहाँ पर पड़ रही होती हैं इक्वेटर के ऊपर पड़ रही होती हैं और ऐसे ही आपका समर हो जाता है सदन हेमिसफियर में जो मैंने आपको बताया है तेईस सितंबर इक्विनॉक्स लगता है ऑटम इक्विन कहते हैं और 23 सितंबर को सन की रेज पड़ रही होती है अगेन इक्वेटर के ऊपर पड़ रही होती है यही वो कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपको बताया सारा का सारा सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन क्लियर ये आपका पूरा का पूरा पार्ट है जिसमें छह महीने मतलब पूरा दिन और रात बराबर हो जाएंगे वो आपका इक्विनॉक्स लगते हैं और जब आपका सन और जो मतलब दिन का कॉन्सेप्ट रात का कॉन्सेप्ट वो नदन और सदन हेमिसफेयर में पड़ता है अलग अलग जगह के ऊपर क्लियर हो गया आप लोगों को द फॉर द कल्टिवेशन ऑफ तबैको द सॉइल मस्ट बी रिचेन टोबैको तो की कल्टीवेशन के लिए तोबैको को ग्रो करने के लिए हमारी जो आ, I आई मीन से सॉयल होती है वो किसके अंदर रिच होनी चाहिए सॉयल किस चीज़ के अंदर रिच होनी चाहिए इस चीज़ को कल्टीवेट करने के लिए तो वो पोटाश के अंदर रिच होनी चाहिए आंसर इसमें क्या बनेगा फोर्थ ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर पोटाश के अंदर रिच होनी चाहिए वेल well ड्रेन होनी चाहिए एरिएशन होनी चाहिए वेल well ड्रेन भी होनी चाहिए पानी भी निकलता होना चाहिए और एरिएटेड हवा भी उससे निकलती होनी चाहिए एरिएटेड भी होनी चाहिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा डी ऑप्शन पोटाश इज द करेक्ट वन पोटाश क्लियर और अगर मैं बात करूँ तोबैको की हमारे इंडिया में तोबैको कौन लेके आया था पॉर्तगीज लेके आए थे कौन लेके आए थे पॉर्तगीज पॉर्तगीज ने किसके टाइम पे उगाना स्टार्ट किया था जहांगीर के टाइम पे जहांगीर जिसे आप पेंटर किंग कहते हैं लेकिन जहांगीर ने तोबैको की कंजम्पशन को बैन किया हुआ था उगा सकते थे कंजम्पशन बैन था तोबैको की बात करें तो ट्बैको तो बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ पे है तोबैको बोर्ड है गुंटूर के अंदर गुंटूर कहाँ पे है आंध्र प्रदेश के अंदर आंध्र प्रदेश में और तोबैको के लिए हमारा जो पहला वायरस ढूंढा गया था तो वो भी क्या था तोबैको मोजेक वायरस किसने ढूंढा था आ, 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 जो है आवेनो वस्की ने ढूंढा था आवेनो वस्की ने ढूंढा था और इसको हम क्या कहते हैं द फादर ऑफ वायरोलॉजी वायरोलॉजी क्यों क्योंकि स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी और हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पे है पुणे के अंदर देखने को मिलता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी क्लियर आंसर इसमें क्या बनेगा आपका फोर्थ ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर दैट इज इज द करेक्ट वन पोटास ठीक है तो यहाँ पे देखिए जी पोटास की स्टोरी कि पोटास जो है एक प्लांट ग्रोथ के लिए इसेंशियल एलिमेंट है पोटाश तो चाहिए चाहिए प्लस आपको नाइट्रोजन और फॉस्फेट ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं और इसमें जो आपका पोटाश होता है वो पोटाश क्लोराइड इसकी फॉर्म में जब वाइट पोटाश प्रोडक्ट हो सकता है 93 परसेंट पोटाश प्रोडक्ट जो होते हैं वो एज़ ए फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं क्योंकि फ़र्टिलाइज़र में एन यूज़ होता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटाशियम यूज़ होता है सो दीज आर दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्लियर याद रखें तो पोटाश चाहिए आपके टोबैको को ग्रो कराने के लिए चलिए अगला आंसर बताइए द प्रेजेंस ऑफ ए लाइन इन द फॉरेस्ट इज इसशियल इन ऑर्डर टू देखिए जंगल में एक शेर की उपस्थिति जो होती है वो आवश्यक होती है क्यों पहली बात तो लाइन का जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथरा लियो पैंथरा लियो जो बाइनोमन नॉर्मल केचर में आता है देखिए शेर की बात करें हम कहते हैं कि शेर जो है किंग कि होता है ठीक है किंग होता है हमारे पूरे जंगल से जंगल का फॉरेस्ट का अब बात यहाँ पे ये यह है कि प्रेजेंस लाइन की क्यों ज़रूरी होती है कीप द ट्रीज सेफ फ्रॉम द फेलिंग ऐसा कुछ भी नहीं है शेर क्या करेगा इन चीज़ों में इट एट द ब्यूटी इन द फॉरेस्ट ये ऐसा कुछ भी नहीं है इट सेव द पास्र फ्रॉम बींग ओवरग्रेस ये हो सकता है इट कीप अदर कार्निवॉर्स एनिमल्स अवे ये गलत है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा सी ऑप्शन बनेगा कहने का मतलब क्या है कि जो घास खाने वाले एनिमल हैं अगर वो ज्यादा हो जाएंगे अगर वो ज्यादा हो जाएंगे तो इसका मतलब पूरी घास खत्म हो जाएगी इसीलिए लाइन जो कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं वो इसीलिए होते हैं ताकि वो जो घास खाने वाले एनिमल्स को खा लें और क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोसेस किस में बनता है फूड चेन का फूड चेन में कोई भी जानवर किसी जानवर को भी खाता है और यही फूड चेन का कॉन्सेप्ट है जिसमें आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती

तो जमीन है वो घास ज्यादा ना खा ले घास खाने वाले एनिमल तभी शेर है और शेर इनको खा लेगा सी तो मैं शेर की बात करता हूं, आपको पता हमारे देश में एशियटिक लाइन हैं एशियटिक लाइन कौन से नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं गिर नेशनल पार्क में और है गुजरात के अंदर गिर नेशनल पार्क इज इन गुजरात आंसर इसमें क्या बनेगा सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर सी ऑप्शन चलिए जी अगला आंसर बताइए जी 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अगला आंसर बताइए फटाफट द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एरिया ऑन मैप्स इज कॉल्ड जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है जो हम मैप के अंदर यूज़ करते हैं तो वो कौन सा आपका जो होता है इंस्ट्रूमेंट होता है बताइए जी देखिए यहाँ पे जो प्लानिंग मीटर लिखा हुआ है यही इसका राइट आंसर है क्योंकि प्लानिंग क्या करता है टू डायमेंशनल जो इमेज बनाता है वो ये बनाता है और यही क्या करता है मैप्स के एरिया को जो है मैप्स के एरिया को मेजर करने में आपको हेल्प करता है आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा पेंटोग्राफ क्या होता है कभी आपने इलेक्ट्रिकल ट्रेन देखी हो मेट्रो ट्रेन देखी हो मेट्रो ट्रेन के जो डब्बे होते हैं ना उसके ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट सा लगा होता है जो ऊपर चिपका होता है जो लाइन के साथ चलता है तो वो होता है आपका पेंटोग्राफ समझ आया तुम्हें वो होता है पेंटोग्राफ क्लियर हो गया ऑप्शियोमीटर क्या होता है ये क्या करता है ये कर्व्ड लाइंस को मेजर करता है किसी भी जगह के ऊपर कर्व लाइंस होती हैं तो उसको मेजर करता है ऑप्शियोमीटर क्लियर हो गया आप लोगों को ये भी यस और यहां पे लिखा हुआ है इडियोग्राफ इडियोग्राफ बताइए क्या होता है ये बिल्कुल सही कह रहे हो ये होता है मैप को रीड्रॉ करता है मैप को रीड्रॉ करता है स्मॉलर लेवल के ऊपर मैप को रीड्रॉ करने के लिए ईडियोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन मैप्स के ऊपर एरिया मेजर करने के लिए प्लानीमीटर का होता है पेंटोग्राफ होता है इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स के ऊपर जो मैंने आपको बताया कि आपने देखा होगा मेट्रो ट्रेन में ऑप्शोमीटर होता है कर्व लाइन्स को मेजर करने के लिए तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा वन ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर क्लियर हो गया आप लोगों को वन ऑप्शन इज द राइट वन तो ये होता है जी ये होता है मेजर करता है मॉन्टर प्रोटोकॉल 1987 एटी सेवन रेफर टू जो मॉन्टर प्रोटोकॉल है ये किस चीज़ के लिए रेफर करता है ये क्या चीज़ है ये जी देखिए मॉन्टर प्रोटोकॉल जो है 1987 में आया था लागू हुआ था 1989 में समझ आया इससे पहले एक कॉन्वेंशन हुआ था वियना कॉन्वेंशन वियना कॉन्वेंशन जो था वो क्या था कि इन्वायरमेंट के अंदर जो आपकी ओजोन लेयर है उसको आप बचा लें ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए वियाना कॉन्वेंशन था यह हुआ था एट्टी में फिर आ गया आपका 1986 में क्या अंटार्कटिक के अंदर जो हमारा सदन पार्ट है दक्षिण वाला पार्ट है पूरे वर्ल्ड का अंटार्कटिक तो वहाँ यहाँ पे हमें होल देखने को मिला कहाँ पे ओजोन होल में ओजोन के अंदर होल देखने को आपको मिला फिर उसके बाद मोन्टर प्रोटोकॉल साइन हुआ जो लागू हुआ 89 में और ये क्या बात करता है कि हाँ जो भी आपके ओजोन को ख़त्म करने के लिए ओजोन को ख़त्म करने के लिए जो सब्सटेंसेस हैं उनको ख़त्म किया जाए उनके ऊपर रोकथाम लगाई जाए तो यही आपका जो है आपका मॉन्टर प्रोटोकॉल था और ये था कि ओजोन लेयर को बचाएं ज़्यादा से ज़्यादा तो ये इसका आंसर क्या बनेगा इट सेविंग द बायडिवर्सिटी ऑफ आवर प्लैनेट गलत बायोडिवर्सिटी के लिए आपको मैंने बताया था कि बायोडिवर्सिटी प्रोटेक्शन एक्ट था आपका वो था 2002 वाला ये तो नहीं था मतलब ये वाला तो नहीं है इट साइनिंग ऑफ एन अकॉर्ड ऑन द पीसफुल यूजेस ऑफ द एटॉमिक एनर्जी ऐसा भी कुछ नहीं है साइनिंग ऑफ एन अकॉर्ड ऑन कीपिंग द अंटार्क एज ए न्यूक्लियर फ्री जोन ऐसा भी कुछ भी नहीं था इट सेविंग द ओजोन लेयर फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन बाय रिड्यूसिंग द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये बिल्कुल आपका आंसर क्या है सही है तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका फोर्थ ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर सी एफ सी को जो है आपका कम यूज करना आपका पार्ट है आंसर इसमें सी और डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर डी ऑप्शन देखिए जी मॉन्टर प्रोटोकॉल जो है आपका कंट्रीब्यूट भी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब ये होता है कि जो आज आपके पास है वो आप ऐसे यूज करें ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज़ कर पाए और इसका जो गोल्स का आपका जो मोटो है वो क्या है पॉवर्टी को ख़त्म करना हेल्थ को बढ़ावा देना एजुकेशन को बढ़ावा देना क्लियर वेलबींग well और जेंडर इक्वेलिटी प्रोवाइड करना तो ये सारे के सारे जो मॉन्टर प्रोटोकॉल है इन चीज़ों के ऊपर भी फोकस करते हैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूंगा मॉन्ट्रियल जो है एक कैनेडा के अंदर जगह है ये मॉन्ट्रियल एक कैनेडा के अंदर जगह है ये आईसीए के हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर है याद रखने है आपको, समझ आया और ओजोन लेयर ले ग्रीन हाउस इफेक्ट भी शो करती है और ओजोन लेयर आपके देखने को मिलती है लेर में समताप मंडल में देखने को मिलती है और यहां पे आपके चलते हैं जेट प्लेन जितने भी जेट प्लेन होते हैं यहाँ पे देखने को मिलते हैं सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए और मोन्ट्रेल प्रोटोकॉल के अलावा आपको कुछ एक्ट याद होने चाहिए जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पूछा जाता है आपको वो सेवनटी

ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी हैं कार्बन डाइऑक्साइड है सल्फर हैग्जाफ्लाइड है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन परफ्लोरोकार्बन सल्फर फ्लोरोबन हो गया और ये हो गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन परफ्लोरोकार्बन फ्लोरोबन सी एच फोर मिथेन हो गया और एन टू ओ नाइट्रस ऑक्साइड हो गया तो दीज आर द सिक्स ग्रीन हाउस गैसेज जो आपको पता होने चाहिए ठीक है चलिए जी क्वेश्चन देखिए जी क्या कहते हैं द सोइल विच आर रिच इन द कैल्शियम आर कॉल्ड पहली बात तो सॉइल की स्टडी को हम क्या कहते हैं पीडोलॉजी कहा जाता है पीडोलॉजी नॉट पैडागॉजी पैडागॉजी वर्ड आता अगर पैडागॉजी वर्ड आता तो उसका मतलब होता कि पढ़ाने की कला जैसे आप लोग मेरे को काफ़ी पसंद करते हैं तो डैट मीन्स मेरे पढ़ाने की कला इज उसकी स्टडी को क्या कहते हैं हम पैडागॉजी लेकिन सॉयल की स्टडी को हम क्या कहते हैं पीडोलॉजी कहते हैं लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि सॉयल के अंदर जहाँ पे आपका कैल्शियम होता है उसको हम क्या कहेंगे तो यहाँ पे देखो पीडो मतलब सॉयल कैल्स मतलब कैल्शियम यहाँ पे पीडो मतलब सॉइल फर्ज मतलब आपका आयरन और ए मतलब एल्यूमिनियम और आयरन यहां पे एल्यूमिनियम आयरन हो, होगा और यहां पे क्या होगा कैल्शियम होगा तो इसका मतलब आंसर क्या बनेगा आपका वन ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर क्या बनेगा जी वन ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड क्लियर हो गया आप लोगों को जी और पोर्ट सोल्स किसे कहते हैं पोर्ट सोल जो, है, जो होते हैं जो बोरियल फॉरेस्ट होते हैं आपके जो कॉनिफर फॉरेस्ट होते हैं उनके अंदर जो सॉइल होती है वो होती है पोर्ट सोइल्स क्लियर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन और ये जो होती है जो आपका टैगा वाला रीजन होता है टैगा टैगा वाला रीजन जिसे हम क्या कहते हैं आपका नॉर्थ अमेरिका के अंदर उसमें आपके बोरियल फॉरेस्ट कॉनिफर्स फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं वहां की सॉइल को हम बोलते हैं पोर्ट सॉइल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी के भी एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है ये कि टैगा फॉरेस्ट किसे कहते हैं पोर्ट सोल्स बोरियल और कॉनिफर फॉरेस्ट मतलब एक स्टेटमेंट बेस देके ठीक है टैगा आपके नॉर्थ अमेरिका में है और वहां की सॉइल को पोर्ट्सोल कहते हैं मतलब बोरियल फॉरेस्ट और कॉनिफर फॉरेस्ट में देखने को आपको यहाँ पे मिलती है समझ आया तुम्हें यस yes, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है आंसर इसमें वन वन ऑप्शन बनेगा लेटराइट right आपको बताया था मैंने लेटराइट सॉइल वो होती है जिसमें लीचिंग होती है लीचिंग का मतलब क्या हो गया कि आपके सॉइल के अंदर जो पानी है वो नीचे तक जा सकता है तो डैट इज कॉल्ड लीचिंग क्लियर सो आंसर इसमें क्या बनेगा वन ऑप्शन बनेगा पेडोकैल्स इज द पेडोकल्स इज द करेक्ट आंसर आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा यहां पे देखिए पेडल फर्ड्स मतलब क्या हो गया एलमिनियम और आयरन इसके अंदर देखने को मिलेगा एलमिनियम भी है आपका और आयरन भी है और ये फॉरेस्ट वेजिटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है पिडोकल्स जो आपका जो ड्राई ग्रास लैंड होते हैं वहाँ पे देखने को मिलता है कैल्शियम के अंदर रिच होती है लेटराइट सॉइल मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर वेदरिंग होगी और टॉप लेयर्स की नीचे तक चला जाएगा जहाँ पे गर्मी होगी पानी होगा वेट होगा और ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में लेटराइट सॉयल देखने को आपको मिलेगी सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्लियर जो आपको याद रखने हैं सॉइल के रिलेटेड चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए अगला बताइए फटाफट हाँ ठीक है वो रेगूर सॉइल है आपकी ब्लैक सॉयल है कॉटन के लिए चाहिए आपको वगैरह वगैरह वो सब सही हैं द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इज देखिए पूरा ग्लोबली हमारा क्लाइमेट चेंज हो चुका है इसका मेन रीज़न क्या है वह तो पॉइंट देखिए जी इट इन बिकॉज इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर ये आपका ऑप्शन सही है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मैंने अभी आपको बताया क्या था ग्रीन हाउस गैस है जिसके कारण जो है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलेगा और आपका एटमोसफियर गर्म होगा ग्लेशियर पिघलेंगे फ्लड आएंगे ये बिल्कुल सही है इमिशन ऑफ द इंडस्ट्रियल गैसेज ये भी आपका रीजन है एडिंग ऑफ द डस्ट हो सकता है चेंजेस द प्लांट कवर ये भी हो सकता है लेकिन इसमें पहली बात इन्होंने क्या वर्ड यूज किया है द मेन कॉज मेन कॉज अब क्या होता है पेपर में यहां पे आ जाता ऑल ऑफ द तो हम उसको टिक कर सकते थे. उसको टिक टिक कर कर सकते सकते थे थे लेकिन इसने वर्ड यूज क्या कर दिया द मेन कॉज तो इसमें आंसर क्या बनेगा आपका ओनली वन ऑप्शन बनेगा राइट right आंसर ये वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई थी ग्रीन हाउस गैसेज इफेक्ट ग्रीन हाउस गैसेज के कारण आपका इन्वायरमेंट का टेम्परेचर गर्म और क्लाइमेट चेंज होगा ही होगा क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है आपकी जो हीट हीटिंग इफेक्ट बढ़ गया हीटिंग इफेक्ट से बढ़ा तो ग्लेशियर पिघलने लग जाएंगे और और जो भी आपकी प्रजातियां होंगी वो भी खत्म होंगी जो आपके ठंड वाले एरियाज में रहती हैं और फ्लड आएंगे तो ऑब्वियसली बात है धरती के ऊपर भी नुकसान होगा तो इट मीन पूरा ओवरऑल नुकसान होने वाला है अगर ऐसी चीजें होती हैं तो आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर देखिए जी कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से बढ़ती चली जा रही है हमारे एटमोसफियर में और हमारे एटमोसफियर को गर्म करती चली जा रही है अगला बताइए ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंडलॉकड सी किसे कहते हैं जी 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 बहुत बढ़िया हम्म जी ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंडलॉक सी किसे लैंडलॉक सी कहते हैं मतलब चारों तरफ से भूमि से गिरा हुआ है और इसका जो एरिया इसका चारों तरफ भूमि से गिरा हुआ है मतलब पानी इसमें है ऐसे है ठीक है लैंडलॉक सी किसे कहते हैं और इसमें जो सी है वो है आपका अरल सी आंसर इसमें क्या बनेगा फोर्थ ऑप्शन बनेगा और अरल सी को लैंडलॉक सी तो कहते ही कहते हैं और इसको एंडोरिक लेक भी कहा जाता है इस वर्ड का मतलब क्या होता है कि ये पानी अंदर तो ले लेता है लेकिन पानी अपना बाहर नहीं जाने देता मतलब इस सी के अंदर इस लेक के अंदर पानी अंदर तो जा सकता है लेकिन वो बाहर नहीं जाएगा दैट इज दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एंडोरिक क्लियर हो गया एंडोरिक जो है आपका लेक भी कहा जाता है तो आंसर आंसर इसमें क्या बनेगा बनेगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आपको दिखाता हूं, की कहां पे है इन बिटवीन द कजाकिस्तान एंड द उज्बेकिस्तान दोनों के बीच में देखने को मिलता है आपको सी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी 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 क्लियर हम्म hmm. समझ आया और ये जो पूरा सी है आपका 2014 में पूरा का पूरा ड्राई हो चुका था पूरा का पूरा ड्राई डेजर्ट ये पूरा का पूरा ड्राई डेजर्ट बन चुका है ये ठीक है जिस इसी कारण इसको हम और क्या कहते हैं एरल कुंभ एरल डेजर्ट भी कहा जाता है अरल कुम डेजर्ट भी कहा जाता है अरल कुम डेजर्ट भी कहते हैं ये भी ध्यान रखिए ये अरल सी जो है आपका पूरा ड्राई हो चुका है सूख गया है डेजर्ट बन चुका है इसीलिए इसको अरल कुम डेजर्ट भी हम इसको कहते हैं समझ आया तुम्हें समझ आया तुम्हें चले आगे बढ़ें आगे चलिए बहुत बढ़िया यहां पे एक ऑप्शन और भी था याद करवाना आपको यहां पे नहीं चलिए अगला बताइए ऐसी दो लाइनें जहां पे सेम टेम्परेचर होता है उसको हम क्या कहते हैं इसी से हो टेम्परेचर सेम होगा तो उसको क्या कहेंगे देखिए आइसो बार की, की बात करें तो जहां पे प्रेशर सेम होता है उसको हम आइसो बार कहते हैं आइसो हेलाइन की बात करें जहां पे आपका नमक सेलिनिटी सेम होती है आइसो हाइट की बात करते हैं जहां पे आपका रेनफॉल सेम होता है रेनफॉल और आइसोथर्म की बात करें तो टेम्परेचर होगा तो देख लो ऑप्शन क्या बनेगा तो आंसर इसमें क्या बनेगा फोर्थ ऑप्शन आइसोथर्म इज द करेक्ट आंसर Isotherm समझ आया तुम्हें फोर इज द करेक्ट वन यस फोर Isotherm इज द करेक्ट वन Isotherm जी अगला बताइए अगला क्वेश्चन बताइए बिल्कुल ये क्वेश्चन ये तो मैंने इजीली डिस्कस किए हुए है हैं हमारे पेड़ कोर्स में और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं वहां पे तो अगला देखिए जी द टर्म टेरिटोरियल वाटर मीन्स टेरिटोरियल वाटर वर्ड का मतलब क्या होता है द टर्म टेरिटोरियल वाटर मीन इस वर्ड का मतलब बताइए क्या होगा जी यूएन क्लॉज सुना होगा आप लोगों ने यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन ऑन यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी 1982 ये यह हमें बताता है टेरिटोरियल वाटर के बारे में कहने का मतलब एक कंट्री है उसकी पानी के अंदर टेरिटरी कितनी है तो वो होता है टेरिटोरियल वाटर वहां तक पानी के ऊपर जो भी जो भी आपका वाटर है वो उतना वाटर आपके ऊपर जिम्मेवारी है मतलब सारा कुछ आपका है वहां वहां तक पानी का वहां तक सब कुछ आपका है और उस पानी में कोई बाहर से अगर आ रहा है तो आ सकता है इजीली फ्रेंडली आप तरीके से जा सकते हैं लेकिन कोई बाहर से आके वहां पे मछली पकड़े या कुछ भी आपके देश में करे तो वो इस, मतलब नहीं होगा क्योंकि वो यूएन क्लॉस के अंदर आता है सो टेरिटोरियल वाटर की जो बाउंड्री होती है मैं आपको दिखाता हूँ पहले तो अगर यहाँ पे हाँ नहीं लगाया हुआ चलो कोई बात नहीं अदरवाइज अदरवाइज में बता देता हूँ सपोज करो कि ये ये आपका आ, ये जो है लैंड है पानी वाला एरिया पानी वाला एरिया यहां से स्टार्ट होता है तो टेरिटोरियल बॉर्डर कितना होगा यहां से जितनी दूरी आपकी बारह नोटिकल माइल्स 12 नॉटिकल माइल्स तक जो होगी वो आपकी क्या होगी टेरिटोरियल बॉर्डर और 1 नॉटिकल माइल्स कितने बराबर होता है डेट इज 1.854 होता है किलोमीटर में 1.854 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 22 किलोमीटर मतलब जो भी आपका पानी वाला एरिया है जहाँ से लैंड स्टार्ट होती है वहाँ से 22 किलोमीटर तक आपका सारा एरिया आपका रहेगा सो डैट इज़ कॉल्ड आपका टेरिटोरियल वाटर तो यहाँ पे ऑप्शन देखो क्या आंसर बनेगा आंसर बताइए अरे भाई कहाँ से 200, हंड्रेड टू हंड्रेड नोटिकल नौटि माइल तुम दु, दु, दुश्मन मतलब दुश्मन तो नहीं कहूँगा दूसरी कंट्री तक पहुंच जाओगे बारह नोटिकल माइल तक होता है जी तो आंसर बताइए क्या होगा द वॉटर फाउंड विद इन द कंट्री इन द फॉर्म ऑफ ये कहाँ आ गया ये नहीं बनेगा द वॉटर सिक्योर फ्रॉम द अदर कंट्रीज ये भी नहीं बनेगा सिक्योर थोड़ा है द वॉटर विच इज सप्लाई टू द अदर कंट्री ये गलत है वाटर ऑफ द सी लोकेटेड क्लोज टू द कोस्ट ऑफ द कंट्री बिल्कुल सही ऑप्शन ये वाला है जाने के हमारे क्लोज होगा और ये कहने का मतलब इस पानी के ऊपर सॉवरनेटी किसकी होगी पर्टिकुलर कंट्री की होगी सॉवरनेटी का मतलब पूरी संप्रभुता पूर, पूरा का पूरा हक किसका होगा उस देश का होगा जिस देश के तट के ऊपर ये जो है आपका पानी है तो टेरिटोरियल वाटर के ऊपर लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया का जो पानी है 22 किलोमीटर तक इंडिया का पानी है इंडियन ओशन में और अरब सागर में अरे बे ऑफ बंगाल में सब जगह के ऊपर बाईस किलोमीटर तक आपका पानी रहेगा समझ आया तुम्हें जी डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर चलिए जी अगला बताइए मैंने आपको बताया था ज्योग्राफी के अंदर कॉन्सेप्ट डेफिनेशंस अगर क्लियर हैं तो आपको आती है ठीक है तो आपको जोग्राफी आती है चलिए आंसर बताइए द द बेस्ट वे टू कंजर्व वाटर रिसोर्सिस इज देखिए जी आपका जो वाटर को कंजर्व करने का वाटर को रिसोर्सिस को कंजर्व करने का तरीका क्या है इनमें से रेन वाटर हार्वेस्टिंग बिल्कुल सही पानी बचा लो तमिलनाडु में जैसे होता है ये बिल्कुल सही है सस्टेनेबल ऑब्वियसली बात है आज जो चीज़ पड़ी है उसको ऐसे यूज़ करो फ्यूचर जनरेशन यूज़ कर पाए सही है एनकरेजमेंट ऑफ द नेचुरल रीजनरेशन ऑफ़ द वेजिटेशन बिल्कुल सही है तो इट मीन्स ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट वन आंसर इसमें फोर्थ ऑप्शन बनेगा मैंने आपको जैसे बताया देखिए सीधी सी बात है आप ऑप्शन देखते नहीं हो तो तभी तो पेपर में गलत होते हैं अदरवाइज जोग्राफी बहुत फ्रेंडली टॉपिक होता है ठीक है तो इस तरीके से आप पानी की सेविंग कर सकते हैं ये आपने घरों में देखते हो गए वाटर को सोर्सेज को प्रोटेक्ट कीजिए जो स्किप है वो बॉटल वाटर को स्किप कीजिए इंस्टॉल वाटर सेविंग फिक्सर टेक शार ये शार से नहा मत नहाइए ठीक है और रेन वाटर ग्रे वाटर को हार्वेस्ट कीजिए और ब्रशिंग टीथ को जो आप धोते हो तो उसके बाद आप पानी पानी बंद कर दो वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जो डेली लाइफ में आप देखते हैं चलिए जी अगला आंसर बताइए अरे बेस्ट का मतलब ऑप्शन भी चलना है हैं तुम तो हीरो ही बन रहे हो क्वेश्चन पढ़ना नहीं है ठीक है और उसमें देख रहे हैं ना है। पहले क्वेश्चन में तो बताया था मैंने अगर वहाँ पे मेन uh, कॉज वाले पे बताया था अगर ऑप्शन डी होता तो डी लगा देते टीचर मत बना करो तुम हम ही ठीक हैं टीचर तो ग्रीन अकाउंटिंग मीन्स मेजरिंग द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री टेकिंग इन अकाउंट द एस्टिमेशन ऑफ ग्रीन वर्ड से ही हमें पता लग गया कि किसके ऊपर बात कर रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर बात कर रहा है तो मतलब इन्वायरमेंट की अकाउंटिंग है जिसमें हम नेशन इनकम कंसिडर करेंगे किस चीज़ की जो आपकी बात होगी देखते हैं ऑप्शन पढ़ के देखते हैं द टोटल एरिया द फॉरेस्ट एरिया ऑफ द कंट्री चलो देखते हैं द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री पॉल्यूशन एंड द इन्वायरमेंट डैमेज द एरिया ऑफ द रिकी फेलो लैंड तो अब एक चीज़ बताइए कि यहां पे आपकी जो है ये किस में होगा ये ग्रीन अकाउंटिंग किसमें होगी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका पोल्यूशन एंड एनवायरमेंट डैमेज कि कितना आपका जो पोल्यूशन आपके पर्टिकुलर कंट्री के अंदर कितना पोल्यूशन कर रहे हैं कितना आप पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जो है इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं वही आपका किसका पार्ट बनता है ग्रीन अकाउंटिंग का पार्ट बनता है सो so ये चीज ध्यान रखिए तो आंसर इसमें क्या बनेगा सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर क्लियर हो गया तुम्हें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट सी ऑप्शन इज अ करेक्ट वन सी ऑप्शन सो दिस इज़ ग्रीन अकाउंटिंग ये नाइनटीन एटीज़ में देखने को आपको मिली थी जिसका मतलब क्या होता है इन्वायरमेंट को सस्टेन करना इन्वायरमेंट को सस्टेन करना यानी कि इन्वायरमेंट को डैमेज से बचाना पोल्यूशन को कम करना ये सारी चीज़ें जिसके अंदर आप इन्वायरमेंटल रिसोर्स को आप प्रोटेक्ट करके रखेंगे और उसके अंदर जो है आपके जो नेशनल अकाउंट्स के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर ये सारी चीज़ें आप करेंगे सो दिस इज़ कॉल्ड ग्रीन अकाउंटिंग ये याद रखिए इंपॉर्टेंट है अगला बताइए अगला बताइए बेसाल्टिक लावा इज फाउंड इन जो बेसाल्टिक लावा है ये कहाँ पे मिलता है पहली बात तो ये एक्सक्लूसिव लावा है एक्सक्लूसिव लावा का मतलब क्या हो गया कि ये जो लावा है वो बाहर की तरफ गिरेगा और जमेगा नहीं मतलब बाहर आके जमेगा मतलब कहने का मतलब ये होता है कि ये कुछ निकला लावा मैग्मा वगैरह निकलते हैं तो ये बाहर आके जमेगा और ये धरती के अंदर नहीं जमेगा अगर धरती के अंदर जमता तो इंक्लूसिव बोलते जान के धरती के बाहर आएगा और इसको हम क्या कहते हैं एक्सक्लूसिव लावा इसको कहा जाता है समझ आया पहले तो इतना पॉइंट समझिए कि इसको हम क्या कहते हैं एक्सक्लूसिव लावा यस ये कहाँ पे देखने को मिलता है सो ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे सो हेयर द डेकन ट्रैप आपको मिलता है सो दिस इज द आपका प्रॉपर तरीके से जो है आपका बसालवा है और ये क्या करते हैं बसाल्टिक मैग्मा बाहर आता है जमता है ये प्रॉपर तरीके से और ये मिलता है आपको कहाँ पे? Deccan ट्रैप में आंसर इसमें क्या बनेगा वन ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर Deccan ट्रैप क्लियर हो गया आप लोगों को जी और यहाँ पे हिमालय की बात करूँ तो ये यंग फोल्ड माउंटेन है हमारी यंग फोल्ड माउंटेन है और हमारे इंडिया में सबसे ओल्ड फोल्ड माउंटेन कौन सी अरावली जिसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर और जो देखने को मिलती है आपकी राजस्थान में चलिए जी अगला आंसर बताइए ओ भाई स्टड मत बन तू अपना ठीक है इतना स्टड नहीं बनते होते पढ़ने की तरफ ध्यान दे ले पढ़ने की तरफ ध्यान दे ले तू बात करेगा ये द ट्रॉपिकल ग्रास लैंड इज कॉल्ड वट इज द मीनिंग ऑफ ट्रॉपिकल ग्रास लैंड ट्रॉपिकल मतलब जहां पे बारिश वाला एरिया जाने की आपका ट्वेंटी uh, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में ट्रॉपिकल एरिया और ग्रास लैंड मतलब घास के मैदान तो ये कौन से घास के मैदान है ये तो जल्दी जल्दी बताइए यस yes. जी तो ये जो है घास के मैदान है ट्रॉपिकल ग्रास लैंड डेट इज इन द सवाना सवाना ग्रासलैंड आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा इट्स नॉट सावन इट्स सवाना ठीक है सवाना कहां पे है अफ्रीका के अंदर अफ्रीका के अंदर ग्रासलैंड्स हैं ये वाले समझ आया तुम्हें तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका यस आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर क्लियर हो गया और लानोस की बात करें यहां पे लानोस की बात करें तो ये वेनेजुएला में है ठीक है और एक होता है कैंपोस ये होते हैं कहां पे एक सेकेंड ये अफ्रीका में है वेनेजुएला के अंदर है तो कहाँ पे होते हैं यस ब्राजील में होते हैं समझ आया और यहां पे पैंपास की बात करूं तो ये होते हैं पैंपास कहां पे होते हैं जल्दी से जल्दी बताओ पैंपास कहां पे होते हैं यस अर्जेंटीना अर्जेंटीना में और वेल्ड बताओ यस साउथ अफ्रीका और ये बताओ पुस्ताज, हंगरी, कैंटरबेरी न्यूजीलैंड और 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 बताओ और 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 आपका डाउंस ऑस्ट्रेलिया ठीक है सो ये सारे याद कर रहे हैं आपको आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर डेट इज सवाना ग्रासलैंड्स तो दिस इज द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड द सवानास इन द अफ्रीकन रीजन ये पढ़िए जी स्टेपीज हैं यूरोप और नॉर्थ पुस्ताज हैं हंगरी प्रेरीज यूएस पैम्पास अर्जेंटीना वेल्ड साउथ अफ्रीका डाउंस ऑस्ट्रेलिया कैंडाबेरी न्यूजीलैंड सवाना यहाँ पे ऑप्शन था ये वाला तो ये था अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया टैगा यूरोप और एशिया सेल्वास साउथ अमेरिका सो दीज आर द ट्रॉपिकल ग्रास आपको पता होने चाहिए और इसमें जो बाकी हैं वो आपके जो है ये वाले मैं आपको बताता हूँ ये जो सवाना है ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है लानोस ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है कैंपोज ट्रॉपिकल ग्रास लैंड है बाकी जो है आपके टेम्परेट ग्रास लैंड है ध्यान रखना बाकी सारे आपके हैं ग्रास लैंड अगला आंसर बताइए शाबाश आंसर बताइए अगला प्राइमरी गोल ऑफ द प्लानिंग फॉर डिजास्टर इज टू रिड्यूस देखिए जी जब भी आप डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आपका कौन सा है 2005 का 2005 का समझ आया तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का जो द, जो भी डिजास्टर होता है उसका मेन रीजन क्या होता है मेन उस चीज का क्या होता है कि उसकी जो वलनरेबिलिटी है उसको खत्म किया जाए वलनरेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि प्लानिंग में क्या होगा उसकी डिजास्टर की प्लानिंग में यही होगा कि उसकी वलनरेबिलिटी को खत्म किया जाए कहने का मतलब क्या है कि हाँ कल को वो हो ना पाए और जो डिजास्टर होना हो सकता है उसको कम किया जा सके समझ आया लाइक फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं कि हाँ साइक्लोन आने वाला है ठीक है तो वो भी डिजास्टर है तो उसमें हम क्या करेंगे उसमें यह थोड़ा कहेंगे डेथ को बचा लो रिस्क को बचा लो डैमेज को बचा बचा लो बचा ये तो करेंगे ही करेंगे लेकिन मेन फोकस क्या होगा प्राइमरी चीज क्या होती है आप ऐसे करो कि आ, मतलब साइक्लोन को रोकने के लिए ऐसे चीजें कर दो कि वो जो है साइक्लोन इतना इफेक्ट शो ना कर पाए ठीक है जान बचा लेंगे रिस्क बचा लेंगे सब चीजें हो जाएंगी लेकिन इतनी चीजें वो कंट्रोल करनी है कि वो साइक्लोन ज्यादा इफेक्ट ना शो कर पाए उस एरिया को खत्म ना कर पाए लोगों को खत्म ना कर पाए वो तो चलो चीजें हैं ही है मेन इज कि वो चीज को कंट्रोल किया जाए और उसके इफेक्ट को कंट्रोल किया जाए तो डैट मीन्स इसका फर्स्ट रीजन क्या होता है वलनरेबिलिटी को कंट्रोल करना रिड्यूस करना होता है तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर यही आपका मेन फैक्ट होता है जो आपको कंट्रोल करना होता है आंसर इसमें डी इज द करेक्ट वन चलिए जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द टर्म एपी सेंटर इज एसोसिएटेड विद पहली बात तो मैं बात करूंगा अर्थ को एक साइक्लोन्स लैंडस्लाइड्स और बॉल्कैनोज की ये चारों के चारों जो हैं आपके क्या हैं नेचुरल डिजास्टर हैं नेचुरल डिजास्टर मतलब अपने आप होते हैं ये बात है अभी आ जाओ एपी सेंटर की एपी सेंटर जो वर्ड है ये किसके साथ एसोसिएट करता है ये अर्थक्वेक के साथ एसोसिएट करता है आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर वन ऑप्शन अब अर्थक्वेक में क्या होता है अर्थक्वेक में क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से जो है अर्थ हिलती है हिलती है क्लियर जो जहां से पॉइंट स्टार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं फोकस और एपिसेंटर जो आपका यहाँ पे है समझ आया यह, जो आपका यहाँ पे है यहाँ से अर्थक्वेक और एपी uh, अर्थक्वेक जो है आपका स्टार्ट होता है और रप्चरिंग स्टार्ट होती है जो इसका इफेक्ट बिल्कुल ऊपर की तरफ देखने को मिलता है यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं एपिसेंटर कहा जाता है सो दिस इज कॉल्ड एपिसेंटर दिस इज एपिसेंटर क्लियर हो गया आप लोगों को इट मीनस फोकस वो एरिया है जहां से आपका अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ रक्चरिंग स्टार्ट हुई जहां पे इसका इफेक्ट दिखेगा डेट इज कॉल्ड एपी सेंटर और एपी सेंटर जो होगा वो हमेशा ऊपर होता है फोकस के ये भी आपको क्लियर होना चाहिए फोकस को हम और क्या कहते हैं हाइपो सेंटर कहते हैं सो दैट मीन्स ये एपी सेंटर वर्ड जो है आपका किसके साथ संबंधित है अर्थक्वेक में अर्थक्वेक जो होता है द सडन शेक ऑफ द अर्थ और अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए इंटेंसिटी और आपकी मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मैग्नीट्यूड मेजर किया जाता है रिक्टर स्केल से ठीक है और इंटेंसिटी मेजर करी जाती है आपकी मर्कली स्केल से ये आपको सारे फैक्ट याद होने चाहिए तो आंसर इसमें क्या बनेगा वन ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर वन ऑप्शन साइक्लोन की अगर मैं बात करता हूं साइक्लोन क्या होते हैं साइक्लोन के सेंटर में लो प्रेशर होता है बाहर हाई प्रेशर होता है और धरती पे लो प्रेशर होता है जिस कारण हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है ये साइक्लोन जो होते हैं आपके नदर हेमिसफियर में साइक्लॉन्स इन नदर हेमिसफियर आर एंटी वाइज और साइक्लोन इन सदरन हेमिसफियर आर क्लॉक ये याद रखें नदन हेमिसफीर में एंटी क्लॉक सदरन हेमिसफियर में क्लॉक होते हैं सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके इसके साथ संबंधित हैं चलिए जी अगला आंसर बताइए अगला आंसर बताइए जी द वेरी स्ट्रोंग एंड द कोल्ड आईसी विंड दैट ब्लो इन द पोलर रीजन आर कॉल्ड पोलर रीजन के अंदर जो है इनमें से ठंडी और आईसी बहुत स्ट्रांग हवा चलती है पोलर रीजन के अंदर उसको हम क्या कहते हैं देखिए हम आ, जो है टाइफून की बात करें टॉर्नाडो की बात करें ये दोनों तो आपके क्या हैं साइक्लोन का फॉर्म है पोलर विंड सिर्फ हवाएं हैं ब्लिज़र्ड कहा जाता है आंसर इसमें क्या बनेगा फोर्थ ऑप्शन थर्ड ऑप्शन ब्लिजर्ड जो होती है टुंड्रा रीजन में होती है टुंड्रा रीजन में और ये आपकी कोल्ड विंड होती है वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द वेरी आइसी कोल्ड विंड इन द पोलर रीजन आंसर इसमें क्या बनेगा थर्ड ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर ब्लिजर कहते हैं बिल्कुल सही ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट वन तो यहां पे देखिए ये ये होती है Blizzard, ये होती है स्नो स्ट्रॉम ब्लीजर्ड में क्या होता है ब्लीजर स्ट्रांग होती है स्नो स्ट्रॉम से ब्लीजर्ड जो होता है जिसके अंदर हवा बहुत स्ट्रांग होती है और आइस मतलब आइस को पिक करती है और गिरती रहती है ब्लीजर जो होते हैं विंटर स्ट्रॉम्स होते हैं और कॉम्बिनेशन होते हैं ब्लोइंग विंड के मतलब आइस भी गिरेगी और विंड भी चलेगी यहाँ पे स्नो स्टॉम मतलब बर्फ गिर रही है आपकी यहां पे क्लियर और स्ट्रॉन्ग होते हैं ब्लिजर स्ट्रॉन्ग होता है और इफेक्ट ज्यादा कॉज करता है अगर लगेगा आपके तो नुकसान पहुंचाएगा अब यहाँ पे देखो ये मैंने आपकी जो है साइक्लोन्स के अलग अलग नाम लिख दिए वेस्ट इंडीज़ वेस्ट इंडीज़ और फ्लोरिडा कोस्ट के ऊपर इसको हरिकेंस कहा जाता है और फिलीपींस के अंदर इसको ताइफून कहते हैं चाइना चाइना और जापान सीज के अंदर भी बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में इसको साइक्लोन कहते हैं मैडा कोस्टल रीजन ईस्ट अफ्रीका और वेले वेलीज कहाँ पर बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया वाले एरियाज़ में टोर्नेडो वर्ड यूज किया जाता है यूएसए में और मैक्सिको में वर्ड टॉर्नेडो यूज़ किया जाता है सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके साइक्लोन्स के अलग अलग नाम हैं पता होने चाहिए आपको समझ आया आप लोगों को हाँ और पहले दूसरा तो खत्म होने दे तीसरा ले लो पहले ही पढ़ने नहीं आते तुम तुम सिर्फ पी डी एफ इकट्ठे करने आते हो ताकि आपको बेचनी पड़े पहले दूसरा पढ़ लो पहला पढ़ लो कुछ तो पढ़ लो चलो अगला आंसर बताइए पढ़ना लिखना कुछ है नहीं तुम तो मैं बातें करा लो जितनी मर्जी क्वेश्चन देखिए जी अगला क्या कहते हैं देयर इज ए नीड टू कीप लार्जर एरिया अंडर फॉरेस्ट फॉर देयर इज ए देयर इज ए नीड टू कीप लार्जर एरिया अंडर फॉरेस्ट फॉर मतलब फॉरेस्ट के अंदर बहुत बड़ा एरिया आपको कवर करना है ठीक है तो इसमें क्या चीज होगी देयर इज ए नीड टू कीप लार्ज एरिया अंडर फॉरेस्ट फॉर किस चीज के लिए किस चीज के लिए एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये हो सकता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कौन करेगा आपके फॉरेस्ट्री करेंगे प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ ऐसा कुछ नहीं है पार्टिस प्रेसिपिटेशन uh, बारिश को बढ़ाने के लिए ये भी ऐसा कुछ भी नहीं है जियोलॉजिकल बैलेंस ये भी ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है हो सकते हैं बट नीड किस चीज़ के लिए है कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करने की रीजन वाई क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट अगेन ग्रीन हाउस इफेक्ट क्वेश्चन वही है लैंग्वेज चेंज कर दी इसने ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को आपको करने के लिए क्योंकि जो फॉरेस्ट होते हैं दे आर द सिंक दे आर द सिंक फॉर दे आर द सिंक फॉर आपका कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर अगर आपसे पूछा कि अच्छा ये बताओ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन से फॉरेस्ट देते हैं तो एमेजॉन फॉरेस्ट एमेजोन फॉरेस्ट कहाँ पे हैं साउथ अमेरिका के अंदर देखने को मिलते हैं और ब्राजील जो है सबसे ज्यादा पार्ट एमेजोन का ब्राजील देश के अंदर आता है ये भी आपको याद रखना है आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर वन ऑप्शन चलिए अगला आंसर बताइए अगला आंसर बताइए इन विच रीजन ड रेनफॉल अकर थ्रू आउट द ईयर सारा साल जो बारिश होती है वो कहाँ पर होती है देखिए दो चीज़ें हैं रेनफॉल भी वहाँ पर ज़्यादा होती है और आपका टेम्परेचर कंडीशन सन की रेज भी डायरेक्ट बढ़ती हैं वहाँ पर समझ आया मतलब हीट भी होती है और प्लस रेनफॉल भी आती है और वो होता है इक्वटोरियल रीजन जाने की जीरो डिग्री वाला रीज़न पहले आपको जीरो डिग्री वाला पार्ट दिखाता हूँ मैं आपको फिर पता होगा चल भाई आगे हाँ तो ये है आपका ज़ीरो डिग्री वाला यहाँ पे सो दिस इज द इक्वेटर दिस इज द इक्वेटर वाला पार्ट क्लियर यहाँ पर नॉर्थ ईस्टरी ट्रेडमेंट्स और आपकी साउथ ईस्टरी ट्रेडमेंट जो है आपकी कन्वर्ज होती हैं आई टी सी जेड वाला पार्ट बनाती है यहाँ पर डोड्रम्स पे पास तो इक्वटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इज द एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है यहाँ पर आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर क्लियर ट्रॉपिकल एरियाज मैंने आपको बताया था साढ़े तेईस डिग्री नॉर्थ से ले कर साढ़े तेईस डिग्री साउथ में आपको पड़ता है और बिटवीन द कैंसर एंड द कैप्रिकॉन क्लियर मेडिट्रेनियन सी से आपकी एक हवाएं चलती हैं जो मैंने आपको बताई थी वेस्टर्लीज जो ठंड में चलती हैं पश्चिमी घटाएं और जो हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर जो है एग्रीकल्चर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो अभी आपने रबी क्रॉप्स उगा रखी सॉरी ये उगाएंगे विंटर के अंदर उगाएंगे जो गेहूं वगैरह की फसलें तो उसके लिए हमारे इंडिया में मेड्रेनियन सी जो मेडिट्रेन सी से वेस्टलीज आती हैं बारिश करती हैं अच्छा होता है एग्रीकल्चर के लिए टेम्परेट की बात करूँ तो इनको हम बोलते हैं द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड टेम्परेट एरियाज़ को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है क्योंकि टेम्परेचर कंडीशन एग्रीकल्चर के लिए बहुत जो है अनुकूल होती हैं जिसके कारण यहाँ पे इजी रहता है सब कुछ उगाना आंसर इसमें क्या बनेगा बी ऑप्शन इक्वाटोरियल इज द करेक्ट आंसर इक्वाटोरियल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चलिए जी अगला आंसर बताइए वट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लाउड बर्स्ट क्लाउड बर्स्ट का वर्ड का मतलब क्या होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाउड बर्स्ट फटाफट बताइए देखिए जी क्लाउड बर्स्ट होता क्या है यहाँ पे देखिए दिस इज द क्लाउड बर्स यहां पे क्या हो गया कि ये जो बादल है ये फटा और फटने से ही बारिश कर दी लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं ये जो बार, ये फटा तो सही सही ठीक है ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा देर तक बारिश करेगा लंबे समय तक बारिश नहीं होगी लेकिन इसके अंदर इतनी कैपेसिटी जैसी ये फटा ये क्या कर सकता है फ्लड भी लेके आ सकता है ये जरूरी नहीं है ये जरूरी नहीं है कि ये लंबे टाइम तक बारिश होगी ये ऐसे है कि अगर ये फटा तो फटाफट ये ये फ्लड भी लेके आ सकता है सो दिस इज कॉल्ड क्लाउड बर्स्ट क्लियर तो पहले तो पॉइंट देखते हैं क्या बनेगा सोइंग ऑफ द सीड ऑफ ए क्रॉप इन ये क्या ऑप्शन है इट एबनॉर्मली हैविल डाउन पोर ऑफ द रेन एसोसिएटेड विद द थंडर स्टॉम यह सही है फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल रेन गलत आर्टिफिशियल रेन जो है आपकी गलत है ये प्रेजेंस ऑफ स्कैटर्ड फ्लेक्स ऑफ क्लाउड इन द स्काई ये भी गलत है तो आंसर इसमें क्या बनेगा ओनली टू इज द करेक्ट आंसर ओनली टू इज द करेक्ट वन टू ऑप्शन यस बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर बी ऑप्शन क्लाउड बर्स्ट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर यहां पे देखिए विद ए फॉल रेट ऑफ इक्वल टू ग्रेटर देन 100 मिलीमीटर mm. 100 मिलीमीटर पर आवर की स्पीड से जो है ये आती है बारिश और ये क्लाउड बर्स्ट बनता है यहां पे अगला बताइए हमारे इंडिया के अंदर सॉरी धरती के अंदर डेजर्ट वाला पार्ट जो है वो कितना है डेजर्ट वाला पार्ट कितना होता है डेजर्ट वही है जहाँ पे आपकी 25 मिलीमीटर mm मीटर से बारिश कम होती है यहाँ पे जो प्लांट होते हैं वो थॉर्नी प्लांट्स होते हैं जिनको आप जेरो फिटिक प्लांट भी कहते हैं जो एक कांटे ले, ले लेते हैं जैसे कैक्टस वगैरह क्लियर और ये पूरे वर्ल्ड के अंदर धरती के अंदर कितना पार्ट है वन थर्ड पार्ट है आपका वन थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट जो है आपका अर्थ के लैंड सरफेस का डेजर्ट है आंसर इसमें क्या बनेगा सी ऑप्शन ये स्टैटिक क्वेश्चन की तरह याद करेंगे तो ईजी रहेगा ज्यादा डेप्थ में जाओगे तो आप कंफ्यूज uh, होते जाओगे तो आंसर इसमें सी ऑप्शन नो इट वन थर्ड ओनली थर्टी थ्री परसेंट ऑफ द लैंड सर्फेस पहली बात तो इसने बोला है अर्थ का लैंड सर्फेस बताना है क्लियर ये देखिए ये डेजर्ट देखो जी कितने डेजर्ट है यहाँ पे यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में देखो मोजावे और सोनोरन और यहाँ पे च्यूहान क्लियर एटाकामा डेजर्ट है आपका साउथ अमेरिका में नामीबिया का डेजर्ट है कालाहारी डेजर्ट है सहारा डेजर्ट है अफ्रीका के अंदर क्लियर हो गया आप लोगों को थार डेजर्ट इंडिया में आ गया एशिया में अरेबियन पैनिसला डेजर्ट हो गया यहाँ पे गोभी डेजर्ट जो है आपका मंगोलिया में देखने को मिलता है तकला मकान चाइना ग्रेट सैंडी डेजर्ट जो गिप्सॉन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में पूरा वर्ल्ड ही तो पूरा का पूरा क्या है डेजर्ट से भरा पड़ा है सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्लियर अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो आपके डेजर्ट होते हैं मेनली आपके जो है वेस्ट कोस्ट के ऊपर देखने को मिलते हैं वेस्ट कोस्ट के ऊपर देखने को मिलते हैं जहां पे आपकी कोल्ड वाटर करंट आते हैं कोल्ड वाटर करंट जो होते हैं आपके वेस्ट कोस्ट के ऊपर और वो आपको दिख करते हैं वहां पे क्या इज़ द डेजर्ट डेजर्ट बनाते बनाते हैं बनाते हैं वेस्ट कोस्ट के ऊपर पश्चिमी तट के ऊपर ही आपके मेन देखने को मिलते हैं चलिए जी अगला आंसर बताइए अगला आंसर बताइए इनमें से अनप्रडिक्टेबल नेचुरल डिजास्टर कौन सा है अनप्रडिक्टेबल जिसको आप प्रडिक्ट नहीं कर सकते साइक्लोन को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं साइक्लोन का नाम हरिकेन भी होता है साइक्लोन का नाम आपका टोर्नेडो भी होता है समझ, आ, समझ आया अलग अलग लोकेशन के ऊपर जो मैंने अभी आपको बताई थी लेकिन हम अर्थक्वेक को बिल्कुल भी कभी भी प्रोडक्ट नहीं कर सकते अभी क्लास चलते चलते भी डिजास्टर हो सकता है अर्थक्वेक आ सकता है जहाँ पर आप बैठे हैं तो वहाँ पर आपको सडनली हिलने लग जाए आप प्रोडक्ट नहीं कर पाए ना ही आई ने बताया है आपको मेटोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी नहीं कुछ बताया कि अर्थक्वेक आएगा ऐसा होगा वैसा होगा नहीं प्रोडिक्ट कर सकते आंसर इसमें क्या बनेगा ओनली ए ऑप्शन क्लियर हो गया आप लोगों को येस ए ऑप्शन ये नहीं प्रोडिक्ट किया जा सकता अर्थक्वेक को बिल्कुल प्रोडिक्ट नहीं कर सकते सो दिस इज द ऑफ एनर्जी इन द अर्थ क्रस्ट दिस इज कॉल्ड अर्थक्वेक अगला बताइए द लेक फॉर्मड इन ए कट ऑफ रिवर मियांदर इज कॉल्ड जब रिवर्स कट कर जाती हैं दिखाता हूं पहले तो यहां पे सो so, ये होता है इरोजन लेक बनती है एरिया ऑफ डिपोजिशन एरिया ऑफ जो है आपका इरोजन इरोजन लेक बनती है यहां पे क्या बनता है यहां पे आपका नेक के ऊपर नैरो होती रहती है जब ये नैरो हो रही है यहां से नैरो हो रही है तो ये होगी नैरो ठीक है जैसे नैरो हुई तो ये फ्लड वाटर जो है आपका शॉर्ट कोर्स हुआ नेक के पास ऐसे हुआ और फिर इसने क्या कर लिया अपने आप को काट लिया ये जो हो रहा है ये वाला सर्कल वाला पार्ट जो हो रहा है इस तरीके से इसे हम क्या कहते हैं मियांदर कहा जाता है और जब भी ये अपने आप को अलग काट ले इसको इस लेक को हम क्या कहते हैं ऑक्सबो लेक कहते हैं और ये किससे बनती है आपकी इरोजन से बनती है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये अपने आप को कट कर लेता है अपने वाले पार्ट से तो डेट इज द लेक फॉर्मड इन द कट ऑफ रिवर इन द म्यादर इज कॉल्ड आपका डेट इज ऑक्सबो लेक उसको हम कहते हैं आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर समझ आया तुम्हें यस yes. ऑक्सबो लेक इज द करेक्ट आंसर सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्लियर मिट्योरिटिक और क्रेटर लेक आपकी इंडिया में हमारे इंडिया में एक लोनार लेक है लोनार लेक जो आपकी मिट्योरिटिक लेक है लेक है मिट्योरिटिक लेक है ये कहाँ पे देखने को मिलती है महाराष्ट्र में देखने को मिलती है मिट्योरिटिक लेक और ये आपकी जो है उल्का पिंड वगैरह गिरे थे यहाँ पे आके तब जाके बनी थी ये लेक महाराष्ट्र में और लोनार लेक को कन्फ्यूज नहीं करना किससे लोकतक लेक से तक लेक कहां पे है ये है मणिपुर में मणिपुर में एक इसके ऊपर फ्लोटिंग नेशनल पार्क है लामजाओ नेशनल पार्क आपका देखने को मिलता है सो आंसर आंसर इसमें क्या बनेगा थर्ड ऑप्शन इज इज द द करेक्ट ऑक्सबो लेक इज द राइट वन ऑक्सबो लेक इनमें से ऑड वन आउट निकालना है कि कौन सा है ऑड वन आउट निकालिए फटाफट फड़ बताइए कौन सा है यस yes. ऑड वन आउट बताइए इनमें से कौन सा बनेगा बताइए यस yes. आउट में हम बात करते हैं कि क्या आंसर बनेगा इसका शेल लाइमस्टोन और सैंडस्टोन शेल लाइमस्टोन और सैंडस्टोन ये तीनों ये क्या है? सेडिमेंटरी हैं सेडिमेंट्री रॉक्स हैं अवसादी चट्टाने लेकिन जो मार्बल है ये क्या है मेटामॉर्फिक रॉक है मेटामॉर्फिक रॉक है समझ आया तुम्हें देखिए मेटामॉर्फिक रॉक है मार्बल बाकी तीनों क्या हैं आपके सेडिमेंट्री रॉक्स हैं अवसादी चटानें हैं सैडिमेंट्री रॉक्स वो ही होती हैं जहाँ पे आपके सेडिमेंट्री रॉक्स uh, वो होती हैं जहाँ पे आपके सेडिमेंट्री uh, रॉक्स वो होती हैं जहाँ पे आपके जो है नेचुरल गैस ऑयल शेल गैस वगैरह जो है जमा होता है उसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं मार्बल वगैरह जो है आपके मेटामॉर्फिक रॉक हैं सैडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर जो सेडिमेंट्स होते हैं इसके ऊपर हवा पानी का इफेक्ट पड़ता रहता है और ये चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक uh, में आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर यस मार्बल मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक क्लियर हो गया आप लोगों को यस बी ऑप्शन यहां पे देखिए लाइमस्टोन चेंज होता है आपका मार्बल में और इससे क्या हो रहा है मेटामॉर्फिज्म बढ़ रहा है आपका और लाइमस्टोन जो होता है ये आपका किस में पार्ट होता है सीमेंट के अंदर इसेंशियल पार्ट होता है लाइमस्टोन और क्ले दो चीजें होती हैं जो सीमेंट के अंदर होती हैं सीमेंट के अंदर जिप्सम भी होता है जिप्सम जिप्सम क्या करता है जिप्सम क्या करता है सेटिंग टाइम को बढ़ाता है सेटिंग टाइम को क्या कर देता है बढ़ा देता है लेकिन रिएक्शन को सेटिंग रिएक्शन को कम कर देता है धीरे कर देता है तो ये आपको याद रखने फैक्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई बात नहीं चलिए पल्सर आर व्हाट आर पल्सर पल्सर क्या होते हैं जी पल्सर क्या होते हैं वट आर पल्सर यस सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला देखिए जी पल्सर वो स्टार होते हैं जो मूव करते हैं रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार दे आर रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार इज कॉल्ड पल्सर आपने सुना होगा पल्सर बाइक सुना है आ से आई थिंक छः सात साल पहले पल्सर बाइक बहुत चलती थी अभी भी चलती है लेकिन उस टाइम तो बहुत चलती थी क्योंकि नया नया मॉडल आए थे उस टाइम पे तो पल्सर बाइक की जब भी ऐड आती थी, थी ना तो हमेशा वो पल्सर को क्या करते थे पल्सर बाइक को वो घुमाते थे जो भी राइडर होता था वो घुमाता था ठीक है जब भी ऐड आती थी, थी तो पल्सर का मतलब ही क्या होता है रोटेटिंग रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार इज कॉल्ड आपका पल्सर तो इसका आंसर क्या बनेगा दिस इज द रैपिडली स्पिनिंग स्टार इज कॉल्ड जो है आपका पल्सर तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर समझ आया मूविंग जो आपका रैपिडली मूव करता था यस yes. आंसर इसमें क्या बनेगा सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर सी ऑप्शन यहां पे देखिए पल्सर क्या होते हैं दे आर द लाइट हाउस ऑफ द यूनिवर्स लाइट हाउस ऑफ द यूनिवर्स किसे कहते हैं हम पल्सर को कहते हैं और इसमें रेडियो वेव्स आती हैं और पल्सेटिंग इफेक्ट देती हैं हंड्रेड टाइम्स ए सेकेंड एक सेकेंड में हंड्रेड टाइम्स जो है मूव कर जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और जो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ते हैं दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पल्सर अगला बताइए अगला बताइए ऑन विच डेट इज इंडिया लाइकली टू एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे मतलब इंडिया के अंदर जो है आपका शॉर्टेस्ट डे कब होता है ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं इंडिया के अंदर शॉर्टेस्ट डे तब होगा जब सन की किरणें नहीं पड़ेंगी सन की किरणें जब आपका क्योंकि इंडिया के बीच में निकलती है ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्लियर जब ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर के उलट पल दूसरी तरफ सन की रेज पड़ रही होंगी मतलब कैप्रिकॉन के ऊपर जो है सन की रेज पड़ रही होंगी मकर रेखा के ऊपर सन की रेज पड़ रही होंगी तब जाके इंडिया के अंदर शॉर्टेस्ट डे होगा शॉर्टेस्ट डे होगा और नाइट क्या हो जाएगी लॉन्ग हो जाएगी और ये तब होता है जब 22 दिसंबर का दिन होता है 22 दिसंबर आंसर इसमें क्या बनेगा बी ओ, ए ऑप्शन बनेगा क्योंकि 22 दिसंबर के दिन क्या होता है सन की रेज क्या पड़ रही, रही होती है कैप्रिकॉन के ऊपर पड़ रही होती हैं और इंडिया जो है आपका कहाँ पे है नदर हेमिस्फीयर में और इंडिया के अंदर होता है उस टाइम पे विंटर सॉल ठंड होती है दिन छोटा और रात लंबी होती है दिसंबर 22 को क्योंकि सन की रेस यहां पे पड़ रही है कैप्रीकॉर्न के ऊपर पड़ रही है इसी कारण आपने देखा होगा कि जब 22 दिसंबर के आसपास 25 दिसंबर आ गया हमारा जो क्रिसमस डे होता है तो क्रिसमस डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं हम सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में तो वो सेलिब्रेट किया जाता है सर्दियों में लेकिन ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर जो है गर्मियों में क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है सदर्न हेमिसफियर में पड़ रहा है वहां पर ही आपकी कैप्रिकॉन की रेखाएं चलती हैं वहां पर ठीक है याद रखें जून इक्कीस की बात करें तो नदन हेमिसफियर के अंदर होता है समर सॉल्ट साइस गर्मी वाला दिन लंबा दिन और रात छोटी और ये नदन हेमोस्फियर में और ये होता है आपका कैंसर के ऊपर रेज पड़ रही होती है यहाँ पे 21 मार्च और 23 सितंबर की बात करें तो निकल निकलते हैं यहाँ पे इक्विनॉक्स इक्विनॉक्स का मतलब दिन और रात बराबर 12 12 घंटे के होते हैं यहाँ पे इक्वेटर के ऊपर सन की रेज पड़ रही होती हैं इक्वेटर के ऊपर विशुभ रेखा के ऊपर आंसर इसमें क्या बनेगा वन ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर 22 दिसंबर इज द करेक्ट आंसर 22 दिसंबर तो यहाँ पे देखिए जी बाईस दिसंबर बाईस दिसंबर विंटर सॉल हो गया नदर हैमिस्वियर में सेप्टंबर तेईस को हो गया ऑटम इक्विनॉक्स बीस से इक्कीस मार्च को गया वर्नल इक्विनॉक्स और यहां पे आपका जून इक्कीस और 22 को हो गया आपका तो दिस चाहिए एक याद कर लीजिए पेरीहिलियन वर्ड याद कर लीजिए जो पेपर में आता है और एक आता है एपहीलियन हिलियॉन का मतलब क्या होता है सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो कम हो गया दैट इज वन मिलियन किलोमीटर हो गया पे का मतलब सन और अर्थ का डिस्टेंस बढ़ गया वन फिफ्टी टू पॉइंट वन मिलियन किलोमीटर हो गया ये पेरी का टाइम होता है तीन जनवरी का और ऐप का टाइम होता है चार जुलाई का और अदरवाइज सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस होता है वन मिलियन किलोमीटर का तो ये डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए क्लियर हो गया आप आप लोगों लोगों को को तो ये है आपके so, आप को ये आपके क्वेश्चन सो आई विश क्लास अच्छी लगी होगी क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिए और प्लस एक हमारी क्लास आने वाली है 18th को साइंस की और जो है जो सैटरडे को सैटरडे को मेरे को डे मैं भूल गया सैटरडे को आने वाली है हमारी जो है डेट इज एनसीआरटी की साइंस की और संडे को आएगी हमारी ल्यूसेंट के एमस्यूस की क्लियर बाकी आप हर घर शिक्षा कैंपेन में आप मेरे पेड कोर्सेज के साथ भी आप जुड़ सकते हैं और इसमें आपको जो कोर्स है जस्ट फोर नाइनटी नाइन रुपए में आपको मिलेगा आपको कोड लगाना है वी आई पी फोर नाइनटी नाइन ये कोड लगा के आपको सारी चीजें मिल जाएंगी ये कोर्सेज कौन से हैं हमारा टेन थाउजेंड और जीएस कोर्स टेन थाउजेंड में हमारे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हमने एमसीयू किए हैं डिटेल में प्लस कोर्स में हमारी चीजें हैं थ्योरी वाइज टॉपिक वाइज चीजें डिस्कस करी हैं ये कोर्सेज आपको मिलेंगे कहां पे हमारे स्टडी आई क्यू ऐप और वेबसाइट के ऊपर और इनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी आपको गिवन है तो वहां से भी आप ले सकते हैं अदरवाइज स्टडी आई क्यू ऐप और वेबसाइट जैसे खोलेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज यहां पे देखिएगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज व्यू ऑल का बटन इस व्यू ऑल के बटन को दबा नॉट व्यू ऑल आप होम पेज पे जाना सीधा जाना आप नीचे डॉक्टर विपिन गोयल कोर्सेज पे जाना ठीक है तो वहां पे डॉक्टर विपिन गोयल कोर्सेज नजर आएंगे तो ये दोनों कोर्सेज नजर आ जाएंगे वीआईपी फोर नाइनटी नाइन लगाना आपको कोर्स मिल जाएगा अदरवाइज इन डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर भी मैं शेयर करता रहता हूँ और आप मेरे से कनेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपको टेलीग्राम का चैनल टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको 100 परसेंट यहाँ पे ज्वाइन करना है ताकि आपको सारी क्लासेस इंफॉर्मेशन आपको मिलती चली जाए क्लियर सो थैंक यू सो मच अच्छे से पढ़ें तैयारी करें अपने दोस्तों को भी बताएं हमारे चैनल के बारे में हमारे क्लासेस के बारे में हमारे कोर्सेज के बारे में ठीक है और आप हर घर शिक्षा कैंपेन में भी आप हिस्सा ले सकते हैं जस्ट फोर नाइनटी में एक साल की वैलिडिटी के साथ ठीक है सो थैंक यू सो मच गुड लक टेक केयर बाय जय हिंद थैंक यू सो मच